कमर कस लो भाई लंबा लेक्चर होने वाला है क्या हाल चाल है दोस्तों क्या हाल चाल है दोस्तों क्या हाल चाल है दोस्तों क्या हाल चाल है भैया सबसे पहले तो चैट बॉक्स पे ये बताओ हैप्पी बर्थडे सर भाई मेरा कोई बर्थडे नहीं है आज ठीक है भैया नमस्ते 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन आ जाओ भाई फटाफट आ जाओ भाई सब लोग कहा है धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं कोई पांच मिनट बाद कोई दस मिनट बाद कोई आधे घंटे बाद कोई तो ज्वाइन ही नहीं करता है। हाय हाय हाय, हाय 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 शेख, नीतू, हाँ, अंकिता, हाँ, श्रेया, हाँ, प्रशांत, हाँ, नमन, हाय मयंक हाय विवेक हाय फातिमा नमस्ते 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 टू एवरी बबुआ आउट देर ठीक है ओके सर चलिए स्टार्ट करते आज के लेक्चर की कहानी लेकिन उसके पहले वेलकम 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 एवरीवन टू द द्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला दोस्तों मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर आपका दोस्त, आपका दोस्त बड़ा भाई जो दिल दिल से से आए वो कहना और दिल से ही कहना और ही नहीं तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं ठीक है बहुत बहुत स्वागत करता हूं भैया आपका फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर मैं एकदम चंगा सी मैं एकदम चंगा सी मैं एकदम चंगा सी थैंक यू फॉर आस्किंग मेरे दोस्तों ठीक है तो भैया अब हम लोग क्या करने वाले चैप्टर नंबर थ्री आपका इक्वेशन इन टू वेरियबल्स कितने चैप्टर हो गए हमारे वॉरियर बैच में सर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, गया सर रियल नंबर हो गया और कल ही हाल ही में थर्ड मतलब फिफ्थ चैप्टर अगर लाइन वाइज देखू तो बाकी आपके एनसीआरटी के हिसाब से ही आपका थर्ड चैप्टर है ठीक है सबसे बड़ा चैप्टर आपके क्लास टेंबसे बड़ा चैप्टर ट्राइंगल्स भी इससे छोटा है सर्कल्स भी इससे छोटा है ठीक है लेकिन बहुत आसान सा चैप्टर है अब प्रॉब्लम क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में इक्वेशन तो सॉल्व हो जाती है लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाई कैसी जाए ये समझ नहीं आता गुरु कुछ कर दो सर कुछ समझ नहीं आता भाई बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं और वो वर्ड प्रॉब्लम को आप वर्ड सॉल्यूशन बोलोगे क्योंकि सॉल्यूशन मैं दूंगा बहुत आसान वादा कर रहा हूं ठीक है स्टार्ट करते हैं भाई आज की कहानी ऐसा होता है भाई ये सबके साथ पूरे साल एकदम चिल कर रहे हैं कर रहे हैं और उसके बाद एक दिन पहले एग्जाम के एक महीने पहले एग्जाम से उदास बैठे हैं भैया परेशान बैठे हैं हैं स्ट्रेस में बैठे कैसे करूं क्या करूं टेंशन लेने की बात नहीं है वॉरियर बैच आप जैसे लोगों के लिए भाई मतलब जिन लोगों ने पढ़ चुका है वो रिवाइज कर सकते हैं जिन लोगों को थोड़ा बहुत कुछ रिवाइज करना है वो भी कर देख सकते हैं और जिनको कुछ भी नहीं आता उन बबुआओं को हम लोग बेसिक्स एकदम एडवांस उठाकर लेके जाते हैं पांच से छह घंटे में ठीक है स्टार्ट करते हैं भाई आज के लेक्चर की कहानी क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग इस चैप्टर में जरा ध्यान दीजिएगा ध्यान तो दे दो के पेन कहां गया ये रहा चलिए भैया तो यार बेसिकली चैप्टर ना दो तीन चीजों में डिवाइडेड है मैं समझाता हूं क्या सबसे पहले तो जाहिर सी बात है हम लोग चैप्टर का मतलब समझेंगे व्हाइट पेन व्हाइट पेन हाँ चैप्टर का मतलब समझेंगे चैप्टर मतलब क्या है क्यों है कहां से आया क्या करना है इन चैप्टर में ठीक है और फिर उसके बाद क्वेशन कुछ बनती है उसका हम लोग ग्राफिकल सॉल्विंग सीखेंगे और दो और method सीखेंगे मेथड में क्या है ये मैं सब समझाऊंगा ठीक ठीक है है और उसके बाद finally, आपकी word problems देखेंगे okay, चलिए करने से पहले जैसा कि मैं कहता हूं ये स्लाइड मेरे हर लेक्चर हर बैच हर दिन रहती है दैट इज वर्क आर नेवर एवर गिव होगे कि यार कितने चैप्टर बचे अभी तो ट्राइंगल्स भी बचे अभी तो सर्कल्स भी तो, सर, 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 सर प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आ रहे पापा मम्मी डांट रहे रिलेटिव डांट रहे बहुत सारी टेंशन बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत सारी तकलीफे हैं मैं जानता हूं मैं जानता हूं लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक बात सुनी थी आप लोग शेयर करता हूं उसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे ठीक है एक टास्क दे रहा हूं आप लोगों को आपके रूम में आपके रूम में अभी वाइट कलर की कितनी चीजें हैं जरा नोट करो जरा नोट करो भाई वाइट कलर की आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है अब बस नोट करो अभी आपके रूम में व्हाइट कलर की कितनी चीजें हैं या लाल कलर की कोई भी व्हाइट और लाल में कोई भी चूज कर लो चूज करो भैया अभी मैंने हाल ही में कहीं देखा था मुझे बड़ा पसंद आया मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करता हूं ठीक है कितनी चीजें है भैया बताइए सर आप हो आप हैं बताओ भैया बताओ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब मैं हूं तुम्हारे साथ ठीक है अब मैं इस बात से कहना क्या चाह रहा हूं सोलह छ है है? बताओ, नाइन कितनी है भैया सो मेनी थिंग्स गुड वॉल्स ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपको बोला कि वाइट कलर की कितनी चीजें हैं तो आपने उन सारी चीजों को इग्नोर करा जो लाल कलर की हैं जो हरे कलर की हैं जो पीले कलर की हैं जो नीले कलर की हैं मतलब वाइट कलर के अलावा जितने भी कलर आपने उनको इग्नोर करा करा कि नहीं करा आप इतने फोकस्ड थे व्हाइट कलर की चीजें ढूंढने में कि आपने सारे कलर की चीजों को इग्नोर करा वैसे लाइफ में भी यही करना है भाई इतना फोकस रहना है अपने गोल के लिए कि भाई जो आपकी तकलीफें हैं वो आपके दिमाग में ही नहीं आए और इसके लिए प्रैक्टिस लगता है कहने का मतलब क्या अभी कुछ मत सोचो अभी कुछ मत सोचो अभी हम इस लेक्चर को देखना है आए हैं, हम अपने आप से वादा करेंगे कि ये आज आपकी आज हो सकती है one of the best classes. मैं आपका साथ दूंगा आप मेरा साथ देना ठीक है चलिए भैया अब स्टार्ट करते जल्दी से चार्टॉक्स पे लिखो रेडी हो तो आर एच रेडियो तो लिखो आर एच स्टार्ट करने जा रहे भैया कहानी आज की ठीक है लिखो भैया आर एच रेडी है जोश के साथ जोश के साथ जोश के साथ हाँ 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 विवेक सर ने विवेक सर ने बोली थी वहीं से हमने टीपा हुआ है ठीक है अच्छी लगी थी बट मेरे को है ना सर उड़ान में मिलना अरे मिल लेंगे बबुआ कपिल शर्मा सो अरे भैया चलो आगे देखो ठीक है स्टार्ट करते हैं सबका आर एच आगे है? ध्यान देना बेसिक से स्टार्ट करेंगे प्लीज ध्यान देना ठीक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स धीरे धीरे उस पर आएंगे पहले बात करते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है एक वेरिएबल की लीनियर का मतलब क्या लीनियर का मतलब क्या पोलिनोम पढ़ा होगा ऐसा पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोम जिसमें वेरिएबल की हाइएस्ट पावर वन हो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पोलिनोम लिया पी एक्स भाई पोलिनोम को डिनोट करने का तरीका है मैंने मान लो एक पोलिनोम लिया एक्स माइनस वन बात समझ माई हाँ सर समझ क्या ये लीनियर पोलिनोम यहां पे जो वेरिएबल है उसकी खोपड़िया क्या दिख रही है आपको वन दिख रही है कोई बोलेगा सर जीरो है मैं बोलूंगा वन है कोई बोलेगा सर जीरो है मैं बोलूंगा वन है अरे भाई यहां पे आप जीरो लगा दोगे तो एक्स की पावर जीरो वन होता है तो वेरिएबल तो बचा ही नहीं ना मतलब यहां पर वन होगा कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूं भैया एक्स माइनस टू हो गया 2x एक्स माइनस हो गया मान लो 4x एक्स प्लस फोर हो गया ये सब के एग्जाम्पल है लीनियर के। लीनियर के की भैया लीनियर लीनियर क्यों बोला भैया आप हर जगह जो वेरिएबल देख रहे हो उसमें पावर आपको वन दिख रही है समझ में आया ठीक है सर अब अगर आप इस लीनियर पोलिनोम को इज इक्वल टू कुछ नंबर कर देते हो या कुछ इक्वल टू का साइन लगा देते हो तो सुनना क्या होता है एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अगर आप जीरो कर दो ठीक है तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है इक्वेशन क्यों बोला इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू का साइन इक्वेशन क्यों बोला इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू का साइन तो भैया लीनियर तो है Linear क्यों है? वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर आपको वन दिख रही है तो लीनियर इक्वेशन क्यों क्योंकि इज इक्वल टू का साइन दिख रहा है तो इसको हम लोग एक लीनियर इक्वेशन बोलेंगे और क्या एक वेरिएबल की बोलेंगे हाँ एक वेरिएबल की बोलेंगे क्यों क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको एक वेरिए दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ऐसा लिखू एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन है हां ये इक्वेशन है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है क्या ये लीनियर इक्वेशन है हा ये लीनियर इक्वेशन है क्यों क्योंकि जो वेरिएबल है एक्स और वाई उनकी घोपड़िया में वन दिख रहा है नहीं भी दिख रहा तो वन तो होगा हाँ सर क्या ये एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है नहीं क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल्स है बात समझ आ रही है हा सर बात समझ आ रही है ठीक है अब जल्दी से आप लोग आंसर करना भैया क्या ये लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की टू एक्स प्लस थ्री

बहुत बढ़िया यस yes, क्यों लीनियर इक्वेशन भैया सिंपल है बॉस इज इक्वल टू का साइन लगाए हाँ सर इज इक्वल टू का साइन लगाए और उसके बाद मान लो आप इसको इधर लेकर आते हो सारी चीजों को ठीक है तो ये हो गया आपका अरे इक्वेशन सॉल्व करना तो आता है ना फोर एक्स को इधर लेकर आए तो माइनस फोर एक्स माइनस वन को इधर लेकर आए तो प्लस वन तो योग प्लस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो भैया सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो लीनियर इक्वेशन है क्यों इक्वेशन है इज इक्वल टू का साइन है लीनियर है क्यों क्योंकि वेरिएबल की खोपड़िया वन है अरे नहीं भी दिख रही तो वन होगी क्या एक वेरिएबल किया हाँ, एक वेरिएबल के क्यों क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्स दिख रहा है चलो भैया अब यह वाली चीज तो क्लियर हो चुकी है ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना सॉल्यूशन की बात करूं किसकी सॉल्यूशन की सुनना सॉल्यूशन की बात करूं सॉल्यूशन का मतलब क्या नोट करो सब लोग सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल की वैल्यू नोट सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल की वैल्यू बार बार बोलो क्या वेरिएबल की वैल्यू अरे सर कैसी वैल्यू ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन करे। ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिसफाई करे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लिया एकदम बेसिक से चलेंगे ठीक है मान लीजिए मैंने x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लिया यहां पर अगर मैं आपसे पूछू सॉल्यूशन बताओ इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ इस लीनियर इक्वेशन का तो बहुत आसान है लेकिन मतलब समझते हैं सॉल्यूशन बताने का मतलब क्या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू यहां पर रख दो वेरिएबल की जगह एक्स की जगह ऐसा नंबर यहां पर रख दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए सेटिस्फाई होने का मतलब एल और आर बराबर आ जाए एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड समझ में आ रहा है हां सर तो ऐसी वैल्यू कौन सी होगी सिंपल है आप दिमाग लगा के भी सोच सकते हो क्या रखू कि माइनस वन करके जीरो आए क्या रखू कि माइनस वन करके जीरो आए वन x इज इक्वल टू वन आपका सॉल्यूशन है सॉल्यूशन क्यों है सिंपल है ना आप देखो ऐसे अगर आप x की जगह वन रखते हो तो वन माइनस वन जीरो बराबर जीरो देख लो आप इसको बोलते हैं होना इसको वजह बोलते हैं होना क्या बात समझ आ रही है हाँ सर बात समझ आ रही है ठीक है अब मान लो मैंने एक और इक्वेशन ली मान लो एक और इक्वेशन ली इजीसी थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अगर आपसे यहां पर मैं सॉल्यूशन पूछूं इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का तो आप क्या सोचोगे वेरिएबल की जगह ऐसा क्या रख दू कि एल और आरएचएस बराबर आ जाए नहीं सोच पाओ तो क्या करो आप एक्स को अलग करके आप एक्स को अलग करके एक्स की वैल्यू निकाल लो और यही वो वैल्यू एक्स की जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कैसे भैया आप रख के देखो थ्री एक्स की जगह रखा टू बाई थ्री यहां पर लिखा माइनस टूल टू जीरो हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन है सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू मतलब कैसी वैल्यू एक ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई satisfy करे सेटिस्फाई करने का मतलब एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी अब अगर लीनियर इक्वेशन होती है एक वेरिएबल की तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है नोट करिएगा अगर लीनियर इक्वेशन होती है एक वेरिएबल की तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है मतलब वेरिएबल की पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इक्वेशन थी मेरे पास ये क्वेश्चन थी।, थी हाँ सर यहां पे वन हमारा सॉल्यूशन आ रहा है वन के अलावा कोई भी नंबर आप सोच के देख लो वन के अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा जो आप इस वेरिएबल की जगह रखो तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन भैया ओनली वन सॉल्यूशन नोट करना भैया ओनली वन सोल्यूशन ठीक है ओके सर चलिए अब बात करते हैं भैया किसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की मान लो

इस बार दो वेरिएबल्स की वैल्यू वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी पहले दिमाग लगाते अपन को निकालने से फिलहाल मतलब तो क्यों अगर आप वन प्लस वन करते हो तो टू आ जाएगा हाँ, सर एक वैल्यू क्या भैया एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई टू इज इक्वल टू माइनस वन सर क्यों आप चेक करके देखो भैया x की जगह थ्री रखा माइनस वन रखा थ्री प्लस माइनस वन टू होता है हाँ सर तो एक और सॉल्यूशन आ गया क्या? 3, -1. अच्छा, अगला क्या अगला कुछ आपका सिक्स माइनस फोर होगा आप समझ रहे हो क्या हो रहा है आप समझ रहे हो क्या हो रहा है अरे सर बहुत सारी वेरिएबल की वैल्यू आ रही है जो इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ रही है जो इक्वेशन वेरिएफाई करेंगी तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कितने सॉल्यूशन होंगे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी जो इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगी किस केस में वेन इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बताइए भैया सर नाम लीजिएगा एम डी मोहिश मोहशीष जी नमस्ते इनफाइनाइट वेरी गुड आप समझ रहे हो भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, सारे याद रखना ठीक है बहुत सारे इनफाइनाइट कितने भैया इनफाइनाइट नोट करते जाना इनफाइनाइट ठीक है अब बरखुरदार एक बात नोट करिए जनरल फॉर्म क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट हर चीज का मतलब बता रहा हूं तुम लोग को चपड़गंज देखो जनरल फार्म का होता है ठीक है कोई भी इक्वेशन किस तरीके की दिखती है उसका जनरल फॉर्म होता है फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक लिखी भैया माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री टू जीरो समझ में आ रहा है हाँ, सर

क्या आपको यह चीज समझ आई आई तो लिखो एसडी चैट बॉक्स पर अगर आए तो लिखो एस डी भैया अगर आई तो लिखो एसडी अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है भैया चलो उस चीज का भी काम नहीं है तो रहने दो उस चीज का भी काम नहीं तो रहने दो ठीक है ठीक है ए एक्स प्लस बीवाई इज इक्वल टू जीरो शहरीन आप कह सकते हो बट सी लगा दीजिएगा ठीक है ठीक है ओके okay, सर अब कोई बोलेगा कि सर मान लो ये इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो समझ में आ रहा है ठीक है सर. चलिए. अब ये समझ अब अब समझना है. अब हमको इस चैप्टर में किससे डील करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल की लेकिन पेयर पेयर मतलब दो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हम लोग एक साथ बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने समझ में आ रहा है कितनी लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की भाई ये भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की ये भी दो वेरिएबल की मैं दो लीनियर इक्वेशन की एक साथ बात कर रहा हूं मैं दो इक्वेशंस की एक साथ बात कर रहा हूं मतलब ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसको मैं क्या बोलता हूं भैया पेयर क्या बोलता हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स समझ में आ रहा है पेयर मतलब दो इक्वेशन के साथ बात कर रहा हूं इसको मैं पेयर की जगह साइमल्टेनियस भी बोल सकता हूं क्या डरने की जरूरत नहीं क्या बोलते हैं साइमलटेनियस भी बोल सकते हैं साइमलटेनियस के नाम को सिस्टम भी बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स समझ में आ रहा है दो की बात कर रहा हूं तो या तो मैं पेयर बोल रहा हूं या तो मैं साइमल्टे तो बात क्लियर है क्या बात क्लियर है अब इंपॉर्टेंट चीज बरखुरदार जो पूरे चैप्टर में काम आने वाली है नोट करिएगा इसके सोल्यूशन का क्या सवाल है इसके सोल्यूशन के क्या हाल है भैया इसके सोल्यूशन के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या वेरिएबल की वैल्यू सेम चीज वेरिएबल की वैल्यू लेकिन कैसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कैसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे अब ऐसी वैल्यू कैसे निकाले मैं समझाता हूं पहले इसके जनरल फॉर्म को समझ लेते हैं पहले इसके जनरल फॉर्म को समझ लेते हैं ठीक है तो जनरल फॉर्म क्या होगा सिंपल है वही चीज क्या होता है ए एक्स आराम से लिखते हैं इसको ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड दूसरे वाले का भी क्या होगा कुछ ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वलो कुछ ऐसी होगा बस यहां पे डिफरेंस क्या भाई क्योंकि दो इक्वेशन है तो x का कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट x का अलग अलग तो यहां पर a1 बोल दो a2 बोल दो यहां पे दो इक्वेशन है तो y का अलग y का अलग तो यहां पे b1 और b2 b2 बोल दो बात समझ मई वैसे यहां पे c1 और c2 बोल दो अगर आपको यह चीज समझ आ गई तो बोलो आ गई ठीक है अब एक इक्वेशन दे रहा हूं जरा लिखना मैंने बोला माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और मैंने बोला माइनस फाइव एक्स प्लस नहीं माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री मैंने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखी दो वेरिएबल्स की ठीक है आप लोग मुझे जल्दी से बताओ ए वन की वैल्यू बी वन की वैल्यू सी वन की वैल्यू ए टू की वैल्यू बी टू की वैल्यू C2 की वैल्यू ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आनी चाहिए जल्दी से बताओ भैया कंपेयर करो ए वन बी वन बी टू सी वन सी वन सी टू की वैल्यू क्या होगी बाय बाय सर अरे सोमिल जी कहां जा रहे हैं सोमिल नहीं कोई और बबुआ जा रहा है कहीं पे। गौरंग जी आपकी बात हम समझ गए हैं लव यू टू लव यू टू अबे बताओ बताओ और अगर मान लो आला सारा की सर इतना कौन लिखे तो मत लिखो बस इतना कह दो कि सर लिख लिया एल एल डबल एल लिख लिया सर अपने कॉपी में लिख लिया मेरे तसल्ली के लिए ठीक है लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोग बस समझो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम चैट बॉक्स पे कमेंट करो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कुछ सीख के जाओ ठीक है चलिए भैया मेरी गाल समझ गए भैया एवन मतलब सुनना एवन मतलब ऊपर वाली इक्वेशन का एक्स का क्वेश्वेशन मेरी बात ध्यान से सुनना

अब समझते हैं सॉल्यूशन का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई जनरल फॉर्म तो हम लोग समझ गए जनरल फॉर्म तो भैया हम लोग समझ गए इसको हटा देते हैं ठीक है सॉल्यूशन की बातें करते हैं सॉल्यूशन की बातें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर की दोस्तों याद रखिएगा मान लो भैया ये हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है दो वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकालना जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे अब क्या दिया हुआ है

सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू एट ठीक है ओके सर तो भैया क्या दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे रख के देखते हैं भैया एक्स की जगह टू तो यहां पे लिखा एक्स की जगह टू यहां पे लिखा फोर वाई की जगह वन इज इक्वल टू एट ठीक है तो यह आगे ट्वेल्व माइनस फोर इज इक्वल टू एट आठ बराबर आठ कहने का मतलब कहने का मतलब गुरु जी पहली वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है दूसरी वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू मतलब, मतलब, मेरे इक्वेशन का सोल्यूशन है एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू वन या फिर टू कॉमर वन इज द सॉल्यूशन ऑफ माई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फिर से बोलूंगा टू कॉमर वन इज द सोल्यूशन ऑफ माई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या आपको सोल्यूशन का मतलब समझ आया निकालना कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा ठीक है समझ में आया क्लियर हुआ क्लियर हुआ बोलो भैया क्लियर हुआ तो लिखो सी एच क्लियर हुआ तो लिखो सी एच पानी लेके बैठना एकदम पानी पीना ठीक है आराम से लंबी क्लास होने वाली है टेंशन की कोई बात नहीं है इस क्लास के बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वादा है मेरा वादा है मेरा और विश्वास ना हो तो अभी छोड़ के चले जाओ ए करो ना विश्वास आ आज कितने क्वेश्चन से बहुत सारे हैं यार बहुत सारे चलो भैया मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो ठीक है अब यार, यार यहां पर दो बातें छूट गई दो बातें क्या कि भैया कितने सॉल्यूशन होंगे आपने ये तो बता दिया दो नहीं एक ही बात दो बात दो बात बताता हूं। सुनना फिर से कितने सॉल्यूशन होंगे भाई सुनना लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते लीनियर इक्वेशन इन सॉरी टू वेरिएबल्स के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते लेकिन अगर मैं ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूं या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूं या फिर साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो कितने सॉल्यूशन होंगे मतलब कितनी ऐसी वेरिएबल की वैल्यू होंगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी कितनी की बात मैंने अभी आपको नहीं बताई तो आखिर कितने सॉल्यूशन होंगे इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं कितने सॉल्यूशन होंगे वो अलग बात है ये कैसे सोचूं कि कौन सॉल्यूशन होगा ये कैसे सोचूं कि कौन सोल्यूशन होगा तो दो चीजें सोल्यूशन निकालना कैसे है वेरिएबल की वैल्यू निकालना कैसे है और दूसरी चीज कितने होंगे उसके बारे में आगे बात करते हैं ठीक है ओके सर चलिए भैया चलिए भैया चल क्या लिखा हुआ है ये देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स मुझे एग्जाम की बहुत टेंशन हो रही है मैं यो सोच के परेशान हूं कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही ऐसा कोई आपके साथ होता है क्या भाई डाल हम डाल दिया था आप लोग के लिए अच्छा अब यार सबसे पहले बात करते हैं सॉल्व करने की कि सॉल्यूशन निकाला कैसे जाए उसके बाद कितने सॉल्यूशन होते पे देखेंगे। सबसे हम ये हैं कि निकाला कैसे जाए नंबर वन मेथड होता है नंबर वन मेथड होता है सॉल्यूशन कर पता करना ग्राफ बनाकर सॉल्यूशन पता करना फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सुनना मेरी बात ये मुझे ग्राफ दिया हुआ है ये मुझे ग्राफ दिया हुआ है ठीक है सुनना से, से, क्वेश्चन अभी छोड़ दो आप इन दोनों इक्वेशन को देखो पहली टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो दूसरी क्या भैया दूसरी क्या भैया एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ग्राफ बनाना होगा आप याद रखिए हमेशा कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है ना तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है मेरी बात ध्यान से सुनना तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं क्वेश्चन छोड़ दो क्वेश्चन छोड़ दो ठीक है क्वेश्चन में बस ये बोला कि सॉल्व करो सॉल्व करने का मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना सॉल्व करने का मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना ऐसी वैल्यू निकालना जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें सबसे पहला ग्राफ बना के पता करेंगे तो भैया कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ कैसा बनता है एक स्ट्रेट लाइन बनता है बनाते हैं सबसे पहले पॉइंट निकालने पड़ेंगे कैसे निकालते हैं हर बार यही करा करो अगर काम कर जाए तो नहीं करे तो फिर कुछ और वैल्यूज रखा करो आप एक्स कुछ रखो वाई कुछ आता जाएगा आप वाई कुछ रखो एक्स कुछ आता जाएगा समझ में है लेकिन मैं एक्स को जीरो रख रहा हूं एक्स को मान लो जीरो रख रहा हूं तो अगर आप यहां पर एक्स जीरो रखोगे जीरो माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो आ गया तो आपके वाई की वैल्यू क्या आ गई माइनस वाई इज इक्वल टू फोर मतलब आपके वाई की वैल्यू माइनस फोर आ गई क्या आपको बात समझ आई तो अगर आप एक्सरो माइनस फोर आ रहा है वैसे आप y जीरो रखो तो x कितना आएगा वाई जीरो रखा तो आपका x आएगा आराम से टू एक्स माइनस जीरो माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो आ गया टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू फोर मतलब एक्स इज इक्वल टू टू समझ मारा तो, वाई जीरो तो समझ मा है? ओके सर जीरो तो भैया दो पॉइंट करने ले। लेकिन ऐसी आप दूसरी के लिए सिर्फ दो पॉइंट हमारा काम चल जाएगा ठीक है तो x जीरो रखा तो y आपका माइनस वन आप निकाल के देख सकते हो y जीरो रखा तो वन उधर जाके x आपका माइनस वन आपको पॉइंट्स निकालना आया आपको पॉइंट्स निकालना आया मेरे ख्याल से आया होगा ठीक है अब देखो पॉइंट्स कहां तक जा रहे हैं कुछ फोर टू वन और माइनस वन समथिंग ऐसा तो काम करते चार तक पॉइंट हर एक्सिस में ले लेते एक, दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार आपको एग्जाम में इसके लिए ग्राफ शीट मिलेगी तो आप टेंशन लेने की बात नहीं है ये अपना ओरिजिन बोल दो ये अपना ये अपना नेगेटिव वाईटिव वाईटिव एक्स ठीक है ठीक है सर सुनना भैया प्लॉट करा जाए तो जीरो का वो माइनस फोर एक्स जीरो वाई माइनस फोर वाई एक्स पर आएगा एक्स कहां जीरो होता है वाई एक्सिस पर तो जीरो माइनस फोर चलो पहले लिख देते हैं यहां पे माइनस वन सॉरी वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर अब प्लॉट करा जाए कैसे करें भैया कौन से पेन से पर्पल से करते हैं चलो तो जीरो कॉमा माइनस फोर कहां पर आएगा वाई एक्सिस पर ये अपना आ गया जीरो कॉमा माइनस फोर ठीक है टू कॉमा जीरो कहां आएगा एक्स का टू वाई का जीरो एक्स का टू वाई का जीरो टू कॉमस जीरो एक्स एक्सिस पर आएगा कहां पर टू पर तो हो गया टू कॉमा जीरो माइनस फोर सॉरी माइनस फोर ठीक है अब अब क्या क्या करना करना है है भैया कर कर दो दो इसको इन दोनों को समझ में तो एक लाइन मिल गई किसका ग्राफ बना गया आपका कौन सी इक्वेशन का बना भैया लिख दो अच्छे से टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इज इक्व टू फोर टू एक्स वाई टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इज इक्व टू जीरो बन गया

ठीक है तो भैया ये किसकी इक्वेशन लिख दो यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो अब हमने, क्या कर लिया? हमने दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना लिया ग्राफ बनाना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अब सर सॉल्यूशन कैसे पता करें वेरिएबल की वो वैल्यू कैसे पता करें जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है लाइंस लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भैया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताइए चैट बॉक्स पे बताओ भैया क्या होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स समझ नहीं आ रहा है क्या होंगे अरे बताओ ना कितना इजी है बताओ भैया सर वर्ड प्रॉब्लम है सब कुछ है साइलेंट जी सब कुछ लेकर आओ सब कुछ इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है कॉपी पेन छोड़ो कोई तुम्हारा दोस्त कैरिमिनाटी देख रहा है उसको बोलो अभी आजा बोर्ड आने वाले हैं ठीक है ठीक है वन कॉम माइनस टू वन कॉमा माइनस टू तो भैया वन कॉम माइनस टू आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है सर विश्वास कैसे करूं क्या वन और माइनस टू मेरे इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये पक्का है विश्वास कैसे करूं मेरे को चेक करके कैसे सुनना ध्यान से वन कॉमो माइनस टू देखता हूं तो एक्स की वैल्यू वन भाई इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू माइनस टू समझ में ठीक है तो एक्स की जगह वन रखा मन में ही कर रहा हूं आपको करने की जरूरत नहीं है बस मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं ठीक है तो भैया एक्स की जगह वन तो ये हो गया आपका टू वाई की जगह माइनस टू वाई की जगह माइनस टू तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस तो ये प्लस टू माइनस फोर टू प्लस टू फोर फोर माइनस फोर जीरो पहले ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है दूसरे को देख लो भैया एक्स की जगह वन वाई की जगह माइनस टू प्लस वन तो वन माइनस टू माइनस वन माइनस वन प्लस वन जीरो के बराबर तो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है मैंने रख के देख लिया तो भाई एक चीज तो हो गई क्वेश्चन की क्या x इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू माइनस टू इज द सोल्यूशन ऑफ माई इक्वेशन ग्राफिकल मेथड डिलीट नहीं हुआ है नहीं हुआ है नहीं हुआ है नहीं हुआ, 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 हुआ गलत मत रहना ठीक है अब क्या बोला क्वेश्चन में फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट y एक्सिस सीबीएसई में आया हुआ है क्या लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो पॉइंट मतलब के, coordinates. Points point के coordinates निकालो भाई math, solution तो आ गया ये आपका solution है? ये आपका आपका है 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 भैया ना अच्छा points निकालना है वेयर द लाइंस मीट वाई एक्सिस को जहां पर मीट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो

ऐसा ही एक क्वेश्चन फिर से करके दिखाऊंगा डोंट वरी ठीक है तो भैया क्या सीखे तो भैया क्या सीखे ग्राफिकल मेथड की मदद से सॉल्यूशन निकालना सीखे लेकिन ये नहीं बताया कितने सॉल्यूशन होंगे लेकिन ये नहीं बताया कि कितने सॉल्यूशन होंगे कि बताता हूं बताता हूं तीन केसेस होते हैं या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा का मतलब क्या एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा का मतलब क्या ऐसी वेरिएबल की एक भी वैल्यू नहीं होगी पूरे यूनिवर्स में जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी सर कैसे पता चलेगा अगर ग्राफिकल मेथड से देखो अभी दूसरा मेथड भी बताऊंगा अगर आप ग्राफिकल मेथड से देखो तो जो दोनों लाइंस बनेंगी वो पैरेलल बनेंगी कैसी बनेंगी पैरेलल बनेंगी और अगर लाइंस पैरेलल है तो एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा भाई सुनो ना भाई सुनो ना एक पॉइंट पर कहा गया भैया कहा गया भैया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया हाँ ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ लाइंस का तो एक सॉल्यूशन आया एक पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ तो एक सॉल्यूशन आया समझ मार है एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्शन नहीं होगा तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा ग्राफिकल मेथड की मदद मतलब से देखो तो अगर लाइंस पैरेलल आ रही है मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है इससे मत डरना ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है बस a1x b1y वगैरह 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 ठीक है अगर लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन जिस केस में हम लोग को क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन क्या बोलते हैं नोट करना सब लोग यूनिक सॉल्यूशन अगर लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ठीक है सर ये क्या है सर ये गलत दिया हुआ है सर सर यहां पे दूसरी लाइन तो बनी ही नहीं है आपको दिख नहीं रही है सर नहीं सर सर बनी नहीं है सर आपको दिख नहीं रही है मैं बताता हूं वो जो लाइन है ना ला, वो एक के ऊपर एक बन गई वो जो लाइंस भाई दो इक्वेशन की लाइन बनाओगे वो एक के ऊपर एक बन गई इसलिए नहीं दिख रही है दूसरी वाली पीछे वाली एक के ऊपर छुप गई समझ मारा है एक के ऊपर एक बन गई मतलब क्या हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ तो एक सॉल्यूशन हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ

Lines ऐसी बन रही है कि पैरल है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं अब ये भी समझ में आ गया कि सर कोई भी लीनियर इक्वेशन कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल्स की तो हो सकता है कि उसका एक भी सॉल्यूशन ना हो हो सकता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन हो हो सकता है कि उसके बहुत सारे सोल्यूशन हो केस क्या अगर लाइन एक के ऊपर एक यानी को तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन अगर लाइन पैरल है मतलब टच नहीं कर रही इंटरसेक्ट नहीं कर रही मतलब नो no सोल्यूशन अगर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही मतलब एक

रिपीट करने का ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन होती हैं दो इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो या तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या तो वो एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी यानी पैरल होंगी या तो वो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे मतलब एक के ऊपर एक होंगी समझ में रहा है अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है मतलब मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा मतलब बरकुरदार एक ही ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू होगी जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही होगी अगर एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्शन नहीं हुआ मतलब पैरल लाइन बनने वाली है, मतलब एक भी ऐसी की नहीं होगी जो को करेगी। और अगर हर एक पे मतलब बन रही, एक एक अगर गलती से बन गई मतलब बहुत सारे सोल्यूशन होंगे ठीक है भैया चलिए तो फिर भैया इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे दीजिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्या पूछ रहे शोन बिलो आर दी ग्राफ्स ऑफ दी लाइंस वाई y minus 2x is equals to इज x plus y is equals to इज and px plus qy is equals to r. आर ये क्या अजीब सा लिखा हुआ है विच ऑफ दिस इज दोल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus y is equals to सिक्स and px plus qy is equals to r? नहीं समझ आया तो क्वेश्चन को आराम से रीड करो क्वेश्चन को आराम से रीड करो ग्राफ देखा समझ में आ रहा है कि तीन इक्वेशन का ग्राफ बना हुआ है तीन इक्वेशन का ग्राफ बना हुआ है ना एक लाइन ये एक लाइन ये एक लाइन ये अच्छा सर ठीक है अब क्या बोल रहे तीनों इक्वेशंस लिखी भी हुई हैं। हमसे क्या पूछ रहे विच ऑफ दिस इज द सॉल्यूशन हमको पे सॉल्यूशन दिया हुआ है हमको यहां का कौन सा सॉल्यूशन है भैया तो बस ये देखो कि दोनों इक्वेशन की लाइन कहां पर बन रही है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स कहां पर दिख रहा है भैया ये वाली लाइन दिख रही है ये वाली दिख रही है। हाँ सर अच्छा पी एक्स प्लस क्यूवाई आर कहां पर दिख रहा है भैया ये दिख रहा है, है ना तो ये दोनों लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा हां सर वो सॉल्यूशन क्या होगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आपके फोर कॉमा ब्लैक से लिख देता हूं भैया लास्ट चलो फोर कॉमा टू है ना तो फोर कॉमा टू मतलब एक्स क्यूल्यू फोर वाई वैल्यू टू ऑप्शन नंबर बी समझ में आया समझ में आए कोई ये मत बोलना कि हम बता नहीं सकते क्योंकि पी और क्यू की वैल्यू दी नहीं है कोई बोलेगा कि हम बता नहीं सकते गुरुजी कि इसका और इसका सॉल्यूशन क्या होगा क्योंकि सर पी और क्यू की वैल्यू नहीं दी है अब सही हो लेकिन ग्राफ दिया हुआ है ना तो ग्राफ अगर इंटरसेक्टिंग है दोनों लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है एक पॉइंट पर मिल रही है मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारा सॉल्यूशन होगा ठीक है ओके सर चलिए भैया एक और क्वेश्चन करा जाए ग्राफिकल मेथड से प्लीज 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 मैं आप सभी से चाहता हूं आप लोग कोशिश करें आपको बनेगा क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम बोर्ड टर्म वन अब आपका सिर्फ एक टर्म होता है लेकिन उस समय दो बोर्ड एग्जाम हुआ करते थे तो बोर्ड टर्म वन सॉल्व करिए भैया एक और क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड पर और उसके बाद हम लोग चलेंगे एलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पर ठीक है करके बताओ भैया क्या दिखा हुआ है

जब आप इसका लाइन बना लोगे जब आप इसका लाइन बना लोगे और जब आप इसका लाइन बना लोगे तो ये तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बना रही होंगी ब्यूटीफुल सा ट्राइंगल ठीक है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ग्राफिकली एंड द एरिया ऑफ द पार्क क्या निकालने को बोला है आराम से फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट इंटरसेक्शन जहां पे वो टकरा रही है वो टकराने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो जहां पर भी तीनों लाइन टकरा रही है एंड द एरिया ऑफ द पार्क पार्क मतलब ट्रायंगुलर पार्क है उसका एरिया भी निकालना है सर इतनी सारी है, तभी तो बोर्ड में आया है बहुत आसान है तुम लोग ज्यादा मत हो तुम लोग ज्यादा मत डर तुम लोग ज्यादा मत डरो तुम लोग को एक चीज आती है ग्राफ बनाना बना दो बिना सोचे समझे अरे बना दो बिना सोचे समझे काहे डरना है कुछ तो मार्क्स मिलेंगे हाँ सर मिलेंगे ना चलिए भैया तो पहली इक्वेशन उठाई एक्स प्लस थ्री वाईक्वल टू सिक्स ठीक है सर क्या करना है मैंने सिंपल आपको फॉर्मेट बताया क्या करना है भैया एक्स लिया y लिया ठीक एक्स जीरो तो y थ्री नीचे गया टू हाँ सर ऐसे कर सकते कोई दिक्कत नहीं कोई कुछ नहीं बोलने वाला ठीक है y जीरो तो थ्री इंटू जीरो जीरो एक्स सिक्स वाई जीरो सिक्स समझ में आए तो भैया दो पॉइंट्स आ गए ठीक है सर कौन कौन से पॉइंट्स आ गए भैया जीरो कॉमर टू एंड 6, इसको अपन प्लॉट कर देंगे। देखते हैं कैसे प्लॉट करना है अच्छा अगली लिखिए भैया अगली क्या दी माइनस थ्री वाई टू बारह ठीक है सर? करा जाए हाँ पे। तो भैया तो भैया तो भैया आराम से देखिएगा तो भाई ये तो जीरो हो गया माइनस थ्री उधर जाएगा माइनस फोर तो y माइनस फोर समझ में आए वाई जीरो नीचे जाएगा

इसको बनाया वर्टिकल एक्सेस इसको बनाया हॉरिजॉन्टल एक्सिस ठीक है भैया कहां तक पॉइंट्स बोल रहे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा ना बड़ा बना लेते हैं लेकिन लाइन है। से तो भैया कुछ छह तक जाना है तो एक काम करते एक दो तीन थोड़ा सा और बड़ा एक दो तीन चार पांच ठीक है एक दो तीन चार पांच

फाइव ठीक है ठीक है सर जी तो भैया प्लॉटिंग करें करो सर अच्छा पर्पल से करते हैं तो भैया जीरो कॉमा टू जीरो कॉमा टू आएगा अपना एक्स जीरो पर इधर पर जीरो कॉमा टू इधर पे आ जाएगा ठीक है सर यहां पे लिख दो भैया जीरो कॉमा टू ठीक है फिर क्या सिक्स कॉमा जीरो एक्स सिक्स वाई जीरो एक्स एक्सिस पर आएगा सिक्स जीरो आपका इधर आएगा सिक्स बना लो लाइन बना लो भैया लाइन बना ली समझ में आया तो भैया एक इक्वेशन का ग्राफ तो बन गया ठीक है दूसरी वाली का बनाओ क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ भैया सॉरी गलती नहीं करना जीरो माइनस फोर एक्स जीरो जीरो माइनस फोर समझ में आ रहा है सिक्स कॉमा जीरो पर आएगा अच्छा एक पॉइंट कॉमन आ गया ठीक है ठीक है ठीक है सर कुछ तो समझ में आ रहा है ज्वाइन करा कर दिया ज्वाइन कर दिया ज्वाइन बन गया ग्राफ अभी नहीं बना अभी नहीं बना अभी नहीं बना क्यों नहीं बना सर सुनना 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 क्या बोल रहे भैया तीन लाइंस बनानी है इन दोनों की तो बन गई ये x 0 की लाइन कैसे बनाऊं x 0 y एक्सिस होती है x 0 y एक्सिस भाई x कहां पर 0 होता है y एक्सिस पर एक्स कहां पर जीरो एक्सिस पर तो आपके तो आपके वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इज़ वाई एक्सिस भी तो एक लाइन है वाई तो एक्सिस की इक्वेशन होती है अगर किसी को लिखनी हो तो एक्स इज इक्वस टू जीरो क्या सबको ये बात समझ आई क्या सबको ये बात समझ आई मेरे ख्याल से आई होगी तो भैया बन गया ग्राफ और क्या बन गया ग्राफ ये बनाना था हाँ सर अब क्या पूछा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस जो भी लाइन है और एक अपनी यही लाइन है इसको मैं कौन से कलर से बना दू दोस्तों पिंक से बना देता हूं तो आपकी एक ये लाइन भी है आपकी एक ब्लू से करता हूं चलो आपकी एक ये लाइन भी है अबे बन क्यों नहीं रहा तो थोड़ी सी मोटी आपकी एक ये लाइन भी है और पतली हो जाओ भाई ठीक है समझ मारा आपकी एक ये लाइन भी है ठीक है तो तीनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो ये पॉइंट क्या आपका जीरो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ये पॉइंट क्या आपका 6, एक और इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ये पॉइंट क्या आपका भाई एक ये लाइन एक ये लाइन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया माइनस फोर तो एक आंसर तो आ गया एक आंसर तो आ गया क्या जीरो माइनस फोर जीरो सिक्स कॉमर जीरो क्या सबको ये बात समझ आई क्या सबको ये बात समझ आई तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने अब क्या बोला फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क इफ ऑल मेजरमेंट्स आर इन किलोमीटर मतलब सब कुछ किलोमीटर में कहने का मतलब ये वन किलोमीटर ये टू किलोमीटर ये थ्री ये फोर ये फाइव समझ गए एरिया ऑफ द पार्क पार्क क्या बन रहा है भैया एक्सिस वाइक्सिस एक्सिस ये वाली लाइन ये वाली लाइन आपको दिख रहा होगा ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल हाँ सर इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले सर किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है सर किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बेसवा इनटू हाइटवा सही बात है सही बात है इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा आपको बेस मान लो इसको मैंने बोला ए इसको मैंने बोला बी इसको मैंने बोला सी आपको बेस एसी दिख रहा है हां सर तो हाफ बेस की जगह लिखा एसी हाइट कितना बेस एसी पर जो हाइट गिर रही है परपेंडिकुलर भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी मतलब हाँ सर ये अपना परपेंडिकुलर होगा ठीक है तो भैया आपका बी ओ परुलर है मतलब ट्राइंगल की हाइट तो हाफ अब पता कैसे करूं एसी कितना है अरे ए सी डिस्टेंस कितना आसान है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स किलोमीटर मल्टीपाइड बाय बीओ कितना है भैया एक दो तीन चार पांच बीओ भी समझ में आया ओके सर तो टू थ्री जा थ्री सिक्स एटीन आ गया दोस्तों ये अठारह किलोमीटर अठारह किलोमीटर स्क्वायर सर किलोमीटर क्यों क्योंकि इन लोगों ने बोला सारे डिस्टेंसेस किलोमीटर में सर अगर y इज इक्वल टू हुआ तो इस केस में नहीं होता दोस्त लेकिन y इज इक्वल टू का मतलब होता है x एक्सेस y इज इक्वल टू की भी एक लाइन बनेगी क्योंकि लीनियर इक्वेशन है कौन सी लाइन बनेगी वो x एक्सेस ही होती है y इज इक्वल टू तेरी x एक्सेस ही होती है याद रखना ठीक है अब 18 किलोमीटर नहीं 18 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अपना स्क्वायर में आता है क्लियर करना ठीक है तो भैया बताओ सबको बात समझ आए क्वेश्चन ओपी हुआ तो चैट 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 बॉक्स बॉक्स पे पे लिखो ओपी। पे लिखो ओपी ओपी एकदम धड़ल्ले से चला दीजिए चैटबॉक्स देखते हैं देखते हैं दोस्त देखते हैं बिल्कुल देखते हैं यार तुम्हारी सारी बातें सुनते हैं यार अब यार तुम खुद ही सोचो ना यार हर बात तो कोशिश यही करते हैं यार हर बात फॉलो कर पाए बट हर बात तो फॉलो नहीं हो पाएगी ना हर बात ठीक है ठीक है बहुत आसान था मैं फिर से रिपीट करता हूं भाई बोर्ड बड़ा भरा सा लग रहा है ये क्या है कोई अभी वीडियो में घुसा होगा बोलेगा अभी ये क्या है भैया ये क्या है बहुत आसान है भाई स्टार्टिंग से देख तो

चलिए भैया अब फाइनली चला जाए पानी पीने के साथ साथ पानी पी लो भैया ग्राफिकल मेथड खत्म हा अब मैं पसीना पसीना हो गया हूं दोस्तों ठीक पानी पी लो भैया 20 30 सेकंड का ब्रेक और उसके बाद अपन लोग एल्जेब्रिक मेथड स्टार्ट करते हैं ठीक है ग्राफिकल कटा, मेथड कटा नहीं है दोस्तों किसी को ये लग रहा है कट गया तो नहीं नहीं कटा है नहीं कटा है नहीं कटा है नहीं कटा है ठीक है चलिए भैया अब हा प्रभु का नाम लेके लंबी सांस लेके हा कभी बहुत ज्यादा हो जाए दिमाग में बर्डन कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो टेंशन हो रहा हो मैं आपको बताया हमेशा अपनी क्लास के स्टार्टिंग में 20 सेकंड बस लंबी लंबी सांसें लेता हूं झूठ नहीं बोल रहा अपनी लंबी लंबी क्लास के स्टार्टिंग में हमेशा स्टार्टिंग के 20 सेकंड लंबी लंबी सांसें लेता हूं कि उससे क्या होता है ना सांस से बहुत फर्क पड़ता है मूड पर आप खुद सोचना जब आप बहुत गुस्से वाले मूड में होते तो तेज तेज सांस चलेगी टेंशन वाले मूड में होते तो अलग तरीके से सांस चलेगी किसी और मूड में तो अलग तरीके से सांस चलेगी समझ ना तो अभी यहाँ पे लेक्चर में आने के समय मुझे लेक्चर में फोकस रहना चाहिए

सही बात है तो लोगों ने बना दिया तीन और मेथड जिनको ने लोगों ने बोला मतलब ग्राफ निकालना। ग्राफ क्या मेथड से क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं सबसे पहले समझा जाए सब्सिट्यूशन जरा ध्यान दीजिएगा बरखुरदार बहुत आसान है बबुआ बहुत ज्यादा आसान है ठीक है सॉल्व क्या बोला भैया एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन अभी अभी हम इस पर नहीं जाएंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे अभी हम इस पर नहीं जाएंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे अभी बस हम इसके सॉल्यूशन निकालने पर फोकस करेंगे ठीक है ध्यान देना करना क्या है एक ही क्वेश्चन दिया इस इक्वेशन से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल सर क्या बोला नहीं, सब... नहीं समझा नहीं समझा कोई भी एक वेरिएबल को चुनो मान लो मैंने चुना एक्स थ्री एकस।

सर अजीब सा बोला बड़ा आपने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y अरे x की वैल्यू कुछ y के फॉर्म में आ रही है x की वैल्यू कुछ y के फॉर्म में आ रही है तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मैंने निकाल ली समझ में मान लो इसको मैंने इक्वेशन इक्वेशन नाम दिया 1 नहीं इसको इक्वेशन वन बोलते हैं इसको इक्वेशन टू बोलते हैं और इसको इक्वेशन अपन थ्री बोल देते हैं अच्छा लगता है टीचर को देखने में ठीक है अच्छा सर अब इस इक्वेशन का करूं क्या दूसरी इक्वेशन में पटक दो कहने का मतलब देखना जरा दूसरी इक्वेशन क्या दी है एक्स y वाई इज इक्वल टू माइनस समझना तो दूसरी इक्वेशन में भाई अपन ने x की वैल्यू निकाली x की वैल्यू x की जगह रख दो x की वैल्यू x की जगह रख रक दो रखू x की जगह लिखा वन प्लस फाइव y अपॉन थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन सर गलती कहां होगी अगर तेजी से करेंगे फोकस यहीं पे रहना चाहिए ये नहीं सोचना कि अरे यार उसने क्या बेहतरीन मैसेज करा था कल मजा आ गया कल उससे जाके मिला अभी यार इधर फोकस इधर ही रखना है नहीं तो माइनस प्लस में गलती हो जाएगी फिर वही होगा ठीक है अच्छा भैया तो एक्स की जगह ये रखा माइनस वाई माइनस वन अब मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए चोट हो जाएगी ठीक है चलिए भैया तो भैया यहां पे क्या करा मैंने सुनना नीचे वन लेगा याद रखिए हमेशा कोई भी इक्वेशन को सोल्व करते समय वेरिएबल वाली टर्म साथ में होनी चाहिए गलत है भैया क्या गलत है भैया क्या गलत है भैया क्या गलत है क्या गलत है क्या गलत है क्या गलत है बोलो अच्छा माइनस वन हा माइनस वन लिख दो अरे पूरा क्यों मिटा रहा हूं मैं पूरा का मिटा रहा हूं भैया मैं तो भैया यहाँ पे क्या आ गया आपका यह आ गया आपका माइनस का वन प्लस वाई कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं सुनना सही ना अब अरे यार फिर से कर देता हूँ पूरा फिर से कर देता हूँ पूरा खो गए हम कहा इस इक्वेशन को उठाया थ्री एक्स माइनस फाइव टू माइनस वन ठीक है तो थ्री एक्स इज इक्वल किसी को बताना मैं ठीक है हाँ देखो भैया एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस वन प्लस फाइव वाई डिवाइडेड बाय थ्री अब सही है इस x इसको अपने पहली क्वेश्चन बोला इसको अपन ने दूसरी क्वेश्चन बोला इसको अपन ने कुछ तीसरी क्वेश्चन बोला ये तीसरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्यों समझ में आएगा? इस एक्स की वैल्यू को उठाकर दूसरी इक्वेशन में पटक दो ठीक है तो दूसरी क्वेश्चन क्या एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन समझ में आ रहा है एक्स की जगह लिखा माइनस वन प्लस फाइव वाई डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन अब हमेशा याद रखिए इक्वेशन सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आप हमेशा याद रखिए इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं इस पर फोकस करो कितनी टर्म्स हैं एक टर्म ये एक टर्म ये और एक टर्म ये वेरिएबल वाली टर्म को साथ में लिखोगे कॉन्स्टेंट वाली टर्म अलग लिखोगे ठीक है यहां पर लिखा तो वेरिएबल इन दोनों टर्म्स में इसको मैंने वन लिख दिया तो यहां पर लिखा माइनस वन प्लस फाइव वाई इक्वल टू इज इक्व माइनस वन क्लियर सब कुछ बहुत बढ़िया अब भैया थ्री और क्या मल्टीप्लाई क्रुद वन, वन मल्टीप्लाई करा तो माइनस थ्री वाई इज इक्व टू माइनस वन अब क्या भैया थ्री उठ के उधर चला गया थ्री तो आगे माइनस वन प्लस

ये क्या लिख रहे हो अरे टीचर के लिए लिख रहा हूं ठीक है क्या चाह रहा हूं मैं सुनना जैसे आपके वाई की वैल्यू आ जाए आप कोई भी आपके पूरे बोर्ड में आपको एक्स और वाई के फॉर्म में जो दिख रही है वहां पर वाई की वैल्यू रख दो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी लेकिन आप कहां पर 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 रखो मेरा आप यहां पर रखा तो यहां पर रखा रखा करो ठीक है तो तो इज टू कितना आ गया भैया एक्स इज इक्व टू माइनस वन प्लस फाइव वाई की जगह क्या लिखा भैया माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री तो आ गया आपका एक्स इज इक्वस टू माइनस वन माइनस फाइव माइनस सिक्स बाई थ्री तो एक्स इज इक्वल माइनस टू क्लियर है क्लियर है तो भैया सॉल्यूशन क्या हो गया अपना अपना सॉल्यूशन क्या हो गया भैया दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया माइनस टू का माइनस वन सर कैसे एक बार चेक करके दिखाओ ना दिखाता हूं आपको करना नहीं बस चेक करके दिखा रहा हूं एक्स की जगह माइनस टू तो माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स सुनना y की जगह माइनस वन तो माइनस वन इंटू माइनस फाइव प्लस सिक्स माइनस सिक्स कुछ गलत करा क्या मैंने क्या गलत कर? एक 5 भी तो आएगा ये फाइव फिर से तो x की जगह माइनस टू तो यहां कितना हो गया भैया प्लस सिक्स प्लस वन देखा तो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है दूसरी में देखो भैया माइनस टू एक्स की जगह माइनस वन वाई की जगह तो प्लस वन बन जाएगा माइनस टू प्लस वन माइनस वन आता है तो दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी कर रहे ठीक है अगला क्वेश्चन अब अब समझते हैं भैया अच्छा एक बढ़िया क्वेश्चन करोगे एक बढ़िया क्वेश्चन करोगे सबसे पहले तो चैट बॉक्स पे ये बताओ कौन कौन इस क्वेश्चन को देख के ही ट्राई नहीं करेगा डर जाएगा कौन कौन इस क्वेश्चन को देख के ही ट्राई नहीं करेगा डर जाएगा सबसे पहले तो ये बताओ बताओ भैया कौन कौन इस क्वेश्चन को देखकर ट्राई ही नहीं करेगा देख के ही डर जाएगा बताओ भैया उसके बाद मैं बताता हूं कि क्या हलवा क्वेश्चन होते हैं

कितना आ गया ये टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल कर रहा हूं X को तो X कैसे आएगा आपका उधर चला गया X निकाल रहा हूं मतलब एक्स को अलग करना पड़ेगा हाँ सर यहां पर एलसीएम वगैरह ले लो भैया तो यहां पर बी एलसीएम आएगा नीचे ऊपर आ जाएगा टू बी माइनस वाई समझ में आया वन में क्या मल्टीप्लाई करूं बी आई बी उसी बी को ऊपर मल्टीप्लाई करा यहां पे क्या आ रहा है टू एक्स अपॉन है सुनते जाना हमें एक्स निकालना है तो एक्स की वैल्यू कितनी आगे टू नीचे तो एन टू टू बी माइनस वाई अपॉन टू टू बी वैल्यू आपकी ये आ रही, रही मान लो इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया समझ में ठीक है सर अब इसी एक्स की वैल्यू को आप इधर रख दो सर कितनी अटपटी सी वैल्यू है डरो मत रखो एक बार रखो एक बार शायद आ जाए आंसर शायद कुछ सॉल्यूशन मिले इस एक्स की वैल्यू को उधर पटको ठीक है रखते हैं तो यहाँ पे लिखा x upon a minus y upon b is equal to four सर क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं आ सकते हैं आ सकते हैं आ सकते हैं, हैं। वो बहुत हलवा क्वेश्चन है ठीक है x की जगह x की वैल्यू आराम से रखेंगे तो यहां पे लिखा x की जगह a 2b minus y divided by 2b डिवाइडेड बाय a समझ में आ रहा है हाँ सर माइनस माइनस अपॉन इज टू फोर ऐसा ही होगा सर ऐसे ही होगा, हाँ सर, होगा. अब हम लोग क्या करते हैं भैया ऊपर एक फ्रैक्शन है तो नीचे भी एक फ्रैक्शन बना दो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर या आपस में कितना आ जाएगा ये ऊपर गया तो ए इंटू टू बी माइनस वाई डिवाइडेड बाय टू एस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू फोर बस आंसर आने वाला है बस आंसर आने वाला है देखो ए से कट गया हा सर कितना आ गया ये टू बी क्या मल्टीप्लाई ग्रू टू बी उसी वन को ऊपर मल्टीप्लाई करा तो वही नंबर आएगा तो यहां पर टू बी माइनस वाई लिख रहे बी में क्या मल्टीप्लाई करूं टू बी आए बी में क्या मल्टीप्लाई करूं टू बी टू उसी टू को ऊपर मल्टीप्लाई करा तो माइनस टू वाई आ गया टू बी माइनस वाई माइनस टू वाई होता है एट बी माइनस टू बी आंसर आता एट बी माइनस टू बी सिक्स बी तो माइनस थ्री वाईक्वल टू सिक्स थ्री क्लियर है थ्री वन सा आपके वाई की वैल्यू आ गई माइनस टू बी समझ में कैसे करा बहुत सिंपल आसान सा एक्सप्लेनेशन वाई की वैल्यू माइनस टू बी अब इस वाई की वैल्यू को मान लो आपने सेकेंड इक्वेशन नाम इक्वेशन दिख रही है आप कहीं भी रख सकते हो इस y की वैल्यू को लेकिन मैं कहा रखूंगा मैं यहां पर रखूंगा सबसे आसान आएगा उससे आंसर ठीक है तो एक्स इज इक्व टू पुट सेकेंड एंड फर्स्ट एक्स इज इक्वल ए टू बी जगह माइनस टू भी तो वाई की जगह माइनस टू तो गलती नहीं करना वाई की जगह माइनस टू पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस टू भी हो जाएगा डिवाइडेड में तो ये आ गया एक, X is equals 2B plus 2B, कितना टू प्लस टू भी फोर 4b नीचे टू b बी से बी कट गया टू टू जो आपके एक्स की वैल्यू आ गई टू ए तो आपका सॉल्यूशन आ गया तो आपका सॉल्यूशन आ गया टू ए कॉमन

इधर नीचे आ, ए ए ऊपर को मैं बस ने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा ए को मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा बस ये एक चीज तू याद रख सकता है ठीक है इतना समझ समझ आया एक्स 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 की 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 वैल्यू आ गई इसको इसको उठाकर उठाकर जगह जगह रख दे। इसको उठा कर की जगह रख दे दे में अब भाई इधर देख इधर देख ये तरह साइन इसके ऊपर न्यूमिरेटर होता है इसके ऊपर इसके नीचे डिनोमिनेटर होता है न्यूमिनेटर में एक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन नहीं दिख रहा था तो मैंने एक की जगह वन डाल दिया एक के नीचे वन सबसे ऊपर ए इधर तो कितना आ गया ए टू बी माइनस वाई टू ए बी ठीक है इधर वैसा का वैसा सब कुछ वैसा का वैसा सब कुछ वैसा का वैसा अब आगे देख क्या करा मैंने ए से A कटा तो टू बी माइनस वाई अपॉइंट टू बी इतना आया समझ में उसके बाद क्या करा टू बी और बी का एल्शियम टू बी टू बी और बी का एल्शियम टू बी समझ में आया हाँ सर टू बी में क्या मल्टीप्लाई करू टू बी आए वन उसी वन को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो वैसा का वैसा आएगा b में क्या मल्टीप्लाई करो टू बी आए टू उसी टू को b के ऊपर मल्टीप्लाई करो तो आया करू बी वैसा का वैसा टू बी ऊपर गया तो टू बी फोर एट बी बस इसके बाद आपके वैल्यू आ गई समझ में आया समझ में आ गया मैंने एक बार कैलकुलेशन रिपीट कर दी मैंने एक बार कैलकुलेशन सबके लिए रिपीट कर दी भैया आराम से देख लो और नहीं बने तो कोई बात नहीं हार नहीं मानेंगे नहीं बने तो कोई बात नहीं हार नहीं मानेंगे सेशन में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तकलीफ देगा जो मुश्किलें पैदा करेगा लेकिन हम क्या बोलेंगे कोई बात नहीं बाद में देख लूंगा इसको। बाद में में देख देख लूंगा लूंगा इसको लेकिन मैं सेशन पूरा कंप्लीट करके जाऊंगा ठीक है एलिमिनेशन से भी कर सकते हो लेकिन उससे करना नहीं है तो भैया आई होप आपको ऐसा नहीं लग रहा हो पांच मिनट नहीं एक घंटे मैथ्स पढ़ने के बाद क्या है ये क्यों है ये क्या खबर जो भी है ऐसा आई होप नहीं बन रहा हूं चलिए भैया अब चलते हैं एलिमिनेशन मेथड को सीखते हैं सब्सिट्यूशन क्या किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली दूसरे में पटकी किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली दूसरे में पटकी समझ में अब एलिमिनेशन एलिमिनेशन मतलब कोई एक वेरिएबल काट ही देना है कैसे काटेंगे जरा देखना कैसे काटेंगे जरा देखना एक इक्वेशन है थ्री एक्स इज इक्वल टू 11. एक इक्वेशन आपके टू एक्स प्लस थ्री वाई सुनते जाना सुनते जाना इज इक्वल टू फोर ठीक है आप क्या कोशिश करो कोई भी एक वेरिएबल कटे कैसे कटेगा जब उन दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा यहां पे x का कोएफिशिएंट 3. यहां पे x का कोएफिशिएंट 2. यहां पे y का कोएफिशिएंट 2. यहां पे y का कोएफिशिएंट थ्री आप क्या करो कोई भी एक वेरिएबल डिसाइड करो चलो मान लो y डिसाइड करो

टू थ्री झा सिक्स वाई टू फोर सा एट समझ में आया हाँ सर समझ में आया सर कैसे पता करें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है मैंने बताया जो y का कोफिशन नीचे उसको ऊपर जो y का कोफिशन ऊपर उसको नीचे ये सबसे सिंपल तरीका बाकी ऐसा बोला जाता है कि दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई कर दोनों का एलसीएम जो लाना है उस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है बाकी टेंशन नहीं लो अभी सुनते हैं ना मेरी ठीक है अब क्या करो दोनों का साइन प्लस का है तो आप दोनों इक्वेशन को सब कर दो आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो कैसे करेंगे भैया मान लो ऊपर वाली से नीचे वाले को कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन की जितनी भी टर्म्स है सबका साइन चेंज होगा अपोजिट होगा इसका साइन प्लस है तो माइनस बन जाएगा इसका प्लस है तो माइनस बन जाएगा इसका प्लस है तो माइनस बन जाएगा कहने का मतलब 4x पहले प्लस का था माइनस बन गया 6y पहले प्लस का था माइनस बन गया 8 पहले प्लस का था माइनस बन गया

एक्स इज इक्वल टू फाइव टू इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू वाई फोर प्लस टू फोरस टू समझ में आया समझ में आया तो सॉल्यूशन क्या आगे आगे आपका फाइव कॉम माइनस टू किसी को शक हो तो आप यहां पर रख के देख सकते हो दोनों में इक्वेशन होंगी समझ में आया क्या करा मैंने I hope so much, अब बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। टेंशन मत लो। ये वाला करके दिखाओ अब आपको मैं खुला हाथ दे रहा हूं अगर आपको पसंद तो सब्सिट्यूशन से करो अगर आपको एलिमिनेशन आसान लग रही तो एलिमिनेशन से करो कोई भी मदद से करो हम लोग चार से पांच क्वेश्चन करने वाले चार नहीं चार क्वेश्चन करने वाले शायद ठीक है कोई पूछा कितने क्वेश्चन दोस्त बहुत सारे होंगे अभी देखना पड़ेगा काफी नीचे जाना पड़ेगा मेरे को काफी सारे होंगे ठीक है चालीस तो होंगे चालीस या थर्टी तो होंगे मेरे ख्याल से चलो देखते हैं तो भैया क्या लिखा हुआ है कौन सी मेथड से करूं एलिमिनेशन सब्सिट्यूशन जो आपकी मर्जी मुझे एलिमिनेशन आसान लग रही है तो एलिमिनेशन कर देता हूं देखना मैंने आप लिखा थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू फोर सिंपल क्वेश्चन उठकर यहां पर आ जाता है सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना मतलब सोल्यूशन निकालना ठीक है कितने सोल्यूशन होंगे उस पर नहीं जाना है वो तो मैं बताऊंगा अभी ठीक है यहां पे क्या लिखा नाइन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू सेवन अब यार आप y को कैंसिल करा था आपने लास्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में मान लो x को कैंसिल करते हैं सर कैसे डिसाइड करूं कि x को कैंसिल करूं कि y को कैंसिल करूं ऐसे अगर आप वाई को कैंसिल करने जाते हो दोनों का अलग है मतलब तो दोनों में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप अगर को कैंसिल करने जाते हो तो आप खुद सोचो ना अगर आप ऊपर वाली में सिर्फ और सिर्फ थ्री मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री इंटू थ्री नाइन एक्स बन जाएगा बहुत बढ़िया तो यह आपका आ जाएगा एकस, आपका आ जाएगा कितना आराम से यह आ जाएगा आपका दोस्तों ऊपर वाली नाइन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई थ्री फोर ट्वेल्व याद रखना थ्री सब में ये वाली वैसे लिखो नाइन एक्स माइनस टू वाई टू सेवन ठीक है अब क्या सब कर रहे सब कर रहे कब कब करना करना है अगर सेम है अगर एकदम एकदम के साथ तो करो ठीक है यहां पे माइनस ये बन गया प्लस ये बन गया माइनस एक बार फिर बताऊंगा ये 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 इनका साइन चेंज होगा माइनस ये प्लस ये माइनस एक्स तो माइनस नाइन एक्स कैंसिल ये मेरा पर्पस था माइनस फिफ्टीन बाय प्लस टू माइनस कोई नहीं देखेगा माइनस कोई नहीं देखेगा माइनस माइनस थर्टीन वाई समझ में रहा है हाँ सर ट्वेल्व माइनस सेवन होता है 5। तो आपके y की वैल्यू आ गई माइनस फाइव बाय तेरा वाई की वैल्यू आ गई माइनस फाइव बाय तेरा सर क्या ऐसी वैल्यू भी सॉल्यूशन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है डब्ल्यू का स्टूडेंट एकदम सही आंसर शिवचंद्र कुमार एकदम सही आंसर अंशिका केशरवानी जी एकदम सही शिवांश जी एकदम शिवांश साइन की गलती हो गई मेरे दोस्त बट कोई बात नहीं तूने तो कोशिश करा ना वो वो बहुत जरूरी है चलो भैया आगे क्या देखें भैया वाई की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पटक दो मान लो मैं इसमें पटक रहा हूं किसी में भी पटक दो कोई फर्क नहीं पड़ता नाइन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू सेवन ठीक है तो एक्स की वैल्यू निकालना है माइनस टू वाई की जगह लिखा

थर्टीन में क्या मल्टीप्लाई थर्टीन है वन तो ऊपर टेन आया गया नाइन जब नीचे जाएगा तो एटी वन को काटेगा का, तो जाएगा 9 by 13. 9 by 13 आ जाएगा थर्टीन आ रहा है समझ में आ गया आई होप आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी इजी सा मेथड है भैया एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया बोर्ड में हुआ क्वेश्चन अब दो और क्वेश्चन करते हैं भैया सिंपल सॉल्यूशन में जो आपकी मर्जी आप वो मेथड यूज करो जो आपकी मर्जी आप सी तो लग रही है नीचे नंबर लिखा हुआ है आपने इस इक्वेशन को उठाया x बाई टू प्लस टू वाई बाय थ्री भाई सब लोग सॉल्व करो एक क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए क्या करो आप एलसीएम वगैरह लेके इसको सिंपलीफाई कर लो टू और थ्री का एलसीएम सिक्स

तो यहां पर एलसीएम कितना यहां पर नीचे होगा तो ये आपका बन जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री तो आपकी है दोनों को आपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मतलब सिंपल लग रही है आप क्या करें एलिमिनेशन लगा लो क्यों आपको एक्स का कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम दिख रहा है तो भैया यहां पर क्या लिखा हुआ था दूसरे पेन से करा जाए इसको थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन एंड

माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू पंद्रह तो आपके y की वैल्यू आ गई माइनस थ्री समझ में आया माइनस थ्री तो किसी भी ठीक है कहा गलती होती है थ्री एक्स लिखा माइनस अच्छा वाई की वैल्यू थ्री थ्री लगा दिया गलती है, गलती, है, गलती है क्यों गलती है तो पहले से लगा है वाई की वैल्यू माइनस थ्री तो यहां पे माइनस थ्री आएगा

इक्वेशन अच्छा चमका दे रहे हैं वन को उधर ले जाओ सिंपल बनाओ तो भैया टेन और फाइव का एलसीएम टेन होता है टेन में क्या मल्टीप्लाई टेन है वन ऊपर एक्स आ गया फाइव में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो टू पर मल्टीप्लाई करो तो टू वाई आ गया वन उधर गया तो फोर्टीन आ गया समझ मारा हां भैया तो या गया आ गया एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन फोर्टी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन फोर्टी पहली इक्वेशन क्लियर हुआ सॉल्व करते जाना यहां पर क्या आएगी यहां पर सिंपल फॉर्म में एट और सिक्स का एल्सियम कितना होता है एट और सिक्स का एल्सियम कितना होता है भैया कितना होता है नहीं समझ में आया तो अलग से निकाल लो टू फोर जा थ्री जा, जा, वैसे का वैसा ठीक है भैया एटीन अच्छा ट्वेंटी फोर आएगा वैसे ये टू वन जा थ्री वैसा का वैसा थ्री वन जायम एट थ्री सावेंटी फोर तो भैया यहां ट्वेंटी फोर आराम से

लगा रहे हो ना लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो ठीक है भैया अच्छा तो यहां पे लिखा थ्री एक्स फोर फोर वाई आप लोग यहां पे लिखा थ्री एक्स प्लस टू फोर ट्वेंटी को एकदम सेम तो माइनस का ये माइनस का ये माइनस का ये कट गया फोर वाई माइनस सिक्स वाई होता है माइनस टू वाई थ्री सिक्सटी माइनस फोर ट्वेंटी होता है माइनस का सिक्सटी समझ में आए तो वाई की वैल्यू आ गई थर्टी y आ गया आपका 30 समझ में रहा है वाई थर्टी एक्स इतना एक्स इतना भैया y 30 आ गया तो x रख दो भैया मान लो मान लो मान लो यहां पर रख देता हूं यहां पर रख देता हूं ठीक है तो 3x एक्स प्लस इन टू थर्टी इज इक्वल टू फोर ट्वेंटी कहीं पर भी, भी रख सकते हो सेम आंसर आएगा सबका थ्री एक्स थर्टी इंटू सिक्स वन एटी तो वन एटी इज इक्वल टू फोर ट्वेंटी तो ये आपका थ्री एक्स इज इक्वल टू टू फोर्टी आएगा X is equal to 80 आ गया बस तो ये आपका दूसरा आंसर तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका सॉल्यूशन आपका हो गया भैया 80 कॉमा थर्टी समझ में आया कितने सॉल्यूशन होंगे उसके बारे में अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा क्या सॉल्यूशन होगा वो मैंने आपको बता दिया समझ में आया क्लियर हुआ क्लियर हुआ, हुआ भैया अभी ब्रेक नहीं भाई अभी तो डेढ़ घंटा भी नहीं हुआ है हम लोग बहुत तेजी चल रहे हैं भैया बहुत तेजी से चल रहे हैं सर और क्वेश्चन नहीं होंगे क्या इक्वेशन सोल्व करने के जब वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो वहां पर इक्वेशन ही सोल्व कर रही है और तुमको होमवर्क ही दूंगा मैं थोड़ी करूंगा ठीक है तो भैया आई होप आपको एलजेब्रिक मेथड भी क्लियर हो गया अगर एल्जेब्रिक मेथड ओपी हो गया ग्राफिकल मेथड ओपी हो गया तो चैटबॉक्स पे लिख दो हो गया एच हो गया एच जी पानी पी लो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से काफी बार क्वेश्चन आया है काफी बार क्वेश्चन आया है तो नोटिस नोट करिएगा ठीक है यार मैं क्वेश्चन ही तो सॉल्व कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं चलो भैया अब यार मेरी बात ग्राफिकल मेथड से हमने यह समझा कि कितने सॉल्यूशन होंगे अगर लाइंस पैरेलल सब लोग बोलेंगे अगर लाइंस तो नो no सॉल्यूशन। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पर तो एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइन एक, एक मतलब को इंसिडेंट मतलब 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 बहुत सारे इंफाइनाइट सॉल्यूशन लेकिन सर मुझे यह पता करने के लिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा क्या नहीं बनाना पड़ेगा ग्राफ क्यों सर मैं सिखाता हूं ना कैसे पता करूं एक तरीका दिया गया बिना ग्राफ के पता करने वाला क्या बताने वाला व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज बिना ग्राफ बनाए पता करना है कि कितने सोल्यूशन होंगे लाइन्स कोइंसिडेंट बनेगी क्या बरखुरदार समझ आया मेरे ख्याल से आया तो भैया मानिए कि हमारे पास दो इक्वेशन ये है आए? जे क्या लिखा भैया अरे जनरल फॉर्म लिखा है जनरल फॉर्म डरने की जरूरत नहीं है ठीक है

अगर मैं उन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाने जाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा तो बताओ फिर से बोलूंगा अगर ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं आ रहा है बी वन अपॉन बी टू के कंडीशन होती है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बस ये बताइए कि यहां पर लाइन कैसे बनने वाली है लाइन कैसे बनने वाली है इंटरसेक्टिंग बोल दो इंटरसेक्टिंग हां इंटरसेक्टिंग समझ में आ रहा है पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी इंटरसेक्टिंग, ठीक है बबुआ ठीक है सर जी ठीक है वेरी गुड अब सुनना ध्यान से अगर ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू की मैं वैल्यू निकालू और सब बरोबर आ रही है तो उसको मैं बोलता हूं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मतलब कैसी लाइंस बनेगी बबुआ बोलो कोइंसिडेंट लाइंस कैसी लाइंस बनेगी भैया इंसिडेंट लाइन बनाकर देखना नहीं है बस बता रहा हूं ठीक है और अगर ऐसा कुछ होता है कि के के तो तो बराबर बराबर है लेकिन C1 upon C2 के बराबर नहीं है लेकिन तो नहीं ऐसे केस में अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे केस में नो सॉल्यूशन होता है कैसा भैया नो सॉल्यूशन लिख लीजिए यहां पे लिखा नहीं है नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन मतलब क्या लाइन कैसी बनेगी बता दो चैट बॉक्स पे एकदम मेरे ख्याल से मैंने ही बता दिया पैरेलल लाइंस एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ठीक है अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कंसिस्टेंट में तब बोलता हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंसिस्टेंट में तब बोलता हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब उनका सॉल्यूशन होता है जब उनका सॉल्यूशन होता है और नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट बोल देता हूं तो यहां पर इनकंसिस्टेंट क्यों लिखा कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट समझ मारा अरे भाई इंफिनेटली मैंने सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तो है भले बहुत सारे हैं बट है तो तो कंसिस्टेंट बोल दिया यहां पर भी कंसिस्टेंट क्यों बोला क्योंकि सॉल्यूशन है तो भैया बात समझ में इतनी सी ये केसेस याद कर लो बस सब लोग ये केसेस बस सब लोग याद कर लो फटाफट फटाफट तीनों बराबर इंटरसेक्टिंग तीनों बराबर इंटरसेक्टिंग पहले दो बराबर नहीं आ रहे मतलब यूनिक और पहले दो बराबर आ रहे बाकी वो बराबर नहीं आ रहा मतलब नो no सॉल्यूशन ठीक है अरे ब्रेक देंगे भैया पहले इस तरीके के सारे क्वेश्चंस कर ले ओके सर ध्यान दीजिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब क्लियर हो कंसिस्टेंट कब बोलूंगा जब सॉल्यूशन है है मतलब है मतलब या तो इंफिनिटी में सॉल्यूशन होगा या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा है मतलब कंसिस्टेंट और नहीं है मतलब नो no सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट ठीक है फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ये इसकी एक लाइन बनेगी इसकी एक लाइन बनेगी आर कं आर पैरेलल कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग हमें क्या पता करना है बना के नहीं पता करना पागल हो क्या बहुत टाइम लगेगा बिना बनाए पता कर सकते हैं भाई अभी आप क्या करोगे दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाओ ग्राफ बना के पता करो अच्छा इंटरसेक्टिंग आ रही है कि कोई इंसिडेंट आ रही है या फिर पैरल आ रही है बिना बनाए पता कर सकते हैं कैसे देखो भैया आराम से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या होती है मैं आप लोगों को सिखा देता हूं पहले ठीक है आप क्या करा करो आप क्या करा करो अगर उस साइड कुछ लिखा है तो उसको इस साइड ले आओ तो माइनस थ्री जीक्वल टू जीरो यहां पर भी क्या फोर एक्स प्लस टू वाई

अब सुनते जाना ठीक है हाँ सर तो भैया a1 की वैल्यू b1 की वैल्यू सब समझ में आ रही होगी रख दो भैया तो a1 अपॉन a2 देखा b1 अपॉन b2 देखा c1 अपॉन c2 देखा ठीक है a1 की वैल्यू 2 a2 की वैल्यू 4 तो यहां पे लिखा 2 अपॉन 4 अभी देखते हैं अभी देखते हैं b1 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट 1 b2 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट 2 तो 1 अपॉन 2 ठीक है भैया सी टू की वैल्यू सी वन की वैल्यू माइनस थ्री कोई गलती से थ्री मत लिख देना थ्री को इधर लेकर तो थ्री, चेक करो भैया से भी वन पॉइंट टू कहने का मतलब भी 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 क्या भी क्या भी क्या सब कुछ बराबर मतलब ए वन अपॉन ओ टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू बराबर आ रहा है और अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि लाइन कैसी है लाइंस कैसी है भैया को इंसिडेंट क्या सबको समझ आया क्या सबको समझ अब इंसिडेंट नहीं डेंट डेंट ठीक है क्लियर हो गया मेरे ख्याल से हो गया होगा ये वाला भी बता दीजिए भैया आपके पल्ले पड़ जाए इसलिए बेसिक क्वेश्चंस भी लेकर आऊं कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको दिख रहा है भैया बोर्ड टर्म में दिया हुआ था पिछला क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है बेसिक से क्वेश्चन एक दो मार्क्स में आए होंगे ठीक है फाइंड वेदर मतलब, सब लोग लिखो चैट बॉक्स पे कंसिस्टेंट का मतलब क्या और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या मैं क्या करूंगा सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखूंगा तो इसको लिखा थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो लिखा सिक्स -4Y -9 याद रखना अगर उस साइड कुछ है तो उसको इधर ले आओ। जनरल फॉर्म में में कन्वर्ट करो। में कन्वर्ट करो। करो जनरल फॉर्म लिखना जरूरी है क्या अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो मत लिखना अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो मत लिखना ठीक है सबका आंसर इनकंसिस्टेंट वेरी गुड ठीक है वेरी गुड सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट किसी ने मेरे क्वेश्चन का आंसर करा सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा अब इंफानेट भी सोल्यूशन हो सकता है और यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है तो भैया पता करते हैं एवन अपॉइन ए टू जल्दी से करते हैं ठीक है थीके? तो एवन अपॉन ए टू ए वन थ्री ए टू सिक्स तो थ्री अपॉइन सिक्स लिखा हुआ है ठीक है ओके सर फिर क्या लिखा हुआ है भैया B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू माइनस फोर बी टू की बी मत, B2 मतलब y का वाई का माइनस फोर याद रखना तो यहां पर कितना है टू अपॉन माइनस फोर माइनस एट अपॉन माइनस नाइन समझ में अच्छा, तो कुछ गलती करी क्या मैंने यहां पर कुछ यहां पर मैंने गलती करी है क्या या गया कुछ यहां पर गलती हुई है क्या माइनस एट अपॉन माइनस कुछ गलती है क्या नमस्ते सर सर इनकंसिस्टेंट चलो देखते हैं चलो देखते हैं दोस्तों यहां पे ना एक आप करेक्शन कर लेना ये माइनस है ये माइनस है ठीक है करेक्शन कर लेना ये आपका माइनस का है सर ऐसा क्यों सर ऐसा क्यों अभी समझाता हूं मैं आपको. ये माइनस का आएगा तो ये माइनस टू आएगा ठीक है माइनस टू आएगा ये ठीक तो आ, आ गया गया तो है, ये है. A2, तो भैया क्या है तो यार एट अपॉन नाइन ये इक्वल है यह नॉट इक्वल है ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के बराबर है a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है 8/9 मतलब c1/c2 के मतलब c1/c2 के कौन सा केस कौन सा केस नो सॉल्यूशन कौन सा केस नो सॉल्यूशन क्या बोल सकता हूं नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन में मैं इनकंसिस्टेंट बोलूंगा और अगर इनकंसिस्टेंट है मतलब पैरेलल लाइंस पूछा नहीं है बट लिख देता हूं ताकि आप लोग के दिमाग में बैठे समझ में आया क्लियर हुआ ठीक है सर आपको कैसे समझ में आया कि क्वेश्चन में गलती है देखो भाई अगर यहां पे अगर यहां पे देखो ना यहां पे अगर ऊपर माइनस लगा होता सिर्फ तो ये माइनस वन पॉइंट टू आता माइनस वन पॉइंट टू आता तो भाई ये भी इक्वल नहीं होता ये भी इक्वल नहीं है ये भी इक्वल नहीं है तो सर नो सोल्यूशन कि यूनिक सोल्यूशन बोलू उसमें आप अटक जाते नो सोल्यूशन बोलूंगी यूनिक सोल्यूशन बोलो उसमें आप अटक जाते समझ इसलिए मैंने उसको करेक्ट कर दिया ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे ही नहीं आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी ठीक है भैया स्कूल वाले कहते हैं कि कॉलेज में जाके पढ़ोगे ये को कॉलेज वाले कहते हैं कि स्कूल में सीख चुके होगे जब कॉलेज चले जाते हैं तो कॉलेज वाले कहते हैं कि स्कूल में तो ये कॉन्सेप्ट सीख ही चुके होंगे और स्कूल वाले कह रहे होते तो कि कॉलेज में जाके पढ़ोगे समझ नहीं आ रहा कि हम पढ़ते नहीं है या वो पढ़ाते नहीं है ऐसा होता है भैया कभी कभी ठीक है चलिए भैया कुछ अच्छे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है ठीक है इसको देखो इसको देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कुछ अच्छे क्वेश्चन इस पर ये के पर बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड पर आते हैं इसके बाद अपन लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ठीक है टू लाइन आर गिवन टू बी पैरल क्या बोल रहे हैं दो लाइन पैरल दे रहे हैं दो लाइन पैरल दे रहे हैं सुनना मेरी बात ठीक है द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज इतनी अपन को एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो समझ में आ रहा है हा सर द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन हम लोग को निकालना है अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं हमको ऑप्शंस दिए हुए आपको ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना होगा आपको यह चेक करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन का इनमें से किस इक्वेशन के साथ पैरेलल वाला केस आ रहा है इस इक्वेशन का इनमें से किस इक्वेशन के साथ पैरेलल वाला केस आ रहा है कैसे मन में भी पता कर सकते हो कैसे जब प्रैक्टिस हो जाए पहले आप यहां पे लिख लो ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू के बराबर नहीं ठीक अब देखो मन में कैसे करता हूं ठीक है तो ए वन दिख रहा है मान लो मैंने इसको उठाया तो थ्री अपॉन कितना हो गया वन अपॉन Upon 9, upon 3, दिमाग में रखो कि upon तो की upon minus upon 8, minus upon 8, कितना हो गया minus upon तो पर पर आ आ आ रहा 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 है आपका minus upon समझ में आ रहा है 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 आपका समझ ठीक है भैया ये तो इक्वल आना चाहिए ये दोनों इक्वल आना चाहिए ये तो इक्वल नहीं आ रहा मतलब पहला तो आपका गलत है एक बार और थ्री और माइनस ट्वेल्व फोर माइनस टू अपॉन माइनस एट माइनस टू अपॉन माइनस का ये प्लस का? का, का भाई ये तो इक्वल आना चाहिए ना ये तो इक्वल आना चाहिए ना नहीं आ रहा तो दूसरा केस भी नहीं होगा समझ में आया हाँ सर अगला देखो थ्री अपॉन माइनस ट्वेल्व कितना माइनस वन पॉइंट फोर माइनस टू अपॉइंट एट माइनस वन अपॉइंट फोर हाँ यह इक्वल है हां क्या भैया ये इक्वल है अब आगे भी चेक करो फिर क्या यहां पर सीक् वेलू माइनस फाइव यहां पर नॉट इक्वल है आपको साफ साफ समझ में आ रहा है मतलब कौन सा केस मतलब कौन सा केस भैया आपका थर्ड आंसर एकदम सही है अगला वाला चेक करने की जरूरत नहीं है अगला वाला चेक करने की जरूरत नहीं है कैसे करना है इस तरीके क्वेश्चन को मैंने आपको सिखाया अब आप इस इक्वेशन के साथ ये देखो कि ये वाला केस कौन से इक्वेशन के साथ बैठ रहा है क्लियर हुआ तो लिखो सी एच क्लियर है क्लियर हुआ तो लिखो सी एच क्लियर है फटाफट सर तो अगर ऑप्शन नहीं दिया हो तो अगर ऑप्शन नहीं दिया हो तो आपसे तो पूछेंगे ही नहीं या फिर आप खुद से बना लेना और अभी ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं तूने एकदम सही बोला सर ऑप्शन नहीं दिया तो कैसे पता करूंगा अरे ऐसा केस मैं लेकर आया हूं आया हूं क्वेश्चन अगला ही होगा शायद देखो सरा देखो सरा अमृतांश पूछ रहा है अगर सर तीनों इक्वल हो तो तीनों इक्वल तो इन्फेनाइट होगा ना इन्फेनाइट होगा तीनों इक्वल मतलब इंफेनाइट होगा हमको तो पैरल चाहिए ठीक है ओके सर चलिए अब देखो भैया किसी ने सवाल पूछा सर ऑप्शन नहीं दिया हो तो कैसे निकालू दूसरी इक्वेशन मेरे भाई आ गया क्वेश्चन गिवन द लीनियर इक्वेशन देखो भाई बोर्ड में आ चुका है गिवन द लीनियर इक्वेशन ये हमको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू नाइन आप उसको माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो लिख लो जनरल फॉर्म में आपने उसको लिख लिया समझ में राइट अनदर लीनियर इक्वेशन हमको दूसरी लीनियर इक्वेशन बतानी है इन दीज टू वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई वेरिएबल लेकर एक और इक्वेशन बतानी है सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म डिस मतलब भाई सुन लो ना मैं एक और इक्वेशन कोई लिखूंगा मान लो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो मैं कोई एक और इक्वेशन लिखूंगा मुझसे दूसरी इक्वेशन पूछ रहे सच दैट कि इन दोनों को अगर मैं देखूं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस दे दे और एक और इक्वेशन लिख ली है सच दैट कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं तो दे दे क्या आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आया पहले तो ये बताओ क्वेश्चन में क्या बोला भाई पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप इस इक्वेशन के साथ एक ऐसी इक्वेशन बताओ तो कि मैं दोनों इक्वेशन को देखूं तो पैरल वाला केस आए यहां पर भी सेम चीज कि आप एक और इक्वेशन बताइए कि दोनों इक्वेशन को देखूं तो इंटरसेक्टिंग वाला केस आए मतलब यूनिक सॉल्यूशन और अगर एक और इक्वेशन बताओ जिसमें केस आए को वाला मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है सब लोग वैसे सही आंसर कर रहे हैं सब लोग सही आंसर कर रहे हैं मैं बताता हूं मैं बताता हूं ठीक है दूसरी इक्वेशन कैसे लिखो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग वाला केस अपने मन में बैठाओ क्या होता है ए वन बराबर नहीं होता है बी वन के ए वन बराबर नहीं होता है बीवन अपॉइन बी टू के

इसका कोई एक सही आंसर नहीं है इसका कोई एक सही आंसर नहीं है। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है एक और लिखो एक और लिखो देखो एक और लिखता हूं मान लो मैंने लिखा थ्री अपॉन एट फोर अपॉन माइनस टू बराबर नहीं होता समझ में आया तो एक आंसर ये भी हो गया तो ये दोनों ही आपके सही आंसर है क्या आपको लिखना आया क्या आपको लिखना आया क्या आपको लिखना है रॉयल हर्षित ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू के, 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 मतलब के बराबर होना चाहिए हाँ गुरु जी बिल्कुल सही अरे तो बराबर कैसे करें मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं ये जो भी इक्वेशन लिखी हुई है ये जो भी इक्वेशन लिखी हुई है जिसके साथ हम लोग को बराबर वाला केस देखना है भैया ये जो भी इक्वेशन लिखी इसमें आप कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म में तो मान लो अपने टू चूज करा तो टू थ्री सिक्स तो यहां पर टू चूज करा करा तो एट करा तो मान लो ठीक है चूज यहां करो यही आपकी इक्वेशन है सर कैसे चेक करके देखे चेक करके देखे थ्री अपॉइंट सिक्स फोर अपॉइंट एट माइनस माइनस एटीन देख लो भैया ये तीनों बराबर होता है ये तीनों बराबर होता है सर? सर ये कैसे होता है भाई ये हो गया वन बाय टू यह हो गया वन बाई टू यह भी हो गया वन बाई टू समझ में आया और लिख सकते हो और लिख सकते हो क्या कोई और नंबर ले लो मान लो फाइव तो फाइव थ्री जान एक्स समझ में आया फाइव फोर जा ट्वेंटी बाय ठीक है फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव इजीगो से जीरो चेक कर लो भैया ये भी क्वेश्चन होगी आपके आंसर समझ में आया देख लो भैया थ्री अपॉइंट फिफ्टीन फोर अपॉइंट ट्वेंटी और माइनस नाइन अपॉइंट माइनस फोर्टी फाइव ये तीनों बराबर होता है ये तीनों आपका बराबर होता है क्या आपको इस तरीके के क्वेश्चन करना आ गया तो लिखो ए जी आ गया लिखो ए जी आ गया लिखो ए जी आ गया ठीक है मैं एक और आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं कोई पूछा सर एक बार और बता दो, बताता मान ले मेरे इक्वेशन एक एक तो एक एक बताने को बोला जाएगा सच दैट सच बताने वाला है और जो तुझे तु दिया हुआ है दोनों का दोनों का आंसर क्या है मान लाइंस मान ले क्या पैरेलल लाइंस आंसर है क्या आंसर है भैया

पहले दो टर्म्स में पहले दो टर्म्स में कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर तो 4X, टू से कर तू टू। टू सकता कोई और ही नंबर मल्टीप्लाई कर देव कर दे मान ले तो फाइव टू जै टेन आ गया आपका माइनस टेन ठीक है अब चेक कर ले यही तेरा आंसर है यही तेरा आंसर है कैसे सर चेक करना

इस इक्वेशन के साथ जहां पर इस इक्वेशन के साथ कोई दूसरी इक्वेशन हो जहां पर आंसर क्या है भैया को इंसिडेंट ठीक है क्या क्वेश्चन है भैया को इंसिडेंट आंसर आना चाहिए क्या को इंसिडेंट आंसर आना चाहिए बताइए फटाफट फटाफट बताइए भैया इस इक्वेशन के साथ टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो आपको एक इक्वेशन बतानी है ठीक है आप वैसे बहुत सारी बता सकते बट एक बता दो फटाफट फट्ट बता दो भैया सर तीनों अनिकवल पूछा है तो नहीं होता ऐसा कोई केस नहीं होता ऐसा कोई केस ऐसा केस कोई नहीं होता ठीक है सर आपके मैथ कैसे स्ट्रांग करूं मेरे लेक्चर देखकर एक्स प्लस एट वाई प्लस फोर गर्व गेमिंग ने लिखा बहुत बढ़िया सही बोल रहा है मेरे भाई अब कुछ मत करो यार कोई इंसिडेंट मतलब मतलब बहुत सारे सोल्यूशन बहुत सारे मतलब तीनों बराबर, तीनों बराबर, हाँ सर तो, तो कोई भी एक नंबर ले तीनों में मल्टीप्लाई कर दे मान ली तुम फाइव मान लू टेन लिया तो टू टेन साक्स टेन लिया तो आगे टेन लिया तो ये ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो ये तरीके के क्वेश्चन है ठीक है चलिए भैया इस तरीके के क्वेश्चन तो हम लोग को समझ में आ गए अब किस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है तीन या चार मार्क्स में वो मैं आपको सिखाता हूं बहुत आसान से क्वेश्चन है कोशिश करिए ठीक है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू हमको P और Q की वैल्यू निकालना है एक बात समझ आए क्या करना है हम लोगों को P और Q की वैल्यू निकालना है बॉस ठीक है फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन दोस्तों तीन चार क्वेश्चन करके ब्रेक लेंगे फिर से बता रहा हूं ठीक है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू पी एंड क्यू की वैल्यू निकालना है फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम मतलब दो लीनियर इक्वेशन दी होंगी दो वेरिएबल की हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या बोला आपको क्या बोला आपको पी और क्यू की ऐसी क्या वैल्यू यहां पर रखू बियोर क्योंकि ऐसी क्या वैल्यू यहां पर रखूं कि जब दोनों इक्वेशन में केसेस लगाऊं तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाए ऐसी क्या वैल्यू रखूं हमको एक बात क्लियर है भैया इनफिनाइट का मतलब क्या केस लगा दो इनफिनाइट का केस लगा दो बिना सोचे समझे बताता हूं कैसे निकलेगा इनफिनाइट सॉल्यूशन का केस क्या होता है भैया a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर है

बी वन मतलब वाय का तो आ रहा है थ्री बी टू मतलब वाई का कोई टू पी माइनस क्यू यहां पर जल्दबाजी में कॉन्स्टेंट को इधर लेकर आते हो तो सी वन आपका माइनस सेवन सी टू आपका माइनस ट्वेंटी वन समझ में सर अब प्योर की वैल्यू कैसे निकालूं? मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने को बोला जाए दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने को बोला जाए तो आप लोगों को कहीं से दो इक्वेशन बनानी है सर कहां से बनेगी अरे बरखुरदार तीन इक्वेशन बन गए कैसे इसको इससे इक्वेट कर दो ठीक है या फिर इसको इससे इक्वेट कर दो या फिर इसको इससे इक्वेट कर दो तो इसको इससे कर दो इसको इससे कर दो, इससे कर दो अरे भाई तीनों आपस में बराबर तीनों आपस में बराबर तो किसी को भी किसी से भी इक्वेट कर दो समझ में आ रहा है तो भैया मैं क्या करूंगा सुनना मुझे नंबर दिख रहा है अच्छा लग रहा है तो पहले मैं इसको minus minus गया, 7 P plus Q, अच्छा, एक इक्वेशन पी प्लस क्यू के फॉर्म में आ गई ठीक है ठीक है दूसरी कैसे आएगी इसको इक्वेट कर दो भाई आप इन दोनों को भी कर सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा इन दोनों ठीक है तो यहां पर कितना आ रहा है थ्री अपॉन टू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री थ्री ऊपर गया नाइन इज इक्वल टू क्यू अब एक बात बताइए आपको बरखुरदारी और क्यू की वैल्यू निकालना है आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालना है आपके पास दो इक्वेशन है आप लोग सॉल्व करना मुझसे अच्छे तरीके से जानते हो कैसे सर सर इनको सॉल्व कैसे करूं अबे जानते तो हो यार सर नहीं जानते अबे जानते हो देखो देखो पी प्लस क्यू छह के बराबर ठीक एंड टू पी माइनस क्यू आपका नाइन के बराबर दो मेथड आती है ग्राफिकल को छोड़ दो वो थोड़ी लगाएंगे पागल थोड़ी है एलजेब्रिक मेथड आती है एलिमिनेशन और सब्सिट्यूशन एलिमिनेशन अच्छा लगता है हाँ सर आपको एक चीज नोटिस करो भैया ये कुछ नहीं एक्स और वाई ही है एक्स और वाई ही है मान लो आपको एक्स मतलब क्यू का सेम करना है तो सर क्यू का तो पहले से सेम दिख रहा है

प्लस वन क्यू माइनस वन क्यू कैंसिल सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन तो आपके पी की वैल्यू पांच आ गई आपके पी की वैल्यू पांच आ गई सर क्यू कैसे आएगा कोई भी एक ही क्वेश्चन में पी की वैल्यू रख लो मान लो यहां पर तो यह आ गया आपका पी प्लस क्यू इज इक्वल टूच है तो आपका पी पांच तो पांच प्लस क्यू इज इक्वल टूच है तो आपका क्यू की वैल्यू वन समझ में आया समझ में आया मैंने क्या बोला समझ में मैं मैंने क्या बोला p5 q1 p5 q1 p5 q1 p5 q1 p5 q1, q1. ठीक है p7 नहीं आएगा दोस्तों p7 नहीं आएगा p7 नहीं p5 आएगा p5 आएगा गलती नहीं करना है. सर c2 की वैल्यू गलत है सही तो है -21 सही तो है -21 सही तो लिखी है मैंने सब कुछ सही लिखा है ठीक है चलो भैया अगला क्वेश्चन डरने की जरूरत नहीं है ऐसे 3 4 क्वेश्चन और हैं

बस ध्यान से इक्वेशन को देखते रहो डरना नहीं है ध्यान से इक्वेशन को देखते रहा अच्छा 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 समझ आया समझ आया Infinite का मतलब ए वन अपॉन एराम बी टू सी वन अपॉन सी टू के बराबर रख दो वैल्यूज इक्वेशन मिलेंगी आपको a1 की वैल्यू x का वैल्यू x का प्लस वन डरना नहीं डरना नहीं डरना नहीं

क्वल टू नाइन इक्वेशन आ गई के स्क्वायर प्लस टू के माइनस एट नहीं प्लस एट प्लस एट इज इक्वल टू जीरो निकालेंगे कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्रिटिंग करके और अगर मिडिल टर्म स्प्रिटिंग नहीं हो पाए तो श्रीधर आचार्य फॉर्म में लगा दो समझ मारा है वैसे हो जाएगी तो भैया जीरो स्क्वेयर सॉरी के स्क्वायर प्लस टू के प्लस एट हमको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट वन इंटू एट आ जाए और जिनका सम टू आ जाए ऐसे दो नंबर्स कौन से होते हैं भैया फोर और टू तो यहां पे क्या लिखा भैया फोर और टू समझ मारा है फोर और फोर टू नहीं कुछ गलत करा क्या मैंने कुछ गलत करा क्या मैंने रॉन्ग एट माइनस एट होगा क्या हाँ माइनस एट होगा दोस्तों ये माइनस एट होगा मेरे को वही लग रहा था मैंने कुछ गलत करा है देखा बेटा समझ रहा था गलत करा है सर कैसे समझ में आता है मैं ऐसे दो नंबर सोच ही नहीं पा रहा हूं ना इसीलिए ठीक है ओके सर जी तो ये इसको मिटा दो इसको मिटा दिया पिंक वाले को आपको प्रोडक्ट माइनस एट चाहिए प्रोडक्ट आपको माइनस का एट चाहिए समझ मारा है हाँ सर ये गलती हो गई थी इसलिए क्रॉस कर दिया इसको ठीक है भैया तो ऐसे दो नंबर्स कौन से

किसी को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले लेक्चर के लिए वेट करो आपको यह बहुत हलवा लगेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं ठीक ठीक है है तो भैया आपने क्या करा कर माइनस एट लिखा है आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया स्प्लिट मतलब दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो भैया आ गया आपका के स्क्वायर यह आ गया आपका भैया आराम से के स्क्वा टू के को आपने लिखा फोर के माइनस टू के नंबर है फोर और माइनस टू और माइनस एट वैसा वैसा अब इन दोनों में कॉमन क्या इन दोनों में कॉमन क्या तो इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा पर बचा इन दोनों में आपको माइनस टू कॉमन दिख रहा होगा ठीक है तो के प्लस फोर बाहर तो तो निकाला तो यहां पर बचा के यहां पर बचा माइनस टू ठीक है इज इक्वल टू जीरो से भैया वैल्यू क्या यहां से भी वैल्यू क्या आ गई के प्लस फोर को अलग से जीरो करो एंड के माइनस टू को अलग से जीरो के इक्वल करो तो आपके के वैल्यू माइनस फोर आ गई एंड के की वैल्यू टू आ गई समझ में आया के की वैल्यू माइनस फोर के की वैल्यू माइनस टू समझ में आया ठीक है अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से कोई वहां पर होगा जिसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का वेट करो वॉरियर बैच में आपको ये बहुत हलवा लगने वाला है बाकी ये नाइन्थ और एट में सॉरी और में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ठीक है अब सुनना मेरी बात अब यहां पर गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि ये दोनों आंसर को सही मान लेते हैं इन दोनों आंसर को सही मान लेते हैं

K की एक वैल्यू आपकी माइनस चार आ रही है और एक वैल्यू आपकी टू आ रही है ना दोनों वैल्यूज रख के देखो हमारा याद रखना इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना चाहिए ठीक है तो के माइनस चार रखा तो यहां पर माइनस चार आराम से वन अपॉन माइनस चार प्लस वन सुनना मेरी बात माइनस चार प्लस वन अपॉन नाइन माइनस फाइव माइनस आठ इंटू माइनस चार प्लस वन कितना आ गया ये वन अपॉन माइनस थ्री ये माइनस चार प्लस वन माइनस थ्री अपॉन नाइन समझ में आ रही कितना माइनस फाइव माइनस एट इन माइनस फोर थर्टी टू थर्टी टू प्लस वन थर्टी थ्री अब देखो ना क्या हुआ भाई देखो ना क्या हुआ ये तो इक्वल आ रहा है माइनस वन पॉइंट थ्री माइनस वन पॉइंट थ्री तो यह तो इक्वल आ रहा है लेकिन यह तो कुछ अलग ही आ रहा है मतलब इक्वल आ रहा है तो समझ लो क्या हो रहा है हमें के की ऐसी वैल्यू निकालने को बोल रहे थे हमें के की ऐसी वैल्यू निकालने को बोल रहे थे जो मैं यहां पे रखू तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए मतलब तीनों बराबर है लेकिन के की वैल्यू माइनस चार रखने पर तीनों, तीनों बराबर नहीं आ रहा इसलिए मैं माइनस चार को इग्नोर कर दूंगा इसलिए मैं माइनस चार को इग्नोर कर दूंगा समझ में आया क्या लिखोगे यहां पर आप माइनस फोर डज नॉट डज नॉट गिव इनफाइनाइट सॉल्यूशन Does not give infinite solution. Therefore, k is equals to इक्वल टू माइनस फोर इज रिजेक्टेड इसको रिजेक्ट कर देंगे क्या रिजेक्टेड समझ में आया तो के इज इक्वल टू टू आंसर होगा सर इसके दे देगा दे देगा k is equals to 2 आपका आंसर होगा ठीक है k is equals to 2 आपका आंसर होगा k की वैल्यू 2 आपको तीनों चीजें बराबर दे देगी ठीक है किसी को नहीं बना कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन ट्राई करो अगला क्वेश्चन ट्राई करो ये वाला दो क्वेश्चन और दो क्वेश्चन आराम से ये क्वेश्चन भी सीबीएसई है क्या दे रहे हैं फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के वैल्यू पूछ रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा पहले यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं आप देख रहे सीबीएसई में आए हुए सारे क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए ठीक है तो भैया पहला क्वेश्चन देखा यूनिक सॉल्यूशन यूनिक का मतलब क्या यूनिक का मतलब क्या ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू यूनिक सॉल्यूशन में सीवन अपॉन सी टू हम देखते ही नहीं है यूनिक सॉल्यूशन में याद रखो सी वन अपॉन सी टू हम देखते ही नहीं है समझ में आया सर ये चैप्टर कितने मार्क्स से आएगा सबसे बड़ा चैप्टर है भाई सबसे बड़ा चैप्टर है सबसे बड़ा चैप्टर है ठीक है तो भैया यूनिक सॉल्यूशन समझा जाए ठीक है अच्छा सर तो भैया ए वन की वैल्यू क्या वन ए टू की वैल्यू क्या थ्री ठीक है बी वन की वैल्यू क्या टू बी टू की वैल्यू क्या के बीच में नॉट इक्वल का साइन के की वैल्यू क्या गई के ऊपर गया थ्री ऊपर गया फिर आ गया के इज इक्वल इज नॉट इक्वल टू सिक्स सर ये कैसी वैल्यू है के इज नॉट इक्वल टू सिक्स सर ये कैसी वैल्यू है के इज नॉट इक्वल टू सिक्स के तो किसी के बराबर आना चाहिए ना इज मतलब, नॉट मतलब? अलावा कुछ भी हो सकती है अलावा कुछ भी हो सकती है कहने का मतलब हमसे वैल्यू पूछे कि यूनिक सॉल्यूशन है हमसे ऐसी वैल्यू पूछी कि इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है अगर आप k इज इक्वल टू सिक्स अगर यहां पर रख देते हो अगर आप सिक्स यहां पर रख देते हो तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा लेकिन सिक्स के अलावा कुछ भी रख दो यूनिक सॉल्यूशन आएगा समझ में आया तो आंसर क्या आंसर आपका ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट सिक्स या फिर ऑल रियल नंबर क्या ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सिक्स क्या बात समझ आ रही एक्सेप्ट सिक्स क्लियर फिर से बोलूंगा क्या पूछा के की ऐसी वैल्यू पूछी जो दोनों इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन दे दे के की कौन सी वैल्यू यहां पर रखूं कि यूनिक सॉल्यूशन आ जाए सिक्स छोड़ के कुछ भी रख दो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा मतलब ऐसा कोई केस मिलेगा आप करके भी देख सकते हो अब अभी तक की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मतलब बहुत आसान सा लेकिन बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रीजन है कोई रीजन है सुनना नो सॉल्यूशन सेकंड वाली की बात करता दो नो सॉल्यूशन सब आंसर बताएंगे सब आंसर बताएंगे ठीक है नो सोल्यूशन मतलब क्या ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी अपॉन सी टू यही होता है यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सॉरी नो सॉल्यूशन का मतलब नो सॉल्यूशन यानी पैरल लाइन्स हा सर अच्छा सर तो ए वन की वैल्यू वन ए टू की वैल्यू थ्री सब लोग आंसर करेंगे सब लोग आंसर करेंगे सब लोग आंसर करेंगे भैया बी वन की वैल्यू बी वन की वैल्यू टू बी टू की वैल्यू के is equal, is not equal क्या C1 की वैल्यू माइनस फाइव गलती नहीं करना फाइव उधर गया माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन इधर गया तो माइनस फिफ्टीन ठीक है इसको तो छोड़ ही दो कोई दिक्कत की बात नहीं है इन दोनों को देखो K इज इक्वल टू सिक्स क्या आंसर आ रहा है K इज इक्वल टू सिक्स समझ में आया गलत गलत अब सोचो क्यों गलत अब सोचो क्यों गलत अब सोचो क्यों गलत अब सोचो क्यों गलत. सो गलत. सो गलत कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं सोचो क्यों गलत ठीक है, गलत है, गलत, है, गलत, है, गलत, है गलत है सिक्स 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 का मतलब के की वैल्यू इसका मतलब क्या है के की वैल्यू रखोगे तो यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए यूनिक नहीं सॉरी नो सॉल्यूशन मिलना चाहिए के की वैल्यू सिक्स रखोगे तो नो सॉल्यूशन मिलना चाहिए जरा रख के देखते हैं जरा रख के देखते हैं ठीक है तो यहां पर लेकर वन थ्री यहां पर लेकर टू पॉइंट सिक्स सुनना सुनना सुन्ना यहां पर क्या लिखा कुछ गलती है क्या यहां पे प्लस के बाय नहीं सही है मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से सही है ये एक सेकंड एक सेकंड से से ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो मैं सोच रहा हूं तुम्हें तो वो क्वेश्चन लेकर नहीं आया क्या तुम्हें तो वो क्वेश्चन लेकर चलो देखते हैं तो भैया ये कितना आ गया आपका माइनस फाइव नहीं नहीं एकदम सही आ रहे हैं दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है माइनस से माइनस गया फाइव वन सा फाइव थ्री से. अब देखना क्या हो रहा है अब देखना क्या हो रहा है ठीक है देखना क्या हो रहा है ध्यान से देखना क्या हो रहा है ठीक है यहां पर आ गया वन पॉइंट थ्री ये आ गया टू पॉइंट सिक्स यहां पर कितना आ रहा है

समझ में आया वेरी गुड वेरी गुड ओजस करके एक बच्चा के साथ उसने सही आंसर दिया ऐसी कोई भी के की वैल्यू नहीं है मैं फिर से बोलूंगा जो भी आपकी वैल्यू आती है ना जो भी आपकी वैल्यू आती है उसको वापस इधर रख के देखा करो उसको वापस इधर रख के देखा करो हो सकता है बोर्ड आपकी फिरकी ले रहा हो आपने के सिक्स रख के देखा तो भैया नो सॉल्यूशन नहीं आ रहा नो सॉल्यूशन के लिए यहां पे नॉट इक्वल का साइन आना चाहिए ये तो यूनिक, ये तो तो यूनिक आपका इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन आ गया मतलब यहां पे आप क्या लिखोगे देर इज नो वैल्यू ऑफ आंसर क्या होगा ऐसा लिख लो देअर इज देयर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉर विच द सिस्टम द सिस्टम मतलब इक्वेशन विल हैव नोट कर लो विल हैव नो सॉल्यूशन कहने का मतलब सिंपल भाषा में क्या के की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आप यहां पे रखो तो नो no सॉल्यूशन बन जाए आंसर तो नो no सॉल्यूशन बन जाए आंसर एक बार फिर से बताता हूं एक बार फिर से हूं आपके के की वैल्यू सिक्स आई आपने चेक करा कि क्या आपके के की वैल्यू सही आ रही है जब आपने के की वैल्यू सिक्स यहां पर पटकी तो भैया तीनों चीजें बराबर आ गई तीनों चीजें बराबर आ गई अभी तीनों बराबर थोड़ी आना चाहिए ये तो नॉट इक्वल आना चाहिए ना ये तो नॉट इक्वल आना चाहिए तभी तो नो होगा सर ये तो इन सोल्यूशन भाषा में समझो अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों इक्वेशन में यूनिक सॉरी इन दोनों इक्वेशन में नो सोल्यूशन बनाने के लिए के की कौन सी वैल्यू रखूं आप बोलोगे के की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है के की ऐसी कोई भी वैल्यू आप यहां पर नहीं रख सकते जो इस सिस्टम को नो सोल्यूशन बना दे समझ में आया समझ में आया हां सर समझ में आया चलिए भैया प्लस फिफ्टीन नहीं भाई माइनस फिफ्टीन होगा सर वाई रियल नंबर अरे रियल नंबर ही ही होते होते हैं हैं अपने हमने जितने पढ़े रियल ही होते है, है ना अभी आपने रियल नंबर के अलावा कोई नंबर पढ़ा ही नहीं चलो भैया चलो भैया ये आप ब्रेक में नहीं ब्रेक में नहीं चलो कर दो इस क्वेश्चन को फटाफट कर दो लास्ट क्वेश्चन ब्रेक के पहले फटाफट इस क्वेश्चन को निपटा दो भैया लास्ट क्वेश्चन ब्रेक के पहले

सी टू आपका सी माइनस सी सॉरी समझ में ये आपके आगे भैया इक्वेशन अब यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा भैया तीनों सी दिख रहा है मान लो इसको आप लेते हो कितना आएगा ये सी बायल टू थ्री बाय सी तो आगे सी स्क्र इज इक्वल टू थर्टी सिक्स यानी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडरवुड थर्टी सिक्स ऐसी होता है सी इज इक्वल टू एक वैल्यू आगे प्लस सिक्स और एक वैल्यू माइनस सिक्स अब कौन सी वैल्यू सही है अब कौन सी वैल्यू सही, सही है रख के देख लो कौन सी वैल्यू सही रख के देख लो माइनस सिक्स सही नहीं होगी सिक्स सही होगी क्यों आप रख तो के देखो अगर आप की जगह माइनस सिक्स ऑफ माइनस सिक्स रख के तो देख रहा हूं जो वैल्यू जारी रख रहा हूं ठीक है माइनस सिक्स रखा तो माइनस वन बाई टू ये गया आपका माइनस वन बाय टू ठीक है आपका प्लस सिक्स नाइन या अगर सिक्स तो ये आपका वन बाय थ्री आ रहा है क्या हुआ आप समझ रहे हो क्या हुआ आपको सी की वैल्यू पूछा आपने निकाल दिया लेकिन इनमें से कौन सी वैल्यू सही आपको देखना जरूरी है माइनस सिक्स सही नहीं है क्यों माइनस सिक्स सी की जगह रखने के बाद माइनस सिक्स की जगह रखने के बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस नहीं आ रहा समझ में आ रहा बल्कि कौन सा केस आ रहा है ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ये दोनों इक्वल आ रहे हैं और ये नॉट इक्वल आ रहे हैं बात समझ आई तो ये तो नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा बबुआ जी ये तो नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा क्या बात समझ आई तो सी इज इक्वल यहां पर इंपॉर्टेंट क्या देखो भाई इंपॉर्टेंट यह कि जो आंसर आ रहा है उसको चेक करो कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो बंटा है चेक करोगे कि नहीं करोगे एग्जाम में करोगे तो लिखो करेंगे करोगे तो लिखो करेंगे ठीक है और अब अपने ब्रेक की बारी और अब अपने ब्रेक की बारी ठीक है ब्रेक मेरे ख्याल से आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी ब्रेक टाइम ब्रेक टाइम ठीक है ब्रेक पे जाने से पहले ब्रेक पे जाने से पहले टाइमर लगा लिया जाए भैया अब टाइमर किधर मिलता है भैया टाइमर भूल गए हम तो नहीं टाइमर कहां मिलता है टाइमर कहां मिलता है भाई मैं भूल गया टाइमर कहां मिलता है सब्जेक्ट नहीं डिसिप्लिन टू मैथ टाइमर कहाँ मिलता है भाई टाइमर कहाँ मिलता है टूल्स मिल गया शायद शायद मिल गया नहीं मिला मिल गया तो नहीं मिला शायद मिल गया भाई टाइमर ठीक है अच्छा पहले ये बताओ भैया अभी तक अपने जितने बातें पढ़ी उसको रिवाइज कर एक बार जल्दी से अरे रे पूरा रिवाइज नहीं करवाऊंगा क्या पढ़ा सबसे पहले समझा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है सिंपल दो इक्वेशन होगी इसमें दो वेरिएबल होंगे समझ में आया सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या ऐसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना जो दोनों इक्वेशन को सेटिसफाई करे कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट हो सकते हैं नो सॉल्यूशन हो सकता है या फिर या फिर या फिर एक सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन कैसे पता करें ग्राफिकल मेथड की मदद मतलब से सॉल्यूशन निकालना सीखा अगर दोनों लाइंस पैरल है मतलब ग्राफ कैसा मतलब सॉल्यूशन क्या एक भी नहीं नो सॉल्यूशन अगर अगर मतलब अगर लाइंस लाइंस कैसी इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सॉल्यूशन एक के ऊपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है मान लो ये दो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जोडिनेट्स होते हैं वही आपका सॉल्यूशन होता है समझ में उसके बाद क्या की मतलब से निकालना एलिमिनेशन मेथड की मदद मतलब से सॉल्यूशन निकालना उसके बाद क्या सीखा भैया रिवाइज करवा रहा हूं उसके बाद हम लोगों ने देखा भैया कुछ सवाल कुछ क्वेश्चंस कौन से कि अगर सॉल्यूशन दिया तो और Q की दो, तो दो। वगैरह और कुछ कॉन्सेप्ट मतलब, मतलब तीनों इक्वल नो सॉल्यूशन का मतलब पहले दो इक्वल तीसरे के नॉट बराबर क्लियर है भैया चले ब्रेक में कितने मिनट का कितने मिनट का बताओ भैया कितने मिनट का ब्रेक दे लिखने का तरीका अरे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखू कोई दिक्कत की बात नहीं है बाकी वर्ड प्रॉब्लम बता दूंगा कैसे लिखना है ठीक है ठीक है ब्रेक के बाद मिलिएगा अब सिर्फ और सिर्फ हमारी वर्ड प्रॉब्लम रह गई है हा चलिए भैया मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बीस मिनट बोल रहे हैं यार सब लोग चलो बीस लिख देता हूं चलो बीस लिख देता हूं बीस लिख देता हूं बीस यार ज्यादा ज्यादा नहीं हो जाएगा हो जाएगा मेरे ख्याल से पंद्रह कर दू बोलो पंद्रह कर दू पंद्रह मेरे ख्याल से सही होगा यार पंद्रह मेरे ख्याल से सही होगा यार पंद, सब लोग बीस बोल रहे हैं यार चलो बीस लो हटाओ बीस लो ठीक है बीस लो योर टाइम स्टार्ट योर टाइम स्टार्ट नाउ मेरे दोस्तों आइए जल्दी जल्दी और प्लीज आइएगा प्लीज आइएगा अगर आपने शपथ लिए कि भैया लेक्चर देखेंगे स्टार्टिंग से तो लेक्चर देख के जाओ वादा कर रहा हूँ इसके बाद कोई सैंपल पेपर कोई पीवाईक्यू क्यू कोई भी स्कूल में कभी क्वेश्चन आएगा आपको बनेगा आपको बनेगा आपको बनेगा आपको बनेगा चलिए भैया बाय बाय मिलते हैं थोड़ी देर में आना भैया कहीं जाना नहीं हेलो 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 हाँ भैया जी आ जाइए ब्रेक हो गया है खत्म आ जाइए भैया जी ब्रेक हो गया हमारा खत्म आई होप आप लोगों ने कुछ नाश्ता पानी कर लिया होगा है ना आई लव यू गाई आई लव यू टू भाई वी आर बाइक सर जी नमस्ते प्रणाम 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 नमस्ते 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 भैया नमस्ते भैया हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते आप लोग को हाँ बीस मिनट का लंबा ब्रेक था आई होप आप लोग रिफ्रेश हो गए होंगे। अगर कोई एनर्जी डामा डोल हुई होगी तो वो वापस आ गई होगी तो जल्दी से चैट बॉक्स सब लोग बताएं। हाउ इज हाउ इज द जोश वॉरियर्स हाउ इज द जोश वॉरियर्स बताइए जंग लड़ने के लिए तैयार हो अभी आधी जंग खत्म हुई है और सबसे इंपॉर्टेंट जंग तो अब लड़नी है वर्ड प्रॉब्लम्स की जंग वर्ड प्रॉब्लम्स की जंग ठीक है एक बात कहूंगा आप लोगों से पहले तो बताओ भैया हाउ इज द जोश एक दो मिनट में स्टार्ट करेंगे हमारे सारे बबुआ ज्वाइन कर ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा भैया किसी का मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं हाय सर ठीक चलिए भैया अब यार स्टार्ट करते हैं। क्या करना है वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी अभी क्या हो रहा था इक्वेशन दी थी सॉल्यूशन निकालने को बोला इक्वेशन दी थी सॉल्यूशन निकालने को बोला अब क्या होगा इक्वेशन भी तुम ही बनाओ सॉल्यूशन भी तुम ही निकालो इक्वेशन भी तुम ही बनाओ सॉल्यूशन भी तुम ही निकालो ऐसा ये चैप्टर बोलेगा क्या करेंगे इक्वेशन बनाने में मैं तुम्हारी मदद करेगा लेकिन सॉल्यूशन निकालने में तुम खुद की मदद करेगा क्या ये बात क्लियर है भैया बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम लेकर आया और बहुत सी से टेंशन मत लेना। मैं कुछ कि सोचना कैसे डेढ़ घंटे अगले दो घंटे बस ध्यान दीजिएगा चलिए भैया एक कुछ बोल देता हूं और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं ठीक है ठीके? दोस्तों लाइफ में ना एक बात हमेशा याद रखना और सच कह रहा हूं मतलब ये बात मैं अपने आप को भी बोलता हूं ठीक है क्या जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी या फिर तकलीफें होंगी क्या बोला मैंने जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी लेकिन जितनी बड़ी तकलीफ होगी ना उतनी बड़ी कामयाबी होगी याद रखना समझ में आया जितनी ज्यादा मुश्किल आपके लाइफ में आएंगी उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल बनोगे लाइफ में ठीक है इसी के साथ भैया स्टार्ट करते हैं वापस शुरुआत क्या करने वाले वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले भैया एप्लीकेशन टू वर्ड प्रॉब्लम ठीक है कौन कौन से केस में वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे सुनना मेरी बात ठीक है भैया एजिस एजिस वाले क्वेश्चन देखेंगे इसकी एज चाचा के बराबर इसकी एज पापा के तीन गुना वगैरह वगैरह एज वाले क्वेश्चन ठीक है उसके बाद प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स एंड डिजिट्स देखेंगे टू डिजिट नंबर की कहानी न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर की कहानी वहां पर समझेंगे हम लोग ठीक है प्रॉब्लम फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर समझेंगे डिजिट्स वाले क्वेश्चन में टू डिजिट नंबर की बात करेंगे ठीक है भैया अच्छा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर सब लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है ठीक है ये देखेंगे और उसके बाद बची हुई दो प्रॉब्लम भैया क्या ज्योमेट्री के ऊपर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे कोई शेप दे देंगे रेक्टेंगल दे दे देंगे दे देंगे स्क्वायर उनकी देखेंगे और बेस्ड ऑन कमर्शियल मैथमेटिक्स मतलब क्या? मतलब भैया भैया क्या क्या का कुछ पैसे का लेन देन होगा ठीक है चलिए भैया चलिए भैया स्टार्ट करते रट्टा बिल्कुल नहीं मारना सब लोग ध्यान देंगे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आया पहला क्वेश्चन आया क्या बोल रहे हैं भैया इसको अपन लोग कमर्शियल मैथमेटिक्स में काउंट कर सकते हैं क्या सुना इफ थ्री चेयर्स अब सुनना करना क्या है करना क्या है हमें पता है चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे दो के साथ खेलना है क्वेश्चन पढ़ के है. है, पढ़के, कि किसको मानना है अरे बबुआ वेरिएबल का, का काम क्या कोई चीज नहीं है उसको वेरिएबल मान लो कोई चीज निकालने को बोलिए उसको वेरिएबल मान लो समझ आए तो सबसे पहले अप्रोच क्या वेरिएबल किसको मानना है ये पता करेंगे ठीक है ओके सर क्वेश्चन रीड करो क्या बोल रहे हैं इफ चेयर्स एंड टेबल कॉस्ट इतना समझ में तो आ रहा है बहुत लोग क्या तीन चेयर एंड वन टेबल का कॉस्ट इतना है सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है ठीक है सिक्स चेयर्स एंड वन टेबल कॉस्ट रुपीज इतना अभी मैं समझा भी दूंगा फ्रॉम लीनियर फॉर्म क्या करना भैया फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन हम लोग को बस लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने को बोला है सॉल्व करने को नहीं बोला लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने को बोला है अब आप क्या करोगे? सुनना. अब आप आप क्या क्या करोगे करोगे सुनना सुनना हमें क्या दिया हुआ है चेयर और टेबल हम खरीदने जा रहे हैं मार्केट गए हमने तीन चेयर खरीदी एक टेबल खरीदी हमको पंद्रह सौ रुपए देना पड़ा ठीक है हम मार्केट गए हमने छह चेयर खरीदी एक टेबल खरीदी खरी हमें कितना पैसा देना पड़ा चौबीस सौ रुपए समझ में आए तो यहां पर मैं क्या करूंगा वेरिएबल किसको मानूंगा लेट लेट कॉस्ट ऑफ लेट कॉस्ट ऑफ वन चेयर बी एक्स एक टेबल की कॉस्ट को मैंने वाई माना मुझे चेयर और टेबल की कॉस्ट नहीं पता तो मैंने उसको एक्स और वाई माना सुनते जाना बस समझते जाना ठीक है एक क्वेश्चन का खेल नहीं है ठीक है चलिए भैया तो आप एक बात बताओ अगर एक टेबल का ऐसे सोचो एक टेबल का कॉस्ट सौ रुपए तो दो टेबल का कितना टू इंटू हंड्रेड तीन टेबल का कितना थ्री इंटू हंड्रेड भाई सिंपल है ना एक टेबल का सौ रुपया तो दो टेबल का टू इंटू सौ तीन टेबल का थ्री इंटू सौ चार टेबल का चार इंटू सौ समझ में आ रहा है हाँ सर तो भैया अब 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 क्या बोल रहे अब क्या बोल रहे भैया कॉस्ट x दे रहे है तो अगर एक एक चेयर का कॉस्ट x है तो तीन चेयर का कितना होगा एक चेयर का कॉस्ट x है तो तीन चेयर का कितना होगा 3x सही बात है सर 3x ये तीन चेयर का कॉस्ट कोई पूछे ये क्या लिखा है बोला तीन चेयर का कॉस्ट लिखा है ठीक है एक टेबल का कॉस्ट y है तो एक टेबल ही खरीदो एक टेबल का कॉस्ट y होगा तो यहां पे y तो इसका मतलब क्या तीन चेयर का कॉस्ट एक टेबल का कॉस्ट तीन चेयर का कॉस्ट एक टेबल का कॉस्ट बाय प्लस करा हमें पंद्रह सौ रुपये देना पड़ा हमें पता है पंद्रह सौ रुपये देना पड़ा बात समझ आई क्या यह बात समझ आई हाँ सर अब क्या बोल रहे भैया छह चेयर एक चेयर का कॉस्ट अगर एक्स रुपए है तो छह चेयर का कितना होगा सिक्स एक्स समझ में एक टेबल का कॉस्ट दिया हुआ भैया बाय प्लस करके हमने कितना पैसा दिया भैया चौबीस सौ रुपये

क्वेश्चन का मतलब समझा क्या अरुणा एक लड़की होगी उसके पास एक रुपए के चिल्लर और दो रुपए के चिल्लर रखे ठीक है भैया इफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्लर इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइंस दैट शी हैज इज कहने का मतलब क्या उसके पास कुछ एक रुपए के चिल्लर रखे उसके पास कुछ दो रुपए के चिल्लर रखे हमें नहीं पता कितने एक रुपए के रखे कितने एक दो रुपए रखे लेकिन ये पता है कि टोटल चिल्लर टोटल कॉइन्स अरुणा के पास पचास है

नंबर ऑफ रुपीज वन एंड रुपीज टू कॉइंस रिस्पेक्टिवली क्या निकालने को बोला हमको हमको यह निकालने को बोला है कि अरुणा जो है उसके पास एक रुपए के कितने चिल्लर है और दो रुपए के कितने चिल्लर है तो जो पूछा उसको वेरिएबल मानो तो लेट लेट द नंबर ऑफ रुपीज वन कॉइन बी एक्स अटपटा लगता है सुनने में लेकिन मान लो एक्स कहने का मतलब समझ रहे हो कि अरुणा के पास एक रुपए के दस चिल्लर है अरुणा के पास एक रुपए के सौ चिल्लर है अरुणा के पास एक रुपए के बीस चिल्लर है अरुणा के पास एक रुपए के x चिल्लर है क्योंकि पता ही नहीं कितने वैसे लेट द नंबर ऑफ रुपीज टू कॉइंस बी कितना y मैंने माना कि अरुणा के पास अरुणा के पास दो रुपए के वाई वाई चिल्लर चिल्लर सर ये क्या है वाई भाई रुपए मान लो दस चिल्लर होंगे भाई रुपए के ना अब भैया तो जो पूछा उसको वेरिएबल माना अब क्या करना दोनों की वैल्यू निकालना इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना मतलब आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए अब कहां से बनेगी क्वेश्चन रीड करके बनेगी टोटल नंबर ऑफ चिल्लर दैट शी है कितने चिल्लर है उसके पास दो रुपए के लेकिन टोटल चिल्लर कहने का मतलब टोटल चिल्लर का मतलब क्या आसान है ना भैया एक रुपए के एक्स चिल्लर है दो रुपए के वाई चिल्लर है तो टोटल चिल्लर उसके पास पचास है एक इक्वेशन आ गई क्या ये इक्वेशन सबको समझ आई ये तो समझ गए हो गए दूसरी कैसे समझेंगे सुनना मेरी बात ठीक है अब क्या बोला द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज रुपीज सेवेंटी फाइव एक रुपए के और दो रुपए के चिल्लर मिला के उसके पास कितने कितने पैसे में पचहत्तर रुपए तो आप एक बात बताओ आप एक बात बताना ठीक है अगर आपके पास एक रुपए के दस चिल्लर है सोचना दिमाग लगाना पेन छोड़ दो अगर आपके पास एक के दस चिल्लर है तो आपके पैसा कितना है रुपए के दस चिल्लर तो वन इंटू टेन दस रुपए अबे मैथ्स छोड़ दो ऐसे मार्केट में जा रहे हो अगर, तो अगर आपके पास, एक के, तो 20, अगर पास एक के दस चिल्लर है तो रुपए पैसा कितना कितना एक रुपए के एक्स चिल्लर है तो टोटल पैसा कितना हुआ वन इंटू एक्स अब एक रुपए के तो बीस एक रुपए के बीस तो वन इंटू ट्वेंटी दो रुपए के आपके पास दस चिल्लर है तो टोटल पैसा कितना टू इंटू टेन ट्वेंटी रुपीज सिंपल सी बात है कॉमन सेंस लगाओ कॉमन सेंस लगाओ अगर आपके पास दो रुपए के चालीस चिल्लर है तो टोटल पैसा कितना हुआ इंटू चालीस अगर आपके पास दो रुपए के वाई चिल्लर है तो पैसा कितना हुआ? टू वाई। समझ माया? समझ में में आया? आया? हाँ सर, तो बस तो टोटल मनी दिया हुआ है टोटल मनी, मनी दो रुपए के चिल्लर में हमारे पास टू वाई है और टोटल हमें दिया हुआ है 75। तो दूसरी क्वेश्चन अब इन दोनों नए क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करना आपका काम सॉल्व करना आपका काम सॉल्व करना आपका काम ठीक है ठीक है समझ में आ गया एक्स बहुत तकलीफ देती है अब कोई लिख रहा है एक्स बहुत तकलीफ देती है ये वाला एक्स उतनी तकलीफ नहीं देगा दोस्त ये वाला एक्स इतनी तकलीफ नहीं देगा अब खतरनाक लोगों भाई ये इक्वेशन सॉल्व करना आपका काम इक्वेशन सॉल्व करना आपका काम ठीक है ये आपका काम छोड़ूंगा मैं बस इक्वेशन बना के जाऊंगा यहां से आपका काम मैं इक्वेशन सॉल्व करने लगूंगा जहां पर मुझे लगेगा कि इक्वेशन सॉल्व करना है है मैं करके ठीक सब लोग बोल रहे 25, 25, अच्छा कहने का मतलब क्या? एक के 25 और दो रुपए के भी पच्चीस चलिए भैया अगला क्वेश्चन अब यार सुनना वाले कैसे करे जाते? वाले कैसे करे जाते? सुनना ठीक है सबसे पहले टेबल बना दो सबसे पहले बिना सोचे समझे टेबल बना दीजिए ठीक है सर टेबल में क्या लिखे आप लोगों दो लोगों की एज की बात करेंगे उन दो लोगों का नाम इधर लिख देना सिर्फ दो दो की बात करेंगे क्योंकि वेरिएबल में खेलना है। अच्छा फिर क्या एज तीन तरीके की होती है एक होती है प्रेजेंट एज एक होती है पास्ट एज एक होती है फ्यूचर एज तो आप यहां पे क्या लिखो तीनों एजेस पास्ट यहां पे लिखा प्रेजेंट मान लो और यहां पे लिखा फ्यूचर हर एज वाला क्वेश्चन देखा नहीं कि टेबल बना दिया एज वाला क्वेश्चन देखा नहीं कि टेबल बना दिया बिना सोचे समझे सुनना मेरी बात ठीक है अगला आप करोगे एज वाला अगला एज वाला भी है ठीक है टू अगो सबसे पहले ये डिसाइड करना है किसको वेरिएबल मानना है तो दो अगो फादर वॉज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन अरे सर ये क्या है अरे बाद में देखेंगे टू ईयर्स लेटर हिज एज विल बी एट मोर देन थ्री टाइम्स द एज ऑफ सन तो इतनी बात तो समझ आ रही है कि बेटा और पापा की बात कर रहे सन और फादर की बात हो रही है फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन उन्होंने सीधा सीधा बोला कि आप प्रेजेंट एज निकालो फादर और सन की तो जो बोला उसको वेरियबल मानो तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ लेट प्रेजेंट एज ऑफ सुपुत्र यानी बेटा भी एक्स एंड पापा भी वाई दोनों की प्रेजेंट एज पूछी मैंने उसको और y मान लिया अब क्या करना है सुनना अब क्या करना है सुनना क्वेश्चन पढ़ के ये समझो कि क्या पास्ट एज की बात कर रहे हैं क्या फ्यूचर एज की बात कर रहे कर रहे टूर्स अगो अगो का मतलब पहले दो साल पहले चले गए पास्ट में चले गए तो बस अब इतना सोचो कि अगर आज बेटे की एज एक्स है तो दो साल पहले कितनी होगी कोई बोलेगा टू एक्स अबे पागल इधर आ अगर आज बेटा दस साल का है तो दो साल पहले कितने साल का होगा आठ साल का कई कर रहा क्या कर रहा भैया टेन माइनस टू जो आज एज है उसमें -2 कर दो तो अगर आज बेटा x साल का है तो दो साल पहले x 2 का होगा पापा भी दो साल पहले y 2 के होंगे सिंपल है भैया पापा की एज अगर आज y है तो दो साल पहले y 2 होगी हाँ सर सुन ना अब ये समझो कि क्या फ्यूचर एज दिया है 2 इयर्स लेटर लेटर मतलब दो साल बाद दो साल बाद मतलब फ्यूचर की बात करी अच्छा तो अगर आज बेटे की एज x है तो 2 साल बाद x 2 होगी

दो साल पहले बोला मतलब आप क्या करो भैया पास्ट एज को बस देखो आप बस पास्ट एज को गौर करो दो साल पहले मतलब पास्ट एज की बात करें ठीक अ फादर वॉस क्या लिखा है ऐसे अ अ फादर फादर वॉस लिख दो पहले समझा रहा हूं आप लोग को सिखा रहा हूं क्वेश्चन बनाना थ्री टाइम्स अ फादर वॉस थ्री टाइम्स बच्चों की तरह एज ओल्ड एज हिस्ट काफी काफी को को आता काफी लोग को नहीं आता होगा, होगा, नहीं इसलिए सबको सिखा ठीक है? दो साल पहले की बात करी तो फादर फादर जैसा दे रहे हैं, वैसा लिख दो। अब फादर मतलब दो साल पहले पापा की एज, y -2. वोस, वोस मतलब, कुछ बता रहा है थ्री ताइम्स, थ्री ताइम्स का मतलब as as आपकी एक ही क्वेश्चन आ गई समझ में थ्री एक्स माइनस वाई माइनस टू उधर जाके ये बन जाएगा आपकी एक इक्वेशन आ गई सर दूसरी कैसे सुनना टूर्स लेटर दो साल बाद की बात करी मतलब आप इस एज को देखो ध्यान से दो साल बाद की बात ठीक करिए एक्स प्लस टू वाई प्लस टू पापा, his मतलब पापा समझ बी पापा की एज विल बी पापा की एज बोला वाई प्लस टू विल बी मतलब कुछ बता रहा है कुछ दे रहा है मतलब बी इक्वल टू का साइन विल क्या एट मोर देन क्या लिखा है एट मोर देन मतलब आठ ज्यादा आठ ज्यादा फिर से बोलूंगा आठ ज्यादा एट प्लस थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स मतलब क्या थ्री टाइम्स मतलब क्या थ्री मल्टीप्लाइड बाय

सोल्व करना आपका काम सॉल्व करना आपका काम ये सोल्व करना आपका काम ठीक है या आपका काम या आपके ऊपर छोड़ रहा हूं जहां पे मुझे लगेगा कि मुझे करवाना है मैं आपको करवा दूंगा क्लियर हुआ ठीक है मैं फिर से बताऊंगा डोंट वेरी सेम क्वेश्चन क्या करना है एज वाला क्वेश्चन आया आप टेबल बना दो टेबल में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लिख दो

फोर्टीन माइनस टू ट्वेल्व सही तो है क्या गलत भैया क्या गलत है एट प्लस थ्री टाइम्स क्या गलत है क्या गलत है क्या गलत है भैया सर आंसर नहीं आ रहा सर आंसर नहीं आ रहा अच्छा सॉल्व करू क्या इसको मैं सॉल्व सोल्व क्या इसको मैं कर देता हूं कर देता हूं कर देता हूं क्वेश्चन रॉन्ग है हो सकता है क्वेश्चन अबे अबे भाई रुक जा रुक जा रुक जा भैया भूकंप आ गया चैट में जरा देखो सॉल्व करके देखता हूँ भैया थ्री एक्स माइनस वाई माइनस फोर अच्छा आप लोग बोल रहे हो नो सॉल्यूशन आ रहा है चेक करते हैं भैया यहाँ पर थ्री वहाँ पर थ्री यहाँ पर माइनस वन वहाँ पर माइनस वन यहाँ पर माइनस फोर वहाँ पर थ्री वहाँ पर ट्वेल्व सॉरी है ना सही है तो ये भैया ये आपका वन आ गया ये आपका वन आ गया और ये आपका वन बाय थ्री तो बेसिकली नॉट अच्छा नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन मतलब आप पापा और बेटे की एज नहीं बता पाओगे ना एकदम सही है आप पापा और बेटे की एज नहीं बता पाओगे ना तो नो सॉल्यूशन भैया इन दोनों का आपका नो no सॉल्यूशन आ रहा है अब नो no सॉल्यूशन क्यों आ रहा है बता देता हूं क्वेश्चन में कोई गलती होगी गलती इन द सेंस यहां पर ना आप थ्री की जगह फाइव कर लेना यहां पर आप थ्री की जगह फाइव कर लेना

इक्वेशन गलत है इक्वेशन गलत है इक्वेशन कैसे गलत है? Y -2, 3x minus two इधर आया, इक्वेशन कैसे गलत है भैया? सेकंड रुक रुक जाओ, रुख जाओ दोस्तों देखते, two years ago, तो थ्री अच्छा लिखते हैं ठीक है, है, सही माइनस टू इधर आके प्लस टू तो सही तो है इक्वेशन सही तो है इक्वेशन क्या गलत है इक्वेशन में क्या गलत है पे इक्वेशन में क्या गलत है बताओ अ अ फादर फादर मैं तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोर्ड के लिए इनफ होगा इक्वेशन सही है भाई इक्वेशन सही है इक्वेशन सही है इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है चलिए अगला क्वेश्चन क्या करना है एज का क्वेश्चन देखा टेबल बनाया छोड़ दो उसको छोड़ दो ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। सर प्लस फोर आएगा अबे सही है भाई सब जगह सही है सब जगह सही है प्लस फोर क्यों आएगा ये माइनस सिक्स लिखा है तो माइनस सिक्स सही है भाई एकदम

अभी तो प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं आगे देखते हैं भैया थ्री मतलब बाद में, का मतलब में लेटर, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे तो तीन साल बाद एक्स प्लस मतलब अगर आज पापा, तो पापा वाई बेटा वाई इयर्स का है तो तीन साल बाद वाई प्लस थ्री हो जाएगा टेबल बन गई पास्ट एज की बात ही नहीं करी पास्ट एज की बात ही नहीं करी ठीक है तो पास्ट एज छोड़ दो अब इक्वेशन बनाओ क्या बोल रहे द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर तो प्रेजेंट एज पापा की कितनी एक्स लिखा एक्स इज का मतलब इज इक्वल टू थ्री मोर देन मतलब थ्री इयर्स मोर देन थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स द एज ऑफ सन टाइम्स एज ऑफ सन कितनी भाई भाई तो पहली क्वेश्चन बन गई कैसे एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री वाई आपकी पहली क्वेश्चन आ गई समझ में अरे पापा की एज इज थ्री इयर्स मोर देन थ्री टाइम्स द एज ऑफ द दन थ्री मोर देन थ्री टाइम्स द द एज ऑफ सन समझ में वेरी गुड भैया कुछ लोग आंसर भी कर रहे हैं। ये पहली क्वेश्चन आ गई ठीक है दूसरी कैसे बनेगी देखना सर थ्री बाद में तीन साल बाद की बात करी मतलब आप इस पर फोकस करो अब अगर पापा और बेटे की एज बोले तो आप वो वाली एजेस लिखना ठीक है द फादर्स एज पापा की एज कितनी एक्स प्लस थ्री ठीक है विल बी मतलब इज इक्वल टू कुछ बता रहा है पापा की एज विल बी पापा की एज विल बी पापा की एज विल बी टेन ईयर मोर देन मतलब इस बार टेन इन मोर देन टेन प्लस ट्वाइस द एज ऑफ द सन ट्वाइस दो गुना सन की एज का गलती से वाई मत लिख देना वाई प्लस थ्री समझ में आया तो इक्वेशन क्या बन गया भैया एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टेन प्लस टू वाई प्लस सिक्स कितना आ गया एक्स प्लस थ्री माइनस टेन माइनस टू वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो एक्स माइनस टू वाई एक्स माइनस टू वाई थ्री माइनस टेन माइनस सेवन माइनस वन माइनस सिक्स माइनस थर्टीन अब सही है क्वेश्चन ठीक है ये आपकी दूसरी क्वेश्चन ये आपकी दूसरी क्वेश्चन ठीक है ये आपकी दूसरी क्वेश्चन मैं सॉल्व अच्छा आप लोग चाहते हो सोल्व करके देखा सोल्व करूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा समझ लो ये आपका काम है सोल्व करना सॉल्व दोस्तों आप सॉल्व करोगे आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी एक्स और y मतलब पापा की एज और बेटे की एज सर आंसर बता के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा यार यार आंसर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए चलो मैं कर देता हूं आप लोग हर बार नहीं करूंगा दोस्तों लेकिन X -2Y -13 एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री वाई कौन सी मेथड लगाओ मान लो मान लो सब्सिट्यूशन लगा हूं मान लो सर सॉल्व सर सॉल्व कर लेंगे चलो कर एकात में करके दिखाता हूं बीच में ठीक है लगा क्यों की वैल्यू वाई के टर्म्स में दी हुई है इसको इधर पटका तो एक्स की जगह हमने क्या रखा थ्री प्लस थ्री वाई ठीक है माइनस टू वाई माइनस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो थ्री वाई माइनस टू वाई हो गया वाई थ्री प्लस वाई माइनस थर्टीन इज्कव टू थर्टीन माइनस थ्री मतलब सुपुत्र की एज दस साल आ गई भैया मान लो वाई दिया एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री वाई तो एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री हंड्रेड एंड थर्टी एक्स इज इक्वल टू थर्टी थ्री आ गया ठीक है पापा की एज इस इन में सॉल्व करना तो कितना आसान है यार सॉल्व करना तो कितना ज्यादा आसान है है ठीक चलिए अब यार आई होप आपको एज वाले क्वेश्चन बन गए करना क्या? करना क्या क्या टेबल बनाया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिखा दो लोगों की बात करी उसको वहां पर लिख दिया अगर पास्ट एज दी तो पास्ट एज लिख दो प्रेजेंट एज दी तो प्रेजेंट एज लिख दो और उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन बनाना है टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन देख के क्या करना है सुनिएगा पहले मतलब समझना टू डिजिट के नंबर का ठीक है पहले मतलब समझते हैं टू डिजिट नंबर के कॉन्सेप्ट टू डिजिट नंबर टू डिजिट का नंबर आप सब जानते हो क्या होता है एट्टी नाइन या इलेवन लिखते कैसे टू डिजिट नंबर को वो इंपॉर्टेंट है ठीक है फोर्टी फाइव है तो इसको मैं फोर इंटू टेन प्लस फाइव इंटू वन लिख सकता हूं फोर्टी सिक्स को मैं फोर इंटू टेन

क्यों बता रहा हूं समझ में आएगा क्यों बता रहा हूं समझ में आएगा ठीक है मान लो कोई नंबर है एक्स वाई क्या का मतलब कॉन्सेप्ट मतलब? ये आपकी, ये आपकी, समझना कॉन्सेप्ट समझना इसको अपन कैसे लिख सकते हैं इसको अपन लिख सकते हैं टेन एक्स प्लस वाई कैसे लिख सकता हूं भाई देखो सिंपल फॉर्म में आप ऐसे भी समझ सकते हो x tens प्लेस पर तो x into ten प्लस y ones प्लेस पर तो प्लस y into one या फिर 10X plus y समझ में ये चीज समझ में ये चीज समझ में आई होगी मान लो मैंने लिखा y x तो y x को क्या लिखेंगे जल्दी से बता दो भैया y x को क्या लिखेंगे जल्दी से बता दो भैया सिंपल है सिंपल मैथ्स से भैया अरे देखो ना 82 है तो टेन्स प्लेस पर एट तो इसको आप एट इंटू टेन कर दो वन प्लेस पर टू टू इसको आप टू इंटू वन कर दो इसको आप ऐसे लिख सकते हो आप सॉल्व भी करके देखो एट इंटू टेन एटी प्लस टू एट्टी टू समझ में आ रहा है इसको क्या लिख सकते भैया टेन वाई बोलो 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 जल्दी बोलो कहां चले गए वेरी गुड आर्यन कुमार वेरी गुड ड्रीमर वेरी गुड जी टेन वाई प्लस सिक्स अब आपको टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है सीखना सबसे पहले वेरिएबल किसको मानना है ये देखना ठीक है एक मैं करूंगा एक आप मुझे करके दोगे बहुत आसान है बस सुनना अ टू डिजिट नंबर अरे जाने दो देखेंगे डिजिट आर रिवर्स अरे जाने दो फाइंड द नंबर क्या बोला अपन से टू डिजिट नंबर निकालने को बोला है। अपन से टू डिजिट नंबर निकालने को बोला है। समझ में आया टू डिजिट नंबर दो डिजिट्स की मदद से बनता है टेंस टेंस और once. तो आप क्या करोगे लेट लेट डिजिट हर क्वेश्चन में छाप देना लेट टेंस डिजिट बी एक्स मान लो एक्स एंड लेट लेट यूनिट्स डिजिट या फिर वंस डिजिट बी वाई ठीक है समझ में आया समझ में आया टेंस डिजिट को एक्स लिया यूनिट्स डिजिट को वाई लिया सबसे पहली स्टेप अब क्या बिना क्वेश्चन देखे आप अपना नंबर लिखिए आप बताओ अगर टेंस डिजिट एक्स है यूनिट्स डिजिट वाई है तो आपका तो आपका ओरिजिनल नंबर इसको अपन क्या बोलते हैं ओरिजिनल नंबर क्या है भैया टेंस डिजिट एक्स तो टेन एक्स डिजिट वाई तो वाई टेन एक्स इतना लिख लिया अभी एक और काम बचा है रिवर्स नंबर क्या होगा या फिर इंटरचेंज नंबर रिवर्स या फिर इसको आप क्या बोलते हो इंटरचेंज सुनना मेरी बात हर क्वेश्चन में आपको यह करना है Quadratic equation में भी काम आएगा आपको बनाना ठीक ठीक है है सुनना मेरी बात इंटरचेंज करना मतलब क्या अब वाई एक्स की जगह चलेगा अब एक्स वाई की जगह चलेगा चले चले मतलब वाई अब आपका टेंस प्लेस बन गया कहने का मतलब पहले एक्स वाई था अब वाई एक्स बन गया बात समझ आ रही है बात समझ आ रही है यहां पे लिख भी देता हूं पहले एक्स वाई था अब वाई एक्स बन गया तो इसको लिखेंगे कैसे 10 into y plus x. मेरे ख्याल से आपको ये दो बातें समझ में आ गई होंगी ये वाली और ये वाली बस इतना हो गया इतना हो गया काम हो गया इतना हो गया, इतना हो गया काम हो गया कैसे अब देखना चप्पल चप्पलगंज देखो इक्वेशन कैसे बनेगी ठीक है क्योंकि दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होंगी देखो अ टू डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं टू डिजिट नंबर हमने क्या लिया टेन एक्स प्लस वाई

दूसरी देखो इफ एटीन इज एडेड टू द नंबर नंबर मतलब टू डिजिट नंबर मतलब टू डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर क्या है 10x plus y, तो क्या बोल रहे हैं? अगर अगर को को मैं 10x plus y मैं में में कर दू, 10x plus y कर दू, तो क्या मिलेगा the digits are reverse. तो डिजिट्स रिवर्स, तो रिवर्स हो जाती है मतलब रिवर्स नंबर आ जाता है मतलब क्या आता है भैया टेन वाई प्लस एक्स आता है ये आपकी दो इक्वेशन दोस्तों ये आपकी दो इक्वेशन जो मैंने आपको बना के दे दी हट जा मेरे भाई समझ में आया समझ में आया क्या कर रहा हूं भैया कैसे बना रहा हूं इक्वेशन एक और क्वेश्चन आप लोग को बनाने को दूंगा एक और क्वेश्चन आप लोग को बनाने को दूंगा आप लोग को बनाना है ठीक है आप लोग आसान करने की कोशिश कर रहा हूं कितना हो गया ये टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस फोर वाई ठीक है मान लो सबको इधर उठा के लिया है तो ये आपका सिक्स एक्स आ जाएगा ये आपका माइनस थ्री वाई आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा ये आपकी एक एक आ गई इसको एक बोल दो ठीक है यहाँ पे क्या करोगे भैया आ, आ गया फिर तो आ जाएगा आपका नाइन एक्स टेन एक्स माइनस एक्स नाइन एक्स वाई माइनस टेन वाई माइनस नाइन वाई प्लस एटीन इज इक्वल टू जीरो आपकी दूसरी क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों को करना है सॉल्व आप लोगों को करना है

अभी कितना आसान है यार देखो ना टू डिजिट नंबर की बात करा तो टू डिजिट नंबर लिखा फिर से देखो टू डिजिट नंबर की बात कर तो टू डिजिट का नंबर 10x plus y है 10x plus y, 10x plus y है समझ में आए कोई बोलेगा सर एक्स वाई नहीं लिख सकता क्या नहीं आप एक्स वाई नहीं लिखोगे आप टेन एक्स प्लस वाई लिखोगे इज टू डिजिट नंबर इज मतलब इज इक्वल टू फोर टाइम्स फोर टाइम्स का मतलब क्या होता है फोर मल्टीप्लाइड बाय

तो क्या मिलता है डिजिट रिवर्स हो जाती है अगर आप तो तो सॉल्व यानी, यानी भी कर देते हैं तो सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई टू जीरो आगे देखना मतलब भी समझ आएगा सिक्स एक्स माइनस थ्री वाईज टू जीरो और यहां पे क्या रहा है नाइन एक्स माइनस नाइन वाई प्लस एटीन नाइन एक्स माइनस

आपका? कुछ गलती है क्या दोस्तों यहाँ पे कुछ गलती है क्या पे? पे 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 सेकंड सेकंड कुछ तो गलती है दोस्तों कुछ तो गलती है क्या गलती करी मैंने अच्छा, सब 24 आंसर रहे। क्या बोलाईक्स टू एटीन सही तो लिखा है कुछ गलती लिखी थी मैंने देखा समझ मारा था भाई गलती होती है यहाँ पे minus eighteen ये minus two ठीक है तो यहाँ पे minus two पहले से होता तो ये प्लस आएगा तो यहाँ पे two आ गया आपके x की वैल्यू two आ गई आपका x two आ गया तो y कितना हो जाएगा x two आएगा तो मान लो भाई y यहाँ पे रख दिया six x minus three y is equal to zero तो x two तो यहाँ पे six into two minus three into y is equal to zero तो यहाँ पे twelve minus three y is equal to zero twelve is equal to three y तो y की वैल्यू आ गई four एक्स टू नंबर क्या था नंबर क्या था नंबर क्या था टेन एक्स प्लस वाई नंबर ये था रख लो सारी वैल्यूज एक्स टू तो यह ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर नंबर आ गया समझ में अब अब एक बात नोटिस करो क्या बोल रहे थे अगर आप अपने नंबर में एटीन ऐड करो अगर आप अपने नंबर में एटीन ऐड करो ये तो बोल रहे थे इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द digits आर reversed अगर आप अपने नंबर में एटीन एड करो देखो क्या आएगा आपको फोर्टी टू मिलेगा समझ में हुआ क्या डिजिट रिवर्स हो गई ट्वेंटी फोर से फोर्टी टू बन गया तो बस चलिए भैया आई होप आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन अगला वाला फिर से क्या बोल रहे भैया सॉल्व करके दोस्तों बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा इक्वेशन देखो बस मेरी ठीक है चलिए टू डिजिट नंबर फिर से टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन क्या करो भैया लेट लेट ऐसा मान लो यूनिट्स प्लेस यूनिट्स प्लेस को बिना सोचे समझे बिना क्वेश्चन रीड माना माना टेंस प्लेस को मैंने y माना. मेरा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया टेंस प्लेस वाई है तो टेन वाई प्लस एक्स समझ में आ रहा है अच्छा अब क्या रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 10x+y डिजिट्स रिवर्स होने के बाद समझ रहे हो ये आपका yx है यहां पे और ये आपका xy है यहां पे ठीक है इतना काम कर लिया अब क्वेश्चन रीड करो अ टू डिजिट नंबर इज टू डिजिट नंबर हमारा 10y+x है इज मतलब इज इक्वल्स टू फोर मोर देन फोर मोर देन सिक्स टाइम्स 6 मल्टीप्लाईड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स डिजिट्स का सम मतलब x+y

X. क्या है? 10 x. अगर 18 को 10 रिवर्स हो जाती है मतलब रिवर्स नंबर मिल जाता है यानी टेन एक्स प्लस वाई मिलेगा क्या बात समझ आई हाँ सर आई सबको उधर भेज दो तो टेन एक्स माइनस एक्स आपका नाइन एक्स हो जाएगा ठीक है उधर जाके -9 यहां पे -18 रहन दो ये आपकी दूसरी इन दोनों को आपको सॉल्व करना आपका आपका काम आपका काम ठीक है भैया अपना काम कर लीजिएगा आई होप आप लोग समझ में आ रहा हो गया भैया टू डिजिट और कैसे वाले क्वेश्चन करने ठीक है कितने क्वेश्चन थर्टी फोर क्वेश्चन फोर क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री पर आ गए थर्टी फोर क्वेश्चन है जल्दी से भैया बॉक्स में सब लोग बताएं अगर आपको टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन समझ आए कैसे करना है एजिस वाले क्वेश्चन में क्या अप्रोच रखना है अगर समझ आ गया तो लिखो ए लिखो ए जी ग्यारह क्वेश्चन और बचे ग्यारह क्वेश्चन और बचे इसके बाद भी अगर कोई बोलेगा सर एक बार रिपीट कर दो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई अगर आप इसी चीज को वापस एक बार देखोगे ना भाई रिकॉर्ड तो करके देख सकते हो ना फिर से पीछे जाके अभी मत जाओ बाद में जाना जब वीडियो खत्म हो जाएगा ठीक है आपको पक्के से समझ में आ जाएगा अब चलते हैं कुछ न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहना चाहिए न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर यानी न्यूमिरेटर को एक्स मान लो डिनोमिनेटर को वाई मान लो समझ में आया ठीक है सर तो लेट टर को मैंने एक्स माना डिनोमिनेटर को मैंने वाई माना समझ में आ रहा है हाँ, सर, क्योंकि हमसे क्या बोला वॉट इज फ्रैक्शन मतलब अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन मतलब तो फ्रैक्शन तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सब लोग बताओ भैया एक्स बाय समझ में आ रहा है हा सर ये इसका सिंपल सादा अप्रोच अब क्वेश्चन रीड करो न्यूमिरेटर numerator, अच्छा न्यूमिनेटर numerator में वन एड करने को बोल रहे हैं तो अभी न्यूमिनेटर एक्स है वन एड करूंगा तो एक्स प्लस वन बन जाएगा तो वाई माइनस वन बन जाएगा इतना ईजी अ फ्रैक्शन रिड्यूसिसने का मतलब क्या कहने का मतलब क्या बताता हूं भाई मुझे एक बात बताऊ टर अब ये हो गया डिनोमिनेटर अब ये हो गया तो फ्रैक्शन क्या होगा x प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन ये लोग क्या बोल रहे फ्रैक्शन आएगा, अ फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू वन आएगी समझ में है ये आपकी पहली इक्वेशन, दूसरी कैसे बनाऊंगा समझना इट बिकम्स वन बाय टू इट मतलब फ्रैक्शन वन बाय टू बन जाता है फ्रैक्शन वन बाय टू बन जाता है अगर

कि आपको इक्वेशन बनाना समझ में आया मेरे ख्याल से आ गया होगा ठीक है सही, चलिए भैया, तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया ऐसे टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन अरे बोलो भैया बोल लो बोला सर बोला यहां पे क्या x प्लस वन वाई माइनस वन ऊपर गया तो इज इक्वल टू वाई माइनस वन समझ में तो चलो सॉल्व करके दिखाता हूं ये क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके दिखा भी देता हूं ठीक है फ्रैक्शन क्या आएगा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं तो भैया मान लो यहां से जगह रखा वाई माइनस टू इज इक्वल टू वाई प्लस वन तो आ गया टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू वाई प्लस वन तो यह आपका वाई इज इक्वल आपके वाई की वैल्यू फाइव आ गई एक्स कैसे आएगा यहां पर रख दो तो एक्स इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा तो फ्रैक्शन क्या आ गया x अपॉइंट वाई यानी थ्री अपॉइंट फाइव आंसर क्लियर है क्लियर है सर फिर से समझा दो समझाता हूं एक और क्वेश्चन देख मेरे भाई एक और क्वेश्चन देख मेरे भाई हमको पता है न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन हमने न्यूमिरेटर को माना क्या देखना क्यों फाइंड द फ्रैक्शन फ्रैक्शन निकालने को बोला मतलब समथिंग अपॉन समथिंग न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर न्यूमिटर को X मान डिनोमिनेटर को वाई मान फ्रैक्शन निकालने के लिए न्यूमिरेटर तो पता होना चाहिए न्यूमिरेटर को एक्स माना डिनोमिनेटर को वाई माना समझ में आए तो फ्रैक्शन क्या बना मेरे भाई फ्रैक्शन बना एक्स बाय वाई हर क्वेश्चन में कर लेना ये हर क्वेश्चन में कर लेना अब क्या बोला क्वेश्चन पढ़

अब बन गया वाई प्लस थ्री समझ में आए तो फ्रैक्शन क्या बनेगा मेरे भाई फ्रैक्शन क्या बनेगा भाई बताओ क्या बनेगा न्यूमिनेटर एक्स डिनोमिनेटर वाई माइनस थ्री तो फ्रैक्शन बन गया फ्रैक्शन बन गया एक्स अपॉन वाई माइनस वाई प्लस थ्री लेकिन ये क्या बोल रहे द फ्रैक्शन बिकम्स अगर तू डिनोमिनेटर को थ्री से इंक्रीज कर देता है तो फ्रैक्शन वन बाई टू बन जाएगा फ्रैक्शन बन जाएगा वन बाई टू यह दूसरी इक्वेशन इतना ईजी है सर सॉल्व कर दे चलो करते हैं ठीक है तो भैया मान लो मान लो मान लो मान लो यहीं से अपन एक्स की वैल्यू बारह माइनस वाई रख देते हैं उधर इसको इधर रख दिया, आप कोई भी मदद से कर सकते हो मैं सब्सिट्यूशन से कर रहा हूं बारह माइनस वाई तो यहां पर आया बारह माइनस वाई अपॉन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन टू टू पर तो या जाएगा ट्वेंटी फोर माइनस टू वाई इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री करना आप लोग जानते हो ठीक है तो या गया ट्वेंटी फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री वाई तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी ट्वेंटी वन बाय थ्री दैट इज सेवन सही कर रहा हूं y की आपकी सेवन आ गई सही है ना थ्री वाई ट्वेंटी वन हाँ वाई की वैल्यू सेवन एक्स इतना आएगा यहां से निकाल लो एक्स आपका फाइव आ जाएगा समझ में आया तो फ्रैक्शन क्या आ आपका? 5 7. क्या गया आपका फाइव बाय सेवन आंसर क्या आ गया भैया फाइव बाय सेवन

सब कुछ सही है सब कुछ सही ठीक है चलिए भैया क्या लिखा हुआ भाई चलो भैया फालतू का मेम चलिए भैया अब कुछ बढ़िया सवाल अब कुछ बढ़िया सवाल सब लोग अपने कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि अगले अगले 40 मिनट बहुत क्रूशल होने वाले हैं किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है भैया टाइम स्पीड डिस्टेंस पर टाइम स्पीड डिस्टेंस पर ठीक है आप लोग बस एक बात बताओ किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है मैं आपको सिखाऊंगा चार क्वेश्चंस होंगे यहां पर कुछ मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के भी क्वेश्चन कराऊंगा बस आप पहले मेरी बात ध्यान से सुनना ध्यान से ठीक है सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि वेरिएबल किसको लेना है और आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है आपको वो यूज करना पड़ेगा क्या फॉर्मूला होता है सब लोग बताओ भी चैट बॉक्स पर क्या फॉर्मूला होता है भैया बताओ जल्दी से सर टेक नेम लकी जी नमस्ते लकी जी नमस्ते सर कब एंड होगी साढ़े दस तो पक्का चलेगी हो सकता है ग्यारह भी चल जाए मेरे ख्याल से ग्यारह चलेगी मेरे ख्याल से ग्यारह चलो देखते हैं देखते हैं भैया सिर्फ और सिर्फ थर्टी फोर क्वेश्चन लेकर आया हूं ठीक है बताओ भैया बताओ भैया बताओ भैया आपको क्वेश्चन देख के सुनना क्वेश्चन देख के एक बात समझ आ गई कि टाइम की बात करिए स्पीड की बात करिए डिस्टेंस की बात करिए तो आपको एक फॉर्मूला याद है क्या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या फिर डिस्टेंस इज इन टू स्पीड इनटू टाइम आपको ये तीनों फॉर्मूले याद है ठीक है अब सुनना करना क्या है वही चीज करना है क्या अ मैन ट्रेवल सिक्स हंड्रेड किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार आराम से पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है।, है कुछ हिस्सा करता है अब पार्टली का मतलब यहां पे बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि 600 में से 300 वो ट्रेन से करेगा 300 वो कार से करेगा ऐसा नहीं है पार्टली का मतलब कुछ हिस्सा वो ट्रेन से कर रहा है कुछ हिस्सा वो कार से कर रहा है हमें नहीं पता कितना हिस्सा फ ही कवर्स फोर हंड्रेड किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कर क्या बोल रहे Line अगर वो 400 किलोमीटर ट्रेन से कवर करता है और बाकी का बचा हुआ कार से कवर करता है तो उसको टाइम लगता है छह घंटा तीस मिनट समझ मैं? Case वन में क्या दे रहे हैं आप समझने की कोशिश करना केस वन में क्या दे रहे अगर वो 400 किलोमीटर ट्रेन से करता है तो बचा हुआ मतलब 200 किलोमीटर कार से करेगा क्योंकि टोटल छह सौ जाना है तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको टाइम लग रहा है 6 घंटे साढ़े घंटे कितना साढ़े घंटे सिक्स आवर्स थर्टी मिनट्स समझ में अगला क्या बोल रहे हैं बट इफ ई ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कर लेकिन अगर केस टू में क्या बोल रहे हैं केस में क्या बोल रहे अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से चलता है मतलब ट्रेन से वो इस बार 200 चल रहा है और बाकी का बचा हुआ कार से मतलब कार से वो चार सौ किलोमीटर लॉन्गर उसको आधा घंटा ज्यादा लगता है अब आधा घंटा नहीं लगता आधा घंटा ज्यादा लगता है उसको आधा घंटा नहीं लगता उसको आधा घंटा ज्यादा लगता है ज्यादा मतलब क्या पहले साढ़े छह घंटे लग रहे थे अब उसको सात घंटे लगेंगे कितना टाइम लग गया सात घंटे क्या सबको क्वेश्चन का मतलब समझ आया फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार क्या निकालने को बोला स्पीड ऑफ ट्रेन निकालो स्पीड ऑफ कार निकालो बहुत 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 आसान जो पूछा वेरिएबल मान लो जो पूछा वेरिएबल मान लो ठीक है तो लेट लेट यहां पे लिखते हैं भैया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर कितना एक्स किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी भैया लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर इतना काम अपन को करना होगा ठीक ठीक है सर अब क्या करना है मेरी बात ध्यान से सुनना जैसा जैसा दिया फॉर्मूला लगा दो ठीक अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन में अगर आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन सॉरी स्पीड इन टू टाइम का फॉर्म लगाओ मिट जाओ मिट गया भैया भैया है ना लगा दो बिना सॉरी समझे तो डिस्टेंस कितना ट्रेन से चार सौ टाइम कितना लग रहा है ट्रेन से ट्रेन से टाइम कितना लग रहा है कोई बोलेगा साढ़े छह घंटे अभी नहीं साढ़े घंटे तो ट्रेन और कार मिला के लग रहा है ट्रेन से अकेले ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है पता नहीं सर तो टाइम को मैंने कुछ टी वन मान लिया सुनना टाइम को मैंने कुछ टी वन मान लिया में ज्यादा फॉर्मूला लगाओ तो कार में क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम कार से डिस्टेंस कितना 200, दो सो रख दो सो स्पीड कितनी कार की वाई टाइम कितना कार से कितना टाइम लग रहा है पता नहीं कार से पता नहीं कितना डैमेज है तो मैंने मान लिया मान लो t2 समझ में तो यहां से आपके t2 की वैल्यू कितनी आ गई 200 अपॉन y सुनते जाना सुनते जाना अब एक बात बताओ एक चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ इस टोटल टाइम का भाई आप खुद सोचो ना आप खुद सोचिए ना इस बात को हमें यह नहीं पता कि ट्रेन से अकेले जाने में कितना टाइम लग रहा है हमें यह नहीं पता कि कार से अकेले जाने में कितना टाइम लग रहा है लेकिन हमें यह तो पता है कि ट्रेन और कार मिला के कितना टाइम लग रहा है इसका मतलब हमें यह पता है कि टी वन प्लस टी टू साढ़े छह घंटे सिक्स आवर्स थर्टी मिनट क्या बात समझ आई बनता है तो इक्वेशन क्या बनी टी वन की वैल्यू फोर हंड्रेड अपॉन एक्स टी टू की वैल्यू अभी मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा टी टू की वैल्यू सिक्स नहीं

किस को यह बात समझ आएगी थोड़ा सा लंबा है मैं जानता हूं लेकिन हार मत मानना थोड़ा सा लंबा है मैं जानता हूं लेकिन हार मत मानना सिमिलरली सिमिलरली यहां पर भी क्या ट्रेन में बिना सोचे समझे डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इन टाइम का फॉर्म लगाया ट्रेन से डिस्टेंस कितना चल रहा हूं दो तो यहां पर लिखा दो बिना सोचे समझे स्पीड कितनी ट्रेन की एक्स मानी है मैंने टाइम कितना लग रहा है पता नहीं तो कुछ टी बोल देता हूं मुझे नहीं पता ना कि ट्रेन को 200 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है तो कुछ टी थ्री मान लिया कुछ मैंने कहा तो क्वेश्चन नहीं है ये आसान है लेकिन ठीक है देखना जरा तो भैया कार में लगाया क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू तो स्पीड इन टू टाइम ठीक कार का डिस्टेंस अब सिंपल चार स्पीड कितनी वाई टाइम कितना पता नहीं कि कार से कितना टाइम लग रहा है तो मान लिया टी फोर कुछ टाइम टी फोर डरने की जरूरत नहीं तो टी फोर की वैल्यू कितनी फोर हंड्रेड अपॉन वाई अभी बात नोटिस करो सेकेंड केस में भी हमें यह नहीं पता कि ट्रेन से कितना टाइम लग रहा है हमें यह नहीं पता कि कार से कितना टाइम लग रहा है लेकिन यह तो पता है हमें यह नहीं पता कि ट्रेन से कितना टाइम लग रहा है कार से कितना टाइम लग रहा है लेकिन यह तो पता है पता कि टोटल टाइम कितना लग रहा है टोटल टाइम ट्रेन में टी थ्री टोटल टाइम ट्रेन में कार में टी फोर हमें लग रहा है सात घंटे है ना टी थ्री कितना टू हंड्रेड अपॉन एक्स टी फोर कितना फोर हंड्रेड अपॉन वाई टू सेवन बताओ भैया बताओ भैया आपको दोनों इक्वेशन समझ में आई बताओ भैया दोनों इक्वेशन समझ में आई इससे आसान तरीके से तो नहीं बता पाऊंगा भाई आप लोग बस देखो मैंने करा क्या है मैंने करा क्या है जो पूछा स्पीड उसको मैंने वेरिएबल माना मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया ट्रेन और कार में अलग अलग और जो आता गया मैं करता गया जो आता गया मैं करता गया ठीक सर इसको मिनट में क्यों नहीं करा इसको मिनट में कर दूंगा ना दोस्तों फिर इसको भी मिनट में करना पड़ेगा सात घंटे को चाहे तो तू कर सकता है लेकिन एक्चुअली बता प्रॉब्लम क्या आएगा डिस्टेंस तुझे किलोमीटर में दिया है तो आंसर किलोमीटर मिनट में आ जाएगा वो गलत अपन किलोमीटर आवर में खेलेंगे सर डिस्टेंस का फॉर्म भाई क्यों लिया अरे कोई 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 भी 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 ले 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 लो लो क्या फर्क फर्क पड़ता पड़ता है नहीं मुझे तू कुछ यही आएगा तू कुछ भी ले ले यही आएगा, तो आएगा। ठीक है इक्वेशन नहीं चमका कोई दिक्कत नहीं भाई देख अगर तू रटने की कोशिश करेगा तो नहीं चमकेगा अगर तू रटने की कोशिश करेगा नहीं चमकेगा मैंने कुछ नहीं करा फिर से बोलूंगा मैंने बस इतना करा कि कार भाई सोचना कार से भाई कार से इधर देख जरा इधर देखो कार से आप 400 किलोमीटर जा रहे हो कार की स्पीड कार पे अपन ने डिस्टेंस लगा दिया तो इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कार पर लगा रहा तो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 400 कार ने कितनी स्पीड ली भैया एक्स की एक्स की है ना वाई की है कार की स्पीड वाई है तो कार की स्पीड अपन ने वाई ली से टाइम कितना लग रहा है पता नहीं ना तो उसको कुछ 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 बोल दिया समझ में टाइम की, कुछ 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 की बात करिए किलोमीटर चल रही है तो डिस्टेंस तो कहा लगा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम सुनते जाना तो डिस्टेंस कितना ट्रेन का दो सौ स्पीड कितनी एक्स टाइम पता नहीं समझ में तो यहां से आपका टाइम कितना आ गया भैया टू हंड्रेड अपॉन एक्स आप समझ रहे हो ट्रेन से कितना टाइम लग रहा है पता नहीं कार से कितना टाइम लग रहा है पता नहीं लेकिन ये तो पता है कि भैया ट्रेन से कितना टाइम लग रहा है प्लस कार से कितना टाइम लग रहा है कार का टाइम ट्रेन का टाइम मिलाकर अपन को कुछ सात घंटे लग रहा है तो बस यहां पे ये चीज रख गया मेरे ख्याल से आपको मैंने इक्वेशन बनाना तो सिखा दिया ठीक है अच्छा अब सॉल्व कैसे करें बबुआ जी इसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें सुनना मेरी बात ध्यान से पहले इक्वेशन को लिखो अब यहां पर थोड़ा सा लंबा काम है दोस्तों थोड़ा सा लंबा काम है लिखता मैं टू हंड्रेड अपॉन वाई इज इक्वल टू थर्टीन बाई टू और दूसरी क्वेश्चन क्या है आपकी फोर नहीं टू हंड्रेड अपॉन एक्स प्लस 400 अपॉन y is equal to 7 सर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करूं मैं आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहा हूं एक्चुअली यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों कि एक टॉपिक ना हमारे सिलेबस से कट गया है लेकिन उसके क्वेश्चंस अभी भी हमसे पूछे जाते हैं सर क्यों क्योंकि ये लोग पागल हैं हमसे इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करना कट गया है आपको दिख रहा है

यहां पे ऐसा कुछ दिख रहा होगा जिनको नहीं समझ आता उनके लिए कर रहा हूं फोर हंड्रेड इंटू वन टू हंड्रेड इंटू वन यहां पर तो आप क्या करोगे कि लेट ऐसी करने के लेट one upon X को आपने कुछ और वेरिएबल पी मान लिया एंड लेट एंड लेट वन अपॉन वाई को आपने कुछ और वेरिएबल क्यू मान लिया

हंड्रेड पी प्लस फोर हंड्रेड क्यू इज इक्वल टू सेवन सर सॉल्व कैसे करें बता रहा हूं बता रहा हूं एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन इनको को सॉल्व करना है ठीक है एलिमिनेशन लगाते हैं देखो जरा कैसे तो भैया यहां पे 200 सॉरी यहां पे आपका हाँ, ये आपका मैंने क्या लिखा यहां पे दोनों फिर से लिख देता हूं आपकी 200 हंड्रेड पी प्लस फोर हंड्रेड क्यू इज इक्वल टू सेवन इसको उतारो एट हंड्रेड पी प्लस फोर हंड्रेड क्यू इज इक्वल टू ठीक है क्यू का को माइनस करा ठीक है माइनस सिक्स हंड्रेड पी कैंसिल हो गया या आपका माइनस सिक्स आ गया तो पी की वैल्यू वन अपॉन हंड्रेड आ गई समझ आए क्यू कैसे आएगा क्यू कैसे आ जाएगा इधर देखो इधर देखो भैया टू हंड्रेड पी प्लस फोर हंड्रेड क्यू इज इक्वल टू सेवन तो P की जगह वन अपॉन हंड्रेड लिखा तो टू हंड्रेड इन टू वन अपॉन हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड क्यू इज इक्वल टू सेवन हार नहीं मानना हार नहीं मानेगा तू हंड्रेड टू जाए फोर हंड्रेड क्यू इज इक्वल टू फाइव तो Q की वैल्यू आ गई फाइव 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 एट एन अपॉइन एट्टी समझ में सर लेकिन हमें P और क्यू की वैल्यू नहीं निकालनी थी हमें पी और क्यू की वैल्यू नहीं निकालनी थी हमें X और y निकालना था कैसे हमेंगे हंड्रेड आपके, आपके तो की वैल्यू कितनी आ गई एक्स के बराबर मतलब 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 आपके एक्स की वैल्यू यानी स्पीड हो गई हंड्रेड किलोमीटर पर आवर आपका पहला आंसर ठीक आपने वन अपॉन वाई को क्यू माना यानी तो आया स्वाद, आया स्वाद, या। कार की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर कैसा लगा क्वेश्चन सर आप सॉल्व मत करवाओ अजय यार ये थोड़े बहुत क्वेश्चन नए नए हैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं नहीं तो नहीं करवाऊंगा ठीक है समझ आया हाँ। मैं जानता हूं लंबा है यार लेकिन तुम हार मत मानना ना यार हो जाएगा ना यार सड़ा हुआ है यार हो जाएगा देख लेंगे ना यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो तुम बस बने रहो बस लंबा है कुछ टफ थोड़ी है सर आवर्स को मिनट में करके दिखा दो वो तो आसानी है ना वो तो आसानी है ना भाई मान ले भाई मान ले भाई वन आवर में

इक्वल टू वन मिनट आ गया समझ में आया अब यहां पे वन की जगह ट्वेंटी ट्वेंटी का मल्टीप्लीकेशन कर ट्वेंटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये ट्वेंटी बाई सी हो गया तो बस ट्वेंटी मिनट में इतने आवर्स होते हैं कितने वन बाई थ्री सर आप पानी क्यों गिराते हो ओ भाई चलिए भैया बहुत बहुत बहुत, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन आएगा स्वाद आएगा स्वाद बहुत बहुत बहुत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन काफी बार सीबीएसई में पूछा गया है, काफी बार है है। क्वेश्चन बनाएंगे पॉइंट्स ए एंड बी आर सेवेंटी किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करो तो आपको आपको क्वेश्चन रीड करते डायग्राम बनाने का मन करता है तो बना दो ना

ऐसा मत सोचना। अब एक दूसरे की तरफ नहीं सेम मतलब अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर जा रहा है। Same direction का मतलब क्या अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर जा रहा है बात तो, तो दूसरी कार बी से कर इधर जा रही है। समझ में ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन अगर वो सेम ट्रैवल करते मतलब ये वाला केस घंटे तो वो सात घंटे में मीट करते हैं मतलब आप समझ रहे हो क्या रहे? आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करना कैसे बताता हूं मान लो ये आगे कुछ होगा यहां से स्टार्ट करा ऐसे गया मान लो ये दोनों जाकर यहां मिल रहे हैं भाई कहीं तो मिल रहे हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे तो कहीं तो मिल रहे मान लो वो जाकर यहां पर कहीं डी पॉइंट पर मिल रहे समझ में आ रहा है ठीक है सर तो सात घंटे में मिल रहे ठीक है सर

कितने घंटे में मिल रहे वन घंटे में सिर्फ एक घंटे में समझ मारा? है क्या निकालने को बोला फाइंड द स्पीड ऑफ टू कार्स जो पूछा उसको वेरिएबल मानो जो पूछा उसको वेरिएबल मानो कार की स्पीड को वेरिएबल तो क्या लिखा मैंने यहां पे लेट बीच में लिख देता हूं लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू x एंड y किलोमीटर पर आवर समझ मारा स्पीड ऑफ कार को मैंने x और y मान लिया ठीक है

ये आपका कुछ केस वन सुनते जाना ठीक है फॉर्मूला क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम ठीक कार यहां, यहां गया अरे कार कहां गया भाई डी पॉइंट पर मिल रहे हैं ये लोग तो कार ए से डी चला पता नहीं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा कोई बात नहीं तो डिस्टेंस को मैं ए से डी ए डी लिख देता हूं कार ए की स्पीड कितनी एक्स अब आप यह बताओ सोचकर कार एक कितने देर तक चला कार एक में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं कार ए ने डिस्टेंस चला ए डी कार ए ने स्पीड कितनी कवर करी एक्स कार एक टाइम कितना ले रहा है दोनों सात घंटे बाद मिल रहे हैं आप खुद सोचो आप कहीं वहां से आते हो बिहार से हम कहीं भोपाल से आते हैं हम दोनों मिले सात घंटे बाद तो मैं कितनी देर गाड़ी चलाई आपने कितनी देर गाड़ी चलाई

स्पीड कितनी वाई टाइम कितना टाइम कितना लग रहा है B भी सात घंटे चली होगी तो seven. तो बी डी की वैल्यू कुछ सेवन वाई आगे सर इसका करूं क्या सर करूं क्या एक बात नोटिस करो, सत्तर, सत्तर को आपने छोड़ा हुआ है दिमाग लगाया लगाता हूं ए डी एडी किसके बराबर एबी प्लस बी डी के एबी प्लस बी डी के सर एडी कितना सेवन एक्स ए भी कितना सत्तर बी डी कितना सेवन बाय एक इक्वेशन आ गई टन, टना टन टन समझ आया समझ आया अब आप लोग करोगे बिल्कुल पेन उठाओ पेन उठाओ आप लोग करो यहां पर कार ए पे डिस्टेंस का फॉर्मे लगाओ यहां पर कार बी में डिस्टेंस का फॉर्मला लगाओ तो भैया कार ए में लगाया अगर खुद से करा तो लिखना के एस के खुद से करा सर मैं कर रहा हूं

टाइम कितना चल रही है कार भी एक घंटा तो बीसी की वैल्यू आपकी वाई आ गई समझ में आया सर लेकिन ये सत्तर मिस हो गया कोई बात नहीं इस बार ए सी प्लस एप एसी प्लस सीबी के बराबर ए बी की वैल्यू सत्तर एसी आपका एक्स सी बी आपका वाई आपकी दूसरी क्वेश्चन आ गई ये पहली क्वेश्चन ये दूसरी क्वेश्चन इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आपको दोनों कार की स्पीड मिल जाएगी राज रोशन नमस्ते राज रोशन नमस्ते आपको समझ आया इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से करना है मैं क्या कर रहा हूं मैं कुछ रॉकेट साइंस कर रहा हूं क्या मैं कुछ कोई अल्फा बीटा गामा कोई पता नहीं फिजिक्स का कोई खतरनाक सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा मैं तो बस डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यार कार ए में अलग डिस्टेंस का फॉर्मूला कार बी के लिए अलग डिस्टेंस का फॉर्मूला वगैरह 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 हाँ बोलो बोलो कितना इजी है सर प्लीज रिपीट भाई देख इधर भाई देख इधर ये वाला केस समझ आया चल एक और बार देख एक केस में समझाता हूं भाई ये दो पॉइंट्स है सुन एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी सुन ना ठीक है इन दोनों के बीच में 70 किलोमीटर का डिफरेंस कितना 70 किलोमीटर का ठीक है क्या बोला पहले किस में अगर दोनों कारे सेम डिस्टेंस पर ट्रैवल करती है क्या बोला मैंने अगर दोनों कारें सेम डायरेक्शन पर ट्रैवल करती, सेम डिस्टेंस सेम कार भी मान जा रही है कार तो कहीं मिल रहे हैं क्वेश्चन में ऐसा दिया कि कार ए और बी कार जो ए से चल रही है जो बी से चल रही है वो कहीं जाके सात घंटे बाद मिल रहे तो मान ले भैया जा रहा होगा ऐसे जा रहा होगा ऐसे ऐसे यहां पे कहीं दोनों मिल गए मान ले इसको डी पॉइंट यहां पे कई दोनों कारें मिल गए मान ले इसको डी पॉइंट ओके भाई इसकी स्पीड को मैंने एक्स लिया यहां वाले कार की स्पीड को मैंने वाई लिया अब फार्मूला लग रहा है फार्मूला क्या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम खुद सोचना कार ए जो जो कार ए से चल रही है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा ए से डी तो डिस्टेंस एडी कितनी स्पीड से चली

कार भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बी सेडी बी डी कितनी स्पीड से वाई कितना टाइम सेवन तो कुछ बी डी वैल्यू सेवन वाई आ गई सर इसका करूं क्या भाई एक बात समझ आ रही सत्तर का यूज नहीं हुआ है कुछ की वैल्यू सत्तर तो मैंने क्या दिमाग लगाया बी प्लस बीडी के बराबर एडी आपका कितना सेवन एक्स आपका सत्तर बी डी आपका सेवन बाय एक इक्वेशन आ गई कितना इजी है कितना इजी है समझ में आया क्लियर हुआ भैया क्लियर हुआ अभी सेकेंड बार समझाने में समझ आया भाई कार उसको देखो दूसरा केस देखो ये कार ये कार ठीक यहां पे ए पॉइंट यहां पे बी पॉइंट एक कार यहां से चली ऐसे एक कार यहां से चली ऐसे समझ में आ रहा है हाँ सर सुनते जाना मेरी बात दोनों के बीच में सत्तर किलोमीटर का डिफरेंस दोनों के बीच में सत्तर किलोमीटर का डिफरेंस क्लियर हो रहा है अब सुनते जाना भैया सुनते जाना कितना है? का या स्पीड अब सुनना। क्या हो रहा है भैया दोनों कारें जाके कहीं पे यहां पे मिली मान लो कहीं पर मिली इसको मैंने सी पॉइंट बोला ठीक है ओके सर तो भैया डिस्टेंस कितना ए सी A ने से सी चला। अच्छा। स्पीड कितनी? कार की एक्स टाइम कितना भैया एक एक मतलब तो चल रही है जो कार यहां से चल रही है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है भैया स्पीड ये वाई और टाइम कितना ले रही है भैया टाइम एक घंटा तो कुछ बीसी की वैल्यू आपकी वाई आ गई कुछ आपके BC की वैल्यू वाई आ गई अब क्या कर रहे सर भाई एक बात बताओ ए से बी ए से बी ए सी प्लस बीसी के बराबर है ए बी कितना सत्तर ए सी कितना एक्स BC कितना वाई एक और इक्वेशन आ गई सॉल्व कर लेना दोनों को अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन और बहुत ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन

कैसा लग रहा है दोस्तों पहले ये बताओ कैसा लग रहा है कितने घंटे की क्लास हो गई अपनी छह बजे से स्टार्ट करी थी ऑलमोस्ट चार घंटे होने वाले एक घंटा और करेंगे क्लास ठीक है छह क्वेश्चन बचे हैं छह क्वेश्चन को हम लोग एक घंटे में करेंगे सर इतना लंबा टाइम भाई क्वेश्चन कोई बोल रहा है इक्वेशन बनाना हार्ड है मैं फिर से बोलूंगा अगर आप इस वीडियो को बिना डिस्ट्रैक्शन के देखोगे आपको इक्वेशन बनाना इजी लगेगा मैं जानता हूं हार्ड है तुम्हारे बताए बिना जानता जानता हार्ड है है मैं जानता हूं तुम्हें तुम्हें तकलीफ आती तभी तो आराम से तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें बता रहा हूं कि भाई देख ऐसा स्पीड टाइम डिस्टेंस का मिले तो कर दे और साथ सारे क्वेश्चन लेकर भी आए ताकि तुमको एग्जाम में कोई अलग तरीके का क्वेश्चन ना मिले ठीक है हाँ। चलिए अरे ब्रेक बेक नहीं देंगे भैया पांच मिनट का ब्रेक चाहिए चलो देखते हैं चलो देखते हैं अभी देखते हैं पहले इसको सॉल्व करो भैया क्या स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले पहले खत्म करा जाए ठीक है अ अ ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एक ट्रेन है उसने कुछ डिस्टेंस सर्टेन मतलब कुछ डिस्टेंस कवर करा होगा हमें नहीं पता कितना एट अ यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ट्रेन की स्पीड यूनिफॉर्म है कुछ स्पीड होगी ठीक है इफ द ट्रेन कु हैव बीन टेन किलोमीटर पर आवर फास्टर सुनना पहले मतलब समझने की कोशिश करना यह क्वेश्चन सबसे तगड़ा है आज का यह क्वेश्चन सबसे तगड़ा है आज का तो प्लीज सुनना अगर ट्रेन इफ द ट्रेन कुड किलोमीटर पर आवर फास्टर अगर ट्रेन दस किलोमीटर पर आवर तेज चलती इट वुड हैव टेकन टू आवर्स लेस देन दिस केड्यूल्ड टाइम क्वेश्चन का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं मान लो मेरे को सौ किलोमीटर ट्रैवल करना है मान लो मेरे को सौ किलोमीटर ट्रैवल करना है तो कुछ टाइम लगेगा कुछ स्पीड से जाऊंगा तो कुछ टाइम लगेगा कुछ स्पीड से जाऊंगा हाँ, सर लेकिन मान लो अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूं तो जितना टाइम लग रहा था उससे कम लगेगा एक बार ऐसे बताता हूं मान लो मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करना है हंड्रेड किलोमीटर मैं स्पीड चला रहा था कुछ एक्स की कुछ एक्स स्पीड से और मुझे टाइम लग रहा था कुछ टीवन पहले क्वेश्चन का समझो मान लो मेरा डिस्टेंस मैं 100 किलोमीटर जा रहा था मैं स्पीड एक्ट से जा रहा था टाइम मुझे कुछ टीवन लग रहा था लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दू अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दू, तो आप मानते हो टाइम कम लगेगा तो आप मानते हो टाइम कम लगेगा हाँ सर टाइम में गढ़ोती होगी भैया टाइम कुछ कम लगेगा कुछ कम समझ में आ रहा है यह चीज समझ में आई जल्दी बताओ भैया समझ में आया फिर से बताऊंगा मान लो मैं डिस्टेंस कुछ आप लोग बताना मान लो मैं डिस्टेंस कुछ 200 किलोमीटर जा रहा हूं ठीक है मैं किसी स्पीड से मुझे टाइम लग रहा है मुझे टाइम लग रहा है मान 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 लो 4 माल लो माल लो माल लो माल लो 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 घंटे घंटे ठीक है? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि डिस्टेंस मुझे उतना ही कवर करना है मैं स्पीड मैंने कम कर दी अब मैं थोड़ा सा धीरे चला रहा हूं गाड़ी को तो स्पीड मैंने कुछ कम कर दी मान लो एक्स माइनस टेन कर दी x माइनस टेन किलोमीटर पर आवर पहले सत्तर की स्पीड से जा रहा था अब साठ की स्पीड से जा रहा हूं तो मुझे बस आप ये बताओ टाइम कितना लगेगा चार घंटे लगेगा या चार से कम या चार से ज्यादा बस, बस इतना बता दो बस इतना बता दो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा फिर बता दो भैया फटाफट भट बताइए भैया यश यश मंडलेकर नमस्ते नमस्ते अरे बोलो भैया कहीं जाना नहीं भैया कहीं जाना नहीं थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं बट अच्छे क्वेश्चंस बस ये बता दो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा अगर स्पीड कम कर दूं तो बताओ 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 ज्यादा लगेगा ना सिंपल सी बात है भैया स्पीड कम कर दी तो ज्यादा समय लेके पहुंचोगे वहां पर बहुत बढ़िया ये बात समझ आती है बस यही है इस क्वेश्चन में बस वेरिएबल किसको लेना है वो मैं बताता हूं तो क्या बोल रहे भैया एक ट्रेन होगी एक ट्रेन होगी उसको कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना है मुझे नहीं पता कितना मुझे नहीं पता कितना ठीक है है उस वो किसी स्पीड से जा रही है और किस कुछ टाइम ले रही है तो मान मान लेता लेता हूं सुनना, माल लेता हूं सुनना कि इसकी स्पीड होगी और उसको टाइम लग रहा है कुछ वाई समझ में उसकी स्पीड एक्स होगी और उसको कुछ टाइम लग रहा है वाई आवर्स स्पीड कुछ एक्स किलोमीटर पर आवर होगी समझ मारा है आवर्स और किलोमीटर नहीं लिख रहा है तो आप कंफ्यूज हो गए डिस्टेंस पता नहीं ट्रेन कितना चल रही है बट कुछ डिस्टेंस चल रही है उसकी होगी उसको time y लग रहा होगा। अब क्या बोला? If the train could have been 10 faster, अगर distance उतना ही करना है, अगर वो अपनी स्पीड दस से बढ़ा लेती तो उसको टाइम कम लगता उसको पहले टाइम वाई लग रहा अब टाइम कम लगता तो उसको टाइम कितना लगेगा लिखा हुआ है it would have taken two hours less, तो उसको पहले y पता पता नहीं, पता नहीं देखा जाएगा। अच्छा, अब क्या बोला? पहले ट्रेन की दस से बढ़े, अब ट्रेन की दस से कम कर दी। distance उतना। कर दी। दी उतना, से कम, तो टाइम ज्यादा लगेगा टाइम वाई से कुछ ज्यादा लगेगा कुछ वाई प्लस कितना ज्यादा भैया टाइम लग रहा है, है कितना इट वेव टेकन थ्री आवर्स मोर तो वाई प्लस थ्री समझ में आ रहा टाइम स्पीड कम करी तो टाइम ज्यादा स्पीड ज्यादा करी तो टाइम कम समझ में आया फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन क्या निकालने को बोल रहे डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन अब ये क्वेश्चन अलग क्यों है क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन निकालने को बोल रहे तो आप क्या बोलोगे डिस्टेंस निकालने को बोल रहे हैं डिस्टेंस को वेरिएबल मान लेता हूं लेकिन अगर आप डिस्टेंस को वेरिएबल मानोगे तो एक ही वेरिएबल आएगा अगर आप डिस्टेंस को वेरिएबल मानोगे तो एक ही वेरिएबल आएगा लेकिन हम लोग तो दो वेरिएबल में डील कर रहे हैं समझ में आ रहा तो डिस्टेंस को आप वेरिएबल नहीं मानोगे समझ में दोस्तों आंसर आ गया पता कैसे पता कैसे देखो स्पीड एक्स टाइम ये तो डिस्टेंस एक्स इंटू वाई स्पीड इंटू टाइम यहां पर डिस्टेंस क्या आएगा भैया एक्स प्लस टेन इंटू चलो नीचे लिख देता हूं आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, से देखना भैया डिस्टेंस आ जाएगा आपका इस केस में स्पीड इन टू टाइम तो एक्स माइनस टेन इंटू वाई प्लस थ्री

प्लस थ्री एक्स माइनस टेन वाई माइनस थर्टी हाँ सर चलो कोई बात नहीं इधर देखते हैं भैया इधर देखते हैं भैया डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई एक्स इंटू माइनस टू माइनस टू एक्स टेन इंटू वाई टेन वाई ठीक है माइनस टेन इंटू माइनस टू माइनस ट्वेंटी एक प्रॉब्लम है एक प्रॉब्लम है एक्स वाई के फॉर्म में इक्वेशन तो मिल रही है लेकिन सर ये अजीब सा कुछ एक्स वाई एक्स वाई दिख रहा है और ये डी भी तो दिख रहा है डी को मैं कुछ लिख सकता हूं डी अपना एक्स वाई के बराबर डी अपना एक्स वाई के बराबर तो मैंने यहां पे क्या कर दिया सुनना ध्यान से डी की जगह लिखा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस टेन वाई

ट्वेंटी इधर ले आओ तो आगे आपका ट्वेंटी का टू एक्स प्लस टेन वाई आपकी दूसरी क्वेश्चन आ गई इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है आपका आंसर आ जाएगा ठीक है? है एक बार फिर से समझाता हूं मैंने क्या करा कुछ डिस्टेंस ट्रेन को चलना है मुझे नहीं पता कितना ट्रेन कुछ स्पीड से चल रही है मैंने मानी एक्स ट्रेन कुछ टाइम ले रही है मैंने माना वाई ठीक है तो डिस्टेंस कितना आएगा स्पीड इन टाइम होता है डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इन टाइम सही बात है तो डिस्टेंस कितना आएगा अगर स्पीड एक्स टाइम बाय तो एक्स वाई डिस्टेंस आएगा ठीक है अब क्या ट्रेन को उतना ही डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन को उतना ही डिस्टेंस कवर करना है लेकिन इस बार क्या हो गया भैया स्पीड बढ़ा दी तो मान लो स्पीड क्या कर दी भैया स्पीड आपकी दस से बढ़ाई तो टाइम कम लगेगा तो टाइम आपको टाइम कितना हो गया भैया टाइम कुछ कम मतलब कुछ वाई माइनस टू दिया हुआ शायद दो घंटे कम लग रहा है आपको टाइम अगर स्पीड आप दस से बढ़ा रहे हो तो टाइम दो कम लग रहा है अब उसके बाद डिस्टेंस फिर से उतना कवर करना है लेकिन इस बार अगर स्पीड में कम कर दू कुछ माइनस कर दू तो टाइम कुछ ज्यादा लगेगा कितना कुछ वाई प्लस थ्री लग रहा है शायद टाइम तीन घंटे ज्यादा लग रहा है समझ में आया तो बस भाई ये तीन केसेस हैं आंसर निकाल लो यहां से आपकी इक्वेशन बनेगी कैसे भैया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम

थर्टी इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टेन वाई थर्टी टू थ्री एक्स माइनस टेन वाई ये सॉल्व करने वाले लेकिन कौन लोग हैं भैया काहे कर रहे हो ट्वेंटी आप देखो ध्यान से y का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है बस साइन अलग है तो आप दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो क्या कर दिया आपने प्लस कर दिया दोनों इक्वेशन को ठीक है तो साइन चेंज नहीं होगा 30 प्लस ट्वेंटी आ गया 3x माइनस टू आपका कितना आ गया ये कैंसिल हो गया तो 50 आ गई मतलब किलोमीटर पर आवर आपका किलोमीटर पर आवर आ गया समझ में इन टू फिफ्टी माइनस टेन वाई वन फिफ्टी माइनस टेन वाई इज इक्वल टू थर्टी तो आ तो गया, तो गया आपका भैया कितना टेन वाई टेन वाय आ गया आपका वन ट्वेंटी सही है हाँ सर तो वाई इज इक्वल टू आ गया आपका ट्वेल्व आवर्स समझ में निकालना क्या था डिस्टेंस तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी भैया x टाइम कितना y तो डिस्टेंस आपका आ गया भैया पचास इंटू बारह पचास इंटू बारह दैट इज छह सो किलोमीटर आंसर समझ में आया समझ में आया अरे भैया समझ आ गया तो लिखो आ गया ए जी। लिखो आ गया हा दोस्तों एक ही क्वेश्चन को दो दो बार एक्सप्लेन करो तुम्हारे लिए ठीक है चलिए भैया क्या क्वेश्चंस बचे हैं अब अब थोड़े से इजी से क्वेश्चंस बचे हैं क्या करा जाए चलो चलो यहां पे देखते हैं ठीक है इसको देखो अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन कैसे करे जाए इक्वेशन सॉल्व नहीं करके दूंगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं सुनना समझो 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 ठीक है पानी पानी पी ले, पानी पी ले। सर पीडीएफ पीडीएफ में बिल्कुल मिलेगी ऐप आपको PDF मिल जाएगी सलोनी आई लव यू यूअर क्या बोल रहे भैया पागल हो गए हो क्या सलोनी जी को भैया प्रपोज आ रहा है चैट बॉक्स में ऐसे काहे कर रहे वो सर प्लीज नाम ले दो आदित्य सिंह नमस्ते चलो चलो जरा देखना ठीक डाउनस्ट्रीम है आपकी खुद आप, आप तो की स्पीड बोल सकते हो क्योंकि आप बोट पर ही बैठे हुए हु। समझ में एक बोट होगी बोट की जो भी स्पीड होगी वही आपकी स्पीड होगी क्यों क्योंकि आप बोट पर बैठे हो तो मैं क्या बोल रहा हूं मोटा मोटा भैया बोट की कोई स्पीड होगी और एक पानी की स्पीड होगी एक पानी मतलब स्ट्रीम की स्पीड होगी पानी को आप स्ट्रीम बोल सकते हो क्या स्ट्रीम बोल सकते हो या फिर करंट बोल सकते हो या फिर वाटर बोल दो ठीक है या फिर वाटर बोल दो समझ है हाँ सर बहता हुआ पानी करंट या फिर स्ट्रीम कहलाता है क्लियर हुआ तो यह पानी की कोई स्पीड होगी और बोट की कोई स्पीड होगी बोट मतलब आप समझ में आप उसको कुछ एक्स और वाई ले लेना ठीक है अब इमेजिन करना डाउनस्ट्रीम जाने का मतलब क्या होता है डाउनस्ट्रीम जाने का मतलब क्या होता है कि आप नीचे जा रहे हो बोट लेके आप नीचे जा रहे हो बोट लेके और पानी भी पानी हमेशा नीचे फ्लो करेगा आपको यह मान के चलना कि पानी हमेशा नीचे फ्लो करता है समझ में रहा है तो कहने का मतलब क्या अगर आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो सुनना मेरी बात अगर आप डाउन जा रहे हो उसको इधर लिखते हैं भैया डाउन जा रहे हो होगा ठीक है तो भैया मान लो आपकी कोई बोट होगी मान लो भैया क्या हो गया भैया डाउन स्ट्रीम हाँ मान लो आपकी कोई बोट होगी ठीक ओके okay, सर बोट मान लो आप बैठे हो भैया ठीक है है okay, ओके सर अब अगर बोट की स्पीड आपकी है, और पानी भी नीचे ही जा रहा है पानी की स्पीड मान लो वाई तो आपकी डाउन स्ट्रीम जाने की स्पीड क्या होगी बोट की स्पीड या फिर आपकी स्पीड एक्स और पानी की स्पीड वाई तो नीचे जाते समय बोट आपकी मदद कर रही है भैया बोट भी नीचे जा रही है आप नीचे जा रहे हो और पानी भी नीचे जा रहा है मतलब डाउन स्ट्रीम की, की स्पीड कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस नेट स्पीड भी बोल सकते हैं। वैसे आप इमेजिन करो अपस्ट्रीम की बात करो अब आप अपस्ट्रीम की बात करो तो मान लो बोर्ड की स्पीड एक्स आप ऊपर जा रहे हो आप ऊपर जा रहे हो हाँ सर अभी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम क्या? क्या पानी तो नीचे आएगा पानी तो वाई स्पीड से नीचे आ रहा होगा तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी सोच के बताओ भैया अपस्ट्रीम मतलब ऊपर जाने की स्पीड क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम जाने की स्पीड भैया आप यानी की स्पीड x क्यों क्योंकि पानी आपको रोकने की कोशिश कर रहा है भाई आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो पानी आपको रोकने की कोशिश कर रहा है तो स्पीड माइनस हो गई क्या बात समझ आया सर डिलीटेड है क्या डिलीट बाद में देखेंगे भैया डिलीटेड है तो डिलीटेडिक में काम आ जाएगा समझ आया इतनी बात क्लियर हुई भैया कॉन्सेप्ट क्या डाउनस्ट्रीम की स्पीड में प्लस हो जाता है अपस्ट्रीम में आपका माइनस हो जाता है इतना चीज समझ में आई अब बस इजी है अब बस इजी है फॉर्मूला भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ठीक है अब क्वेश्चन समझो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम किलोमीटर इन टू आवर्स ऋतु की बात कर रहे हैं कि ऋतु जी मेरी बहन का नाम भी ऋतु है भैया वैसे हम दोनों ट्वेंस हैं

अप स्ट्रीम की चीजें दी हुई है ओके सर सुनना मेरी बात तो भैया टाइम कितना अपस्ट्रीम जाने में चार घंटे लग रहे हैं और डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं भैया डिस्टेंस अपना चार किलोमीटर समझ में तो ये कोई केस दिया हुआ है ये कोई केस दिया हुआ है अब एक्सोर वाई किस को मानना है वो समझो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट जैसे कि मैंने बोला था दो चीजों की स्पीड की बात करेंगे आप या बोट की स्पीड या फिर करेंट की स्पीड तो आपने क्या माना कि लेट लेट स्पीड ऑफ करेंट लेट स्पीड ऑफ करेंट इज इक्वल टू आप मान लो वाई किलोमीटर पर आवर एंड लेट स्पीड ऑफ ऋतु इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर याद रखना ऋतु बोट पर है तो बोट की स्पीड भी एक्स हो जाएगी समझ में बिना सोचे समझे फॉर्म लगाओ ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है

बताऊंगा टेंशन मत लो यहां पे लगाओ भैया डिस्टेंस इज इक्वल टू तो स्पीड इन टू टाइम तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है जाने में, चार किलोमीटर स्पीड कितनी है बस यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस होता है टाइम कितना लग रहा है ऋतु को चार घंटे सर सॉल्व कैसे करेंगे वो आप लोग को आता है भैया कैसे करोगे देखो भैया टू अंदर गया तो ये आ गया ट्वेंटी या फिर ऐसा कर लो इधर तो टेन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक ही ये और आपका भैया आप चार किलोमीटर दो घंटे में चार किलोमीटर अच्छा यहाँ पे चार किलोमीटर दो घंटे चार किलोमीटर दो घंटे अच्छा यहाँ पे दो घंटे लग रहे हैं दोनों के दो घंटे यहाँ पे दो लिख दो यहाँ पे दो लिख दो भैया रू 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 यहां पे टू आ जाएगा ठीक है यहां पे आपका टू आ जाएगा ठीक है क्लियर है टू नीचे टू डूजा फोर ठीक है ठीक है समझ में आया क्या बोल रहा हूं बस आपको इतना याद रखना है सुनना बोट या आपकी या आपकी स्पीड को अगर मैं एक्स ले रहा हूं और पानी या फिर करंट या फिर स्ट्रीम की स्पीड को मैं वाय ले रहा हूं तो आपको बस इतना याद रखना कि डाउनस्ट्रीम जाते वक्त स्पीड क्या हो जाएगा प्लस क्यों रीजन बता दिया अपस्ट्रीम जाते वक्त स्पीड क्या हो जाएगा भैया x माइनस वाई बस एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेगा आप आपकी स्पीड से माइनस करोगे आप आपकी स्पीड से प्लस करोगे आपकी स्पीड एक्स आपकी स्पीड एक्स एक्स से प्लस वाई करा एक्स से माइनस वाई करा ठीक है ठीक है एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है एक और क्वेश्चन अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्क्रीन के सामने आ रहा है ठीक है डाउन स्ट्रीम में प्लस करेंगे अपस्ट्रीम में माइनस करेंगे बस इतना याद रखना क्या बोला भैया फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट तो लेट क्या बोला फटाफट लेट थर्टी पे आ गया भैया लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर ठीक है एंड क्या पूछा स्पीड ऑफ करेंट या फिर स्ट्रीम तो लेट लेट स्पीड ऑफ आराम से लिखो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी मानी वाई किलोमीटर पर आवर आप बस इतना अलग से लिख दिया करो क्या डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी डाउनस्ट्रीम की स्पीड की बात करो कितनी होगी भैया एक्स प्लस वाई एंड अब स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी भैया एक्स माइनस वाई बस इतना आपको समझ में आना चाहिए बाकी सब तो इजी है करें क्वेश्चन सॉल्व अब बोट गोज बारह किलोमीटर ऊपर बोट किलोमीटर ऊपर अच्छा एंड चालीस किलोमीटर नीचे इन आठ घंटे एक बोट है केस वन में क्या हो रहा है भैया दो बनेंगे में क्या हो रहा है सुनना एक बोट है सुनना जो 40 नहीं जो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है क्या जा रही है अपस्ट्रीम जा रही है एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रही है आठ घंटे में ये दोनों काम करने में बोट को आठ घंटे लगता है ये दोनों काम करने में बोट को आठ घंटे लगता है ये इक्वेशन बनाना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आएगा एज इट इज इक्वेशन और क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आ जाएगी तो अभी समझ लो ठीक है लास्ट क्वेश्चन है भैया स्पीड टाइम डिस्टेंस का ठीक है अच्छा अगला केस भी समझ आ रहा होगा क्या केस टू में क्या हो रहा है सुनना केस टू में क्या हो रहा है भैया सुनना इट कैन गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है बोट और 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रही है 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रही है कितने घंटे में सेम टाइम में सेम टाइम मतलब यह करने में भी बोट को आठ घंटा ही लगता है सेम टाइम मतलब जितना यहां लग रहा है उतना यहां लग रहा है सर इक्वेशन कैसे बनाऊ स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मुला पता है लगा दो बिना सोचे समझे अब स्ट्रीम में अलग डाउन स्ट्रीम में अलग लगाए चलो लगाते हैं भैया पीछे करते हैं पीछे कर भैया केस वन की बात कर रहा हूं ठीक है ओके सर केस वन बारह किलोमीटर अपस्ट्रीम गया ठीक है और, और और कितना था भैया चालीस किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चालीस किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ठीक है टाइम दिया हुआ है आठ घंटे अब सुनना मेरी बात अब स्ट्रीम में अलग लगा है फार्मूला ठीक है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम मैं कॉन्फिडेंट हूं मुझे ये फार्मूला आता है डिस्टेंस 12 स्पीड अपस्ट्रीम की मतलब x y हां सर टाइम कितना लग रहा है अपस्ट्रीम जाने में सर अपस्ट्रीम जाकर डाउनस्ट्रीम आने में टाइम आठ घंटा लग रहा है सर अपस्ट्रीम जाकर डाउनस्ट्रीम आने में टाइम आठ घंटा लग रहा है लेकिन सर अपस्ट्रीम जाने का अलग से टाइम दिया ही नहीं है कोई बात नहीं अपस्ट्रीम जाने का टाइम हम टी वन मान लेते हैं एक क्वेश्चन याद आया होगा तो टी वन की वैल्यू बारह अपॉन एक्स माइनस वाई आ गई ठीक है सुनते जाना हार मत मानना वैसे डाउनस्ट्रीम में फॉर्मा लगाओ तो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कितना चालीस जा रहे डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जाते वक्त स्पीड क्या हो जाएगी एक्सप्ल वाई टाइम कितना डाउन स्ट्रीम जाने का चालीस किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने का अलग से टाइम नहीं दिया तो मान लो कुछ टाइम टी लग रहा होगा टी मामा वाला t2 नहीं भैया है फोर्टी अपॉन एक्सप्ल वाई अच्छा तो समझ में आया क्या 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 क्या, क्या अपस्ट्रीम जाने का टाइम नहीं दिया डाउनस्ट्रीम आने का टाइम नहीं दिया लेकिन

अब भाई अगर ये क्लियर हुआ तो केस टू तो केस टू आप लोग बताइए केस टू में कहा बोल रहे हैं भैया केस टू में कहा बोल रहे कितना कितना डाउन गए भैया 16 किलोमीटर 32 किलोमीटर डाउन अच्छा 16 किलोमीटर अप गए 32 किलोमीटर डाउन गए कितना टाइम लग रहा है आठ घंटे दोनों काम करने में आठ घंटे लगे ठीक है ओके सर तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम चुमी ले लो इस को है 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 ना समझ आ रहा है? ठीक है सर डिस्टेंस कितना सोलह स्पीड अपस्ट्रीम वाली तो अपस्ट्रीम कितना स्पीड होता है टाइम कितना पता नहीं मान लो टी थ्री अरे नहीं पता ना कि सोलह किलोमीटर ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है तो आपके टी थ्री की वैल्यू आ गई सोलह पॉइंट एक्स माइनस वाई समझ में आया आया वैसे डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम डिस्टेंस कितना बत्तीस स्पीड डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम वाली एक्सप्ल वाई टाइम पता नहीं मान लो टी फोर तो बाय टी फोर थर्टी टू अपॉन एक्स प्लस समझ में हमें यह नहीं पता कि भैया अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है हमें यह नहीं पता कि डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है लेकिन हमें टोटल पता है कि अपस्ट्रीम जाकर डाउनस्ट्रीम आने में टाइम कितना लग रहा है टी थ्री प्लस टी फोर यानी आठ घंटे तो इसकी वैल्यू कितनी सिक्सटीन कि बाय एक्स माइनस वाई प्लस थर्टी टू बाई एक्स प्लस टू एट क्या आपको ये दोनों इक्वेशन बनाना समझ में आया पहली ये और दूसरी ये सर सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं सिखा दूंगा वो मैं सिखा दूंगा बताओ भैया क्या आप लोग को इक्वेशन बनाना आया क्या आप लोगों को इक्वेशन बनाना आया मैं क्या कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं बताओ देवेश जी नमस्ते धैर्य जी नमस्ते अब अब भी योद्धे अगर आपका नाम सही ले रहा तो आप एकदम सही आंसर दे रहे हो यार समझ तो लिखो एस जी समझ आया तो लिखो एस जी बताओ भैया बताओ भैया बताओ भैया आ गया इतना इजी है यार बहुत इजी है बहुत इजी है बतल, मतलब समझ में आना चाहिए चलिए भैया अच्छा अब सॉल्व कैसे करें आप क्या करोगे पहली इक्वेशन को इधर लिखा ट्वेल्व अपॉन एक्स माइनस वाई फोर्टी अपॉन एक्स प्लस टू एट ठीक है ये पहली इक्वेशन ठीक है आपको क्या करना है आपको क्या करना है जो आपको सेम दिख रहा है उसको आप कोई और वेरिएबल मान लो यहां पे इन टू वन लिखा यहां पे एन टू वन लिखा यहां पे इन टू वन लिखा यहां पे इन टू वन लिखा वन अपॉन एक्स माइनस वाई यहां पर भी दिख रहा है तो आप क्या करोगे लेट लेट वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी एंड लेट वन अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू सर फायदा क्या इक्वेशन चेंज हो गए में वन अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पी लिखा तो प्लस थर्टी टू क्यू इज इक्व टू एट

अब मैं सॉल्व भी करके देखता हूं सॉल्व भी करके देखता हूँ बड़ा होगा बड़ा होगा कोई दिक्कत की बात नहीं टू पी प्लस फोर क्यू इज इक्वल टू वन टू पी प्लस फोर क्यू इज इक्वल टू वन ठीक है थ्री पी प्लस टेन क्यू इज इक्वल टू टू थ्री पी प्लस टेन क्यू इज इक्वल टू टू कैसे सॉल्व करते हैं सर एलिमिनेशन लगा लो ऊपर हमने थ्री से मल्टीप्लाई करा नीचे हमने टू से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर आपका सिक्स पी आ गया ट्वेल्व क्यों आ गया या आपका थ्री आ गया यहां पे आपने सिक्स लिख दिया यहां पे आपने ट्वेंटी क्यों लिख दिया माइनस 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 कैंसिल आपका माइनस एट क्यू आ गया या आपका माइनस वन आ गया तो आपके क्यू की वैल्यू वन अपॉन एट आ गई समझ आया समझ आया सुनते जाना सुनते जाना ठीक है भैया तो क्यों आ गया

आंखें गड़ाकर ठीक है वन अपॉन एक्स माइनस वाई पी के बराबर तो है. पी मतलब पी मतलब पी मतलब भैया के बराबर तो यहां पर पी की जगह लिखा लिखाइंट फोर तो आपकी एक इक्वेशन आगे फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ठीक है यहां पे देखो यहां पे देखो वन अपन एक्स प्लस वाई क्यू के बराबर तो एक्स प्लस वाई क्यू के बराबर यानी वन अपॉइंट एट के बराबर तो एक इक्वेशन आगे एट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाप रे सर बाप रे सर सर कितना बड़ा क्वेश्चन है मैं जानता हूं बड़ा है मैं जानता हूं बड़ा है इन दोनों का सॉल्व करना ही आपका होमवर्क ठीक है वैसे आप लोगों ने कर लिया होगा ठीक है सर कौन सी बुक से करवा रहे हो भैया आर एस आर डी एनसीआरटी एग्जाम्पलर ओसवाल एनसीआरटी सब कुछ सब कुछ मिक्स सर क्या इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आते हैं बिल्कुल आते हैं बिल्कुल आते हैं बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं अभी उदय जी माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए एट क्लास वाले जो यहां पर आए हैं थैंक यू सो मच यार आने के लिए समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आया समझ में आया बोलो भैया बोलो भैया

चालीस किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया तो फॉर्मुला लगाया डिस्टेंस स्पीड टाइम का यहां से मुझे अपस्ट्रीम का टाइम मिला ये डाउन स्ट्रीम का टाइम मिला ये टोटल तो टाइम मुझे आठ घंटे दिया तो मैंने एक बनाई सिमिलरली यहां पर भी क्या 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया डी एस और टी का डीएस लगाया 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया तो डी एस और टी का डीएस लगाया यहां से टी थ्री मिला यहां से टी फोर मिला टी थ्री क्या अपस्ट्रीम जाने का टाइम टी फोर क्या है डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम हमें नहीं पता कि ये टाइम कितना है लेकिन हमें ये पता है टोटल टाइम कितना है मतलब पता है। इक्वेशन बनाई, one upon x minus y को कुछ एक बार भी करवा दिया। ठीक है हिम्मत बचिए क्वेश्चन करने की लो खत्म होने वाला है भैया लेक्चर खत्म होने वाला है भैया ध्यान दीजिएगा खत्म होने वाला है खत्म होने वाला है

टूगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड आप ऐसा सोचो हर सिटी में आजकल हम लोग टैक्सी ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है थी? वो टैक्सी वाला दो तरीके से चार्जेस लेता है एक तो वो सबसे फिक्स्ड चार्ज लेगा ले ही लेगा उसने कुछ डिसाइड कर लिया कि भाई इतना तो सबसे लूंगा मतलब मैं बुक करूं आयुष बुक करे प्रीति बुक करे कोई भी बुक करे वो फिक्स जो चार्ज तो सबसे लेने ही वाला मान लो फिक्स चार्ज वो बीस रुपए सबसे लेगा ही लेगा बस बुक करने के फिक्स चार्ज ले रहा है ठीक है और एक चार्ज डिपेंड करता है कि मैं आयुष और प्रीति कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहे यानी चार्ज पर किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर बात समझ आ रही है बात समझ आ रही है या फिर चार्ज फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल चार्ज फॉर द चार्ज फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल जाहिर सी बात है भाई वो सबसे एक फिक्स चार्ज लेगा लेकिन मान लो प्रीति बहुत दूर जा रही है तो उससे ज्यादा लेगा आयुष थोड़ा कम दूर जा रहा है उससे कम लेगा मैं बस बगल तक जा रहा हूं तो सबसे कम लेगा तो डिपेंड करता कि हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं अब सुनना आपरियबल किसको माना जाता है ठीक है फॉर अ जर्नी ऑफ टेन किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज सेवेंटी फाइव क्या दिया हुआ दस किलोमीटर जर्नी के लिए दस किलोमीटर जर्नी के लिए मान लो आयुष दस किलोमीटर की जर्नी करता है तो उसने टोटल पैसा कितना दिया उसने टोटल पैसा दिया सेवेंटी रुपीज सॉरी समझ में आया भैया और क्या बोला आगे फॉर जर्नी ऑफ पंद्रह किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज एक सौ दस पंद्रह किलोमीटर जर्नी के लिए मान लो प्रीति पे कर रही है भैया कितना एक सौ दस रुपए समझ में आ रहा है अब एक बात क्लियर हुई सेवेंटी फाइव रुपीज में कहीं ना कहीं फिक्स चार्ज छुपाए इस एक सौ दस रुपए में कहीं ना कहीं फिक्स चार्ज छुपाए दूसरा चार्ज क्या होता है एक्स ले रहा होगा और चार्ज पर किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर सुनना चार्ज पर किलोमीटर को आप वाई मान लीजिए क्या मान लीजिए भैया वाई मान लीजिए कहने का मतलब भैया मान लो चार्ज पर किलोमीटर दस होता दस रुपए तो अगर कोई एक किलोमीटर जाता तो दस रुपए लगते कोई दो किलोमीटर जाता तो बीस रुपए लगते कोई तीन किलोमीटर जाता तो तीस रुपए लगते कोई दस किलोमीटर जाता तो सौ रुपए लगते और फिक्स चार्ज तो लगता ही लगता समझ में आ रहा है तो भैया टैक्सी का चार्ज आप ऐसा लिख सकते हो टैक्सी का चार्ज कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा भैया फिक्स चार्ज फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर्ड प्लस चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड चार्ज फॉर डिस्टेंस या फिर डी कवर्ड समझ में आ रहा है अब आप खुद सोचो अगर कोई दस किलोमीटर जा रहा है अगर कोई दस किलोमीटर जा रहा है तो टैक्सी का चार्ज कितना लग रहा है पचहत्तर रुपए पचहत्तर रुपए इसमें कोई फिक्स्ड चार्ज होगा मान लो एक्स प्लस प्लस दस किलोमीटर जा रहा है तो एक किलोमीटर का अगर वाई लग रहा है एक किलोमीटर ट्रैवल करने का अगर वाई लग रहा है तो, तो दस का कितना लगेगा टेन वाई तो एक ही क्वेश्चन है ये? दस किलोमीटर के टेन वाई लग रहे हैं दस किलोमीटर के टेन वाई लग रहे हैं तो टोटल सेवेंटी फाइव देना पड़ रहा है वैसे ही वैसे ही दिमाग लगाओ भैया अगर कोई पंद्रह किलोमीटर जा रहा है तो पंद्रह किलोमीटर जाने के सुनना कोई फिक्स चार्ज लगेगा और तो एक किलोमीटर का वाई दो किलोमीटर का टू वाय तीन किलोमीटर का थ्री वाई चार किलोमीटर का फोर वाई दस किलोमीटर का टेन वाई तो पंद्रह किलोमीटर का पंद्रह वाई पंद्रह वाई कितना लग रहा है पंद्रह किलोमीटर का टोटल दिया हुआ एक सौ दस रुपए आपकी दूसरी क्वेश्चन यह आ गई समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है यहां पर मैं फिर से बता दूं टैक्सी का चार्ज दो तरीके से लिया जाता है एक फिक्स्ड चार्ज तो वो सबसे लेंगे ही लेंगे और दूसरा डिपेंड करता है कि सामने वाला बबुआ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मैंने माना कि चार्ज पर किलोमीटर मतलब एक किलोमीटर चार्ज एक किलोमीटर का दस रुपए लग, लग रहा है उस हिसाब से मैंने डिस्टेंस कवर का चार्ज निकाल लिया आ जाएगा भैया नमस्ते 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 कर लोगे ये वाला क्वेश्चन चार्जेस वाला बोल लो कर लोगे चार्जेस वाला क्वेश्चन तो बोल लो फटाफट बोल लो फटाफट बोल लो सर कितने सम और हैं तीन और हैं बस बस तीन और हैं बस तीन और हैं मैंने बोला था ग्यारह बजे तक खत्म कर दूंगा हर बोर्ड के बच्चे को पढ़ा देते हैं भाई समझ में आ गया समझ में आ गया अब आप अगर अपनी एनसीआरटी देखो या कोई और बुक देखो वहां पे एक और तरीके का ऐसा ही क्वेश्चन होता है चार्जेस लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन वो ट्राई करना वो ट्राई करना वो ट्राई करना ठीक है चलिए भाई चलिए भैया हिम्मत है तीन क्वेश्चन करने की बोल लो हिम्मत है तीन क्वेश्चन करने की कि थक गए कि थक गए बोल लो फटाफट बोलो यार जो लोग स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखते हैं यार उसके लिए मेरे लिए उसके लिए मेरे पास मैड रिस्पेक्ट है बहुत बड़ी बात है किसी YouTube के वीडियो को पढ़ाई वाले वीडियो को ज्ञान के वीडियो को स्कूल के बोरिंग पढ़ाई के वीडियो को पांच घंटे देखना मैड रिस्पेक्ट है यार मैड रिस्पेक्ट है बॉस लव यू ऑल यार तुम लोग लाइफ में मुझे नहीं पता तुम लोग बोर्ड में मार्क्स ला पाओगे नहीं ला पाओगे वो फर्क भी नहीं पड़ता सच बताऊं तो कोशिश जरूर करना लेकिन लेकिन तुम लोग फोड़ोगे यार तुम लोग कुछ करोगे यार तुम्हें दम है यार भाई बड़ी बात है यार ऐसे नहीं बोल रहा मीन कर रहा हूं दोस्तों चलिए भैया एक और क्वेश्चन कि बबुआ होगा सत्तर मार्क्स टेस्ट में लाता है गेटिंग फोर मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग वन मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर अब क्या हो रहा है सुनना मेरी बात क्या हो रहा है भाँ भाँ पे?

समझ आए क्या बोल रहे भैया सुनना मेरी बात राइट आंसर राइट आंसर करने के अगर राघव को चार मार्क्स मिल रहे हैं और रॉन्ग आंसर करने के अगर राघव को एक मार्क्स मिल रहे हैं ठीक है मतलब एक मार्क्स कट रहा है तो वो टोटल मिला केस कि में सत्तर मार्क्स लाता है कितना सत्तर मार्क्स टोटल समझ में आया लेकिन अगर लेकिन अगर राइट आंसर करने के उसको पांच मार्क्स दिए जाए मतलब उसने एक सही करा तो पांच मार्क्स दो सही करे तो पांच प्लस पांच दस मार्क्स तीन सही करे तो पांच प्लस पांच प्लस पांच पंद्रह मार्क्स रॉन्ग आंसर करने के अगर उसके दो मार्क्स कटते हैं अगर रॉन्ग आंसर करने के उसके दो मार्क्स कटते हैं तो वो इस केस में टोटल अस्सी मार्क्स लाता है समझ में आया अगर आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आया तो चैट चैटबॉक्स में आया तो चैटबॉक्स मेरे को आया मतलब समझ गए क्या पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चन इन द टेस्ट क्वेश्चन टेस्ट में थे ये है तो भाई हम तो दो वेरिएबल में खेल रहे टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे अगर उसको मैं वेरिएबल मान लेता तो एक ही वेरिएबल होगा फिर से बोलूंगा टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे अगर उसको मैं एक्स मान लू

लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स वो कितने राइट right आंसर्स देता है हमें नहीं पता ना वो कितने गलत आंसर देता है हमें नहीं पता ना तो लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स इज इक्वल टू एक्स एंड लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू वाई समझ में आया क्या है कॉन्सेप्ट कि वो कितने सही आंसर करता है एक्स मतलब कितने सही आंसर करता है दस सुनना वो कितने सही आंसर करता है मैंने माना एक्स वो कितने गलत आंसर करता है मैंने माना वाई अब समझे कॉन्सेप्ट सुनना आप लोग बताना अगर मैं पेपर में दो सही करता हूं तो मुझे इस वाले पैटर्न के हिसाब से कितना मार्क्स मिलेगा अगर मैं दो सही करता हूं कितने मार्क्स मिलेंगे भैया एक सही करने पर चार मार्क्स दो सही करने पर फोर इंटू टू मार्क्स अगर मैं पांच सही करता हूं तो फाइव इंटू फोर ट्वेंटी मिलेंगे अगर मैं दस सही करता हूं तो टेन इंटू फोर फोर्टी मिलेंगे अगर मैं ट्वेंटी क्वेश्चन सही करता हूं तो मुझे ट्वेंटी इंटू फोर एटी मार्क्स मिलेंगे अगर मैं सही करता हूं तो मुझे फोर एक्स मार्क्स मिलेंगे तो यहां पर क्या आ गया तो यहां पर क्या आ गया फोर एक्स समझ में अब मान लो अगर मैं दो गलत करता हूं तो कितने मार्क्स कटेंगे एक का एक मार्क कटेगा दूसरे का दो एक और मार्क कटेगा तो दो मार्क्स कटेंगे अगर मैं तीन गलत करता हूं तो तीन मार्क्स कटेंगे थ्री इंटू वन अगर मैं चार गलत करता हूं तो फोर इंटू वन चार मार्क्स कटेंगे अगर मैं दस गलत करता हूं तो टेन इंटू वन दस मार्क्स कटेंगे अगर मैं y आंसर्स गलत करता हूं तो कितने कटेंगे वाई इंटू या फिर वन इंटू कटेंगे के लिए मैंने माइनस लगाया का 10 के लिए मैंने माइनस लगाया समझ मारा है बात भाई इतने तो मिलेंगे इतने कटेंगे इतने मिलेंगे आप ऐसा सोचो ना 100 मार्क्स मिले 20 मार्क्स कटे तो टोटल कितना 100 20 4x मार्क्स मिले 1/ मार्क्स कटे टोटल कितना 4x 1/ दिया हुआ है 75 सॉरी 70 एक इक्वेशन ये यहां पर क्या अगर मुझे 5 मार्क्स मिलते हैं सही आंसर करने के ओ भैया हां सुनना अगर मुझे पांच मार्क्स मिलते हैं सही आंसर करने के तो अगर मैं दो सही करता हूं तो फाइव इंटू टू तीन सही करता हूं तो फाइव इंटू थ्री दस सही करता हूं तो फाइव इंटू टेन अगर x सही करता हूं तो फाइव इंटू एक्स गलत कितने कर रहा हूं गलत करने पर दो मार्क्स कट रहे हैं गलत कर रहा हूं वाय गलत करने पर दो मार्क्स कट रहे हैं गलत कर रहा हूं वाय तो अगर मैं दस गलत करता हूं तो टेन इंटू टू मार्क्स कटेंगे अगर मैं पांच गलत करता हूं तो फाइव इंटू टू मार्क्स कटेंगे अगर मैं y गलत करता हूं तो y इंटू टू दैट इज टू वाई मार्क्स टू वाई मार्क्स कटेंगे और कितने मिलेंगे भैया अस्सी मिलेंगे एक इक्वेशन ये आपको यहां से पता चल जाएगा कि राघव राघव नहीं राघव कितने क्वेश्चन सही कर रहा है कितने क्वेश्चन गलत कर रहा है राघव कितने क्वेश्चन सही कर रहा है कितने क्वेश्चन गलत कर रहा है यह आपको कॉमेंट में बताना है भैया होमवर्क जो जो छोड़ रहा हूं आपको बताना है दोस्तों जो जो छोड़ रहा हूं आपको बताना है ठीक है भैया ठीक है भैया समझ में आ गया वेरी गुड एच एक्स कॉम्रेड बोस सही है सुरेखा पटेल सही है शायद ठीक है कोरिंग कोरियन ब्लिंक सही है शायद बहुत बढ़िया सर एक होमवर्क दे दीजिए सर एक होमवर्क दे दीजिए देते हैं भैया आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एक और क्वेश्चन आप कर ही लेते हैं यार मेरा मन नहीं था बट कर लेते केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा ठीक है ये क्वेश्चन और निपटाते हैं यार जब इतना कर लिया तो इतना भी कर लो को छोड़ रहे हो कुछ और जियोमेट्री का बोर्ड में आया हुआ है लास्ट क्वेश्चन ऑफ देशन के स्टडी बेस्ड आपका होमवर्क होगा बहुत सारा सा क्वेश्चन है कॉमेंट बॉक्स पे आंसर करना है ठीक है इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑफ लास्ट क्वेश्चन चार पांच घंटे की क्लास होने वाली है इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑफ अ स्कूल अ चाइल्ड मेड अ इंडियन नेशनल फ्लैग हुई फिफ्टी सेंटीमीटर एक चाइल्ड ने इंडिया का फ्लैग बनाया जिसका पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर एक बात बताओ इंडियन फ्लैग कौन से शेप का होता है ए सर्कुलर शेप का होता है अबे पागल हो क्या रेक्टेंगल शेप होता है आपने देखा भी होगा इंडियन फ्लैग रेक्टेंगल शेप होता है अच्छा तो एक बात तो क्लियर हो गई भैया रेक्टेंगल शेप का आपका फ्लैग है इसका पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर समझ रहे हो बॉस हां सर समझ रहे सुनते जाना मेरी बात ठीक है इट्स एरिया विल बी डिक्रीज इसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा रेक्टेंगल का कुछ एरिया होगा इसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा बाय सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर छह सेंटीमीटर से डिक्रीज हो जाएगा इफ लेंथ इज बाय अगर इसकी लेंथ तीन से कम कर दू और ब्रेथ दो से ज्यादा कर दू देशन ऑफ द फ्लैग भाई नहीं समझ आए छोड़ो मैं बताता हूं मैं बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चन को करा जाता है सुनना मेरी बात ठीक है सुनिएगा भैया अब गला एकदम जाने वाला है सुनिएगा ध्यान से ठीक है इंडियन फ्लैग क्या बोला डायमेंशन निकालने फ्लैग के मतलब फ्लैग का लेंथ और ब्रेथ निकालना है तो मान लो लेंथ को मैंने एक्स बोला मान लो मान लो भैया लेंथ को मैंने एक्स बोला एंड ब्रेथ को मैंने एंड ब्रेथ को मैंने वाई बोला ठीक है तो अपनी लेंथ हो गई एक्स अपनी ब्रेथ हो गई वाई आपको लेंथ और ब्रेक यानी डायमेंशन ऑफ द फ्लैग निकालने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी कहां से बनेगी दो इक्वेशन एक दी हुई है पेरीमीटर वाली हाँ सर पेरीमीटर वाली इक्वेशन दी हुई है क्या पेरीमीटर होता है 2 लेंथ ब्रेथ 50 के बराबर लेंथ अपनी x तो 2 x y 50 के बराबर यानी x y पच्चीस के बराबर तो एक इक्वेशन तो लेंथ और ब्रेथ यानी x और y के फॉर्म में आ गई एक इक्वेशन तो आ गई समझ आ रहा है हाँ सर अब सुनना भैया सुनना भैया सुनते जाइएगा सुनते जाइएगा ठीक है हाँ सर अच्छा लेंथ आ गई एक ही क्वेश्चन आ गई दूसरी कैसे आएगी क्या बोल रहे हैं एरिया इसका कुछ होगा इसके कुछ एरिया की बात कर आप एक बात बताओ इसका एरिया कितना होगा इसका एरिया कितना होगा लेंथ इनटू ब्रेट लेंथ इनटू ब्रेट यानी एरिया कितना x y सही बात है हां सर तो आप ऐसे इमेजिन करो एरिया है लेंथ है और ब्रेट है लेंथ आपकी एक्स दी हुई है ब्रेथ आपकी वाई दी है तो आपका एरिया एक्स और वाई अब क्या बोल रहे एरिया छ से कम हो जाएगा एरिया, एरिया, सेंटीमीटर से कम हो जाएगा अगर लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाए तीन से पहले लेंथ एक्स थी अब तीन से डिक्रीज कर दी ब्रेथ का क्या करा भैया ब्रेथ को इंक्रीज करा दो से तो breadth y थी थी दो से पहले breadth y थी, अब टू हंड्रेड माइनस सिक्स हो गया पहले एरिया कुछ होगा तो अब 200 minus 6 हो गया पहले एक्स वाई होगा एक्स वाई माइनस सिक्स हो गया इस केस में लगाइए तो एरिया इज इक्वल टू एरिया कितना एक्स वाई माइनस सिक्स इज इक्वस टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू कितना वाई प्लस टू माफ करिएगा यहां पे वाई प्लस टू आएगा ठीक है तो आपका यह आ गया एक्स y वाई एक्स इंटू टू मतलब टू एक्स ठीक है माइनस थ्री इंटू वाई माइनस थ्री वाई कट जाएगा तो मेरे ख्याल से जीरो आ रहा है ये जीरो आ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं जीरो आ रहा है पक्का सही है एक बार चेक कर लो भैया हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो एक्स इंटू वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स इंटू टू टू एक्स ठीक है माइनस थ्री इंटू वाई माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स ठीक है एक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स कट जाएगा सही है एकदम सही है एकदम सही है भैया एकदम सही है भैया ठीक है ठीके? तो ये आपके दो इक्वेशन है सॉल्व करना आपका काम सॉल्व कर लेना सॉल्व कर लेना डायमेंशन आपके मिल जाएंगे सॉल्व कर लेना दोस्तों कर लेना कर लेना कर लेना कर लेना कर लेना, कर लेना, कर लेना, कर लेना। कोई भी मेथड ग्राफिकल मत लगाना पागल हो क्या ग्राफ थोड़ी बनाएंगे ठीक है चलिए भैया ठीक है ठीक है आप चाहो तो लेंथ को एल ब्रेड को बी भी ले सकते हो अगर आपको वो आसान लगता है तो लेंथ इज सेवेंटीन ब्रेड इज एटीन कोई 17 ब्रेड एटीन निकाल लेना भैया अब मैं कैसे निकाल के दूं आप लोग को कर लेना चलो बोल तो दो एक्स प्लस के बराबर एक्स प्लस वाई पच्चीस के बराबर और टू एक्स माइनस थ्री वाई बोलता हूं, हूं, हूं. ठीक है मैंने क्या करा करा ऊपर मल्टीप्लाई तो ये आ okay, तो गया कितना कैंसिल गया आपका फाइव वाई इज इक्वल टू फिफ्टी तो आपके y की वैल्यू आ गई 10 मीटर आपका y यानी ब्रेड y यानी क्या ब्रेड ब्रेड आपका टेन मीटर सेंटीमीटर होगा ना सेंटीमीटर दोस्तों क्यों देखो ना सेंटीमीटर तो आपका सेंटीमीटर में आएगा दस सेंटीमीटर ठीक है और ब्रेड क्या लेंथ क्या भैया यहां देख लो 2x एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फिफ्टी तो 2x एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू फिफ्टी तो एक्स की वैल्यू आपकी पंद्रह आ जाएगी पंद्रह सेंटीमीटर मैं बोलता हूं लेकिन खुद ही सॉल्व कर देता हूं क्लियर है ठीक है भैया ठीक है थर्टी टू कोई बोल रहा है फिर से समझा दो बताता हूं देखो

तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने सबसे पहले वेरिएबल क्या माना कि लेट नंबर ऑफ राइट आंसर भी एक्स की राघव कितने सही आंसर दे रहा है उसको मैंने एक्स माना राघव कितने गलत आंसर दे रहा है उसको मैंने वाई माना अगर राघव आप खुद सोचना पांच सही मार्क्स पांच सही करता है पांच सही करता है तो केस के हिसाब से एक क्वेश्चन के चार मिल रहे हैं तो दो क्वेश्चन के आठ मिलेंगे तीन क्वेश्चन के के मिलेंगे चार तो लेकिन, तो लेकिन वो गलत भी तो कर रहा है अगर वो मान लो दो गलत करता है तो टू इंटू वन कटेगा गलत क्वेश्चन का टेन इंटू वन कटेगा अगर वो वाई क्वेश्चन गलत करता है तो वन इन टू वाई कटेगा तो इतना मिलेगा इतना कटेगा इतना मिलेगा इतना कटेगा टोटल मिल कितना है, उसको सत्तर मार्क्स ये दिया हुआ है वैसे दूसरे इक्वेशन क्या फाइव एक्स माइनस टू वाईज इक्व टू बन जाएगी ठीक है भैया हो गया भैया अब मैं चुप हो जाता हूं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच यहां पर क्या दिया हुआ है मैं आपको दिखाया था क्वेश्चन

एक शॉपकीपर होगा उसकी बुक स्टोर है एक शॉपकीपर होगा उसकी बुक स्टोर है क्या करता है भैया बुक वो रेंट पर देता है बुक वो रेंट पर देता है अरे ले ले लीजिए ले, लेके ले, ले जाइए समझ लो कोई बबुआ बाहर से आता है उनसे बोलता है भैया बुक दे दो तो बुक रेंट पर देता है मतलब वापस करना पड़ेगा अब क्या बोला ही टेक्स अ फिक्सड चार्ज फॉर भाई अब बुक दे रहा है तो कुछ पैसा तो लेगा है ना ऐसी थोड़ी धंधा करने बैठे है ना भैया तो ही टेक्स अ टेक्सड चार्ज फॉर द फर्स्ट टू डेज पहले दो दिन के वो फिक्स लेता है कुछ दस रुपए लेता होगा कुछ पंद्रह लेता होगा समझ रहा है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंटी मतलब उसके बाद हर एक दिन का दो दिन के बाद हर एक दिन का वो एक एडिशनल चार्ज लेता है समझ में आया तो आप समझ रहे हो क्या रहा है मान लो बुक वाले भैया के पास मैं गया मैंने बोला पांच दिन के लिए बुक दे दो भैया उसने बोला ठीक है दो दिन का वो फिक्स चार्ज लेगा और बाकी तीन दिन का वो एडिशनल चार्ज लेगा तो भैया मैं आपको ऐसे समझाता अमृता बाईस रुपए दे रही है छह दिन बुक को रख रही है ठीक है तो अमृता की बात करूं जरा अगर मैं अमृता की बात करूं सुनना मेरी बात ठीक है कितने पैसे दे रही है वो वो दे रही है बाईस रुपए टोटल ये बाईस रुपए में कौन कौन सा चार्ज आ रहा है कौन कौन सा है फिक्स्ड चार्ज फिक्स्ड चार्ज? फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज सही बात है क्वेश्चन को पहले समझ लो भैया मैंने बोला था ग्यारह बजे तक खत्म कर दूंगा ठीक है सर अब मैं मानता हूं कि लेट फिक्स्ड चार्ज हमारा एक्स है एंड चार्ज चार्ज फॉर ईच एडिशनल डे चार्ज फॉर ईच एडिशनल डे वाय रुपीज लग रहा है कहने का मतलब क्या आप खुद इमेजिन करो आप खुद इमेजिन करो मैं उस बबुआ के पास गया मैंने बोला पांच दिन के लिए बुक दे दो तो वो मुझे कितना पैसा लेगा पांच दिन की बात करो ठीक है तो वो पहले दो दिन का कुछ पैसा लेगा और तीन दिन का कुछ पैसा लेगा Beast दो दिन का वो कुछ फिक्स चार्ज ले रहा है यानी एक्स तीन दिन का कितना लेगा वो एक दिन का वाई ले रहा है मतलब वो हर एडिशनल दिन का दस रुपए ले रहा होगा तो दो दिन का बीस लेगा तीन दिन का तीस लेगा चार दिन का चालीस लेगा पांच दिन का पचास लेगा हर एडिशनल डे का दस रुपए ले रहा है समझ में आ रहा है तो अगर वो हर एडिशनल डे का वाई रुपीज ले रहा है तो मैं तीन एडिशनल डेज तक बुक लेकर गया तो वो मुझसे थ्री वाई रुपीज लेगा मतलब वो बेसिकली मुझसे एक्स लेगा और थ्री वाई लेगा। मतलब क्वेश्चन हाँ आप ही करोगे छह दिन के लिए तो भैया इससे वो दो दिन का कुछ फिक्स चार्ज लेगा और दो दिन का कुछ फिक्स चार्ज लेगा और बाकी के बचे चार दिन का कुछ लेगा तो दो दिन का वो कितना लेगा दो दिन का वो कुछ एक्स लेगा दो दिन का वो कुछ एक्स लेगा टू एक्स मत लिख देना दो दिन का वो सबसे फिक्स्ड चार्ज लेता है इसलिए उसका नाम फिक्स्ड है है भैया बाकी के बचे चार दिन का हर additional day का हर एडिशनल डे ले रहा है तो बाकी के बचे फोर वाई लेगा मतलब इतना वो से टोटल लेगा तो एक्स प्लस फोर वाई फिक्स चार्ज लेगा एक्स फोर वाई एडिशनल डे का फिक्स चार्ज लेगा एक्स फोर वाई एडिशनल डे का तो आपका कितना आ गया भैया ट्वेंटी क्यों

सी रही है अमृता की इक्वेशन x प्लस फोर बाय बाईस के बराबर हाँ ऑप्शन नंबर सी समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ठीक है राधिका आप बताना बताना उसके बाद ये वाला क्वेश्चन और डे मतलब हर एडिशनल डे का कितना चार्ज लग रहा है और एक और क्वेश्चन द टोटल बुक फॉर टू डेज ठीक है अच्छा एक सेकंड पहले आप लोग चैट बॉक्स में बताओ आप लोग कर, लो लो कर, लो कर, लो कर लोगे ना आप लोग कर लोगे ना कि नहीं कर पाओगे आप लोग कर लोगे कि नहीं कर पाओगे कि मैं करके आप लोग कर लोगे कि नहीं कर पाओगे भाई कि मैं मैं करके कर दूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं है मैं कोई दिक्कत की बात नहीं भैया ठीक है अमृता का मैंने बता दिया आप लोग को ये अपने अमृता देवी जी का है भैया अब आपको मैं राधिका का भी बता सकता हूं वैसे राधिका जी क्या कर रही हैं राधिका जी सोलह रुपए दे रही हैं चार दिन का समझ में आ रहा कर लोगे कि नहीं बताओ भैया राधिका की बात करूं राधिका की बात कर राधिका की ठीक है तो ये चार दिन तक बुक रखती कर लोगे पक्का इजी है चलो ठीक है कर लेना इसकी बना के के छोड़ देता हूं डेज लिए बुक रख रही है तो भैया चार डेज को दो डेज और दो डेज में डिवाइड कर रखियो क्यों? क्योंकि दो डेज का तो वो शॉपकीपर एक्स रुपए लेगा इससे और बाकी के बचे दो दिन का एक एडिशनल का वाई ले रहा है तो दो एडिशनल डी का टू वाई लेगा तो ये एक्स प्लस टू वाई कितना ले रहा है सोलह रुपए ले, ले रहा है तो ये आपका राधिका का आ गया ठीक तो तो है बता देना ये भी आपका होमवर्क अभी क्लास खत्म होने में बता देना और ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है स्टार के मार कर लेना और होमवर्क में बता देना ठीक है क्या विच इज द टोटल अमाउंट विच नी वॉट होगा टू मोर डेज अभी अमृता ने छह दिन तक बुक रखी राधिका ने चार दिन तक बुक रखी अगर वो दो दिन ज्यादा बुक रखते दोनों के दोनों तो कितना अमाउंट टोटल तो तो मिलकर देते शॉपकीपर को बता देना आंसर कर रहे हो आप लोग दस रुपए फिक्सिंग 95 परसेंट तो आ ही जाएंगे Two days before exam, 50 तो पक्का लेकर आऊंगा भगवान इस बार बस पास करवा देना आप लोग मुझे बताओ आपकी क्या हालत है चैप्टर खत्म चैप्टर खत्म आप लोग बस आपकी क्या हालत है इस लेक्चर को देखने के बाद क्या आप लोग को विश्वास आया खुद पर क्या आया या मैं ऐसी बस बड़बोल करते जा रहा था बोलते आ रहा बोलते आ रहा बोलते आ रहा था, था, था। अस्सी स्लाइड्स हो गई दोस्तों थैंक यू सो मच 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 फिक्स चार्ज दस रुपए सही है सर खत्म हो गया मैं आज करना पड़ेगा यार अब तू खुद सोचना क्लास टेंथ का सिलेबस तुझे दस महीने में करने को बोला जाता है तू एक दिन में एक चैप्टर कर रहा है एक दिन में भी एक दिन में भी नहीं भाई पांच घंटे में तो मेहनत तो लगेगा ना दिमाग पे तो जोर तो आएगा ही ना भाई ठीक है सॉन्ग सर अरे गा दूंगा गाना गा के जाऊंगा गाना गा के जाऊंगा पक्का गाना गा के जाऊंगा ठीक है

डबल ट्रिपल दस गुना मेहनत करता हूं ताकि आपको अपने साइड से कम मेहनत करने पड़े किसी क्वेश्चन को समझने में मैं आपको उंगली पकड़ के क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई क्वेश्चन आराम से रीड कर वेरिएबल्स डिसाइड कर इक्वेशन बना मैंने आपको अप्रोच बताया कि टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा डब्बा बना दे भाई टू डिजिट नंबर वाले का अप्रोच का सॉरी एजिस वाले क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा डब्बा बना दे भाई टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा भाई क्या बताया टेन एक्स प्लस एक्स वगैरह 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 स्पीड टाइम डिस्टेंस में क्या करना है चारों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेकर आया अप्रोच बताया कि बस क्वेश्चन को रीड कर वेरिएबल डिसाइड कर और स्पीड टाइम और डिस्टेंस का फॉर्मुला भेज दे समझ में आया क्या अब कोई और क्वेश्चन लगाने की जरूरत है किसी को डाउट होगा तो भैया कोई और क्वेश्चन लगाने की यार देखो गलत सवाल है ना तो क्वेश्चन कुछ पचास परसेंट एफर्ट डाला जब जाके तुझे क्वेश्चन बना अब मैं चाहता हूं कि तू हंड्रेड परसेंट एफर्ट से क्वेश्चन बना मतलब कहीं से जाके कुछ दस बारह क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन बीस क्वेश्चन कर ले मेरे भाई आज मत कर कल कर ले तेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया इसके अलावा कुछ नहीं आएगा लेकिन फिर भी सामने से कॉन्फिडेंस आने के लिए तुझे खुद से कोशिश करना पड़ेगा ठीक है थोड़े से क्वेश्चन और कर ले करें कोई भी बुक जो तेरे पास रखी भाई उससे कर ले कोई दिक्कत की बात नहीं सर आर एस आर डी में कौन सा क्वेश्चन करें समझ नहीं आता जहां पे सीबीएसई लिखा होता है ना वो वाले क्वेश्चन मोर देन फॉर स्टैंडर्ड एकदम इनफ भैया एकदम इनफ डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट वही पढ़ा है जो स्टैंडर्ड मैथ्स में आएगा सर बेसिक में अरे भाई ये तो कर लोगे तो बेसिक तो बन ही जाएगा ठीक है भैया दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ठीक है वॉरियर्स बने रहना अभी वॉरियर बैच काफी लंबा है आई होप आप सारे मैथ्स के लेक्चर्स देख लो ले मैं आपसे मिलूंगा फिर से किसी और लेक्चर में आपके सारे कमेंट्स में रीड कर पा रहा हूं बस काफी तेजी से चल रहे हैं कोई डाउट हो तो बताओ भैया दो तीन मिनट रुक जाते हैं उसके बाद उसके बाद खत्म करेंगे सर्कल्स कब आएगा सर्कल्स यार शायद या को आने वाला है के जस्ट बाद जहां तक मुझे याद है ठीक है सॉन्ग सॉन्ग आ रहा हूं भैया सॉन्ग तुम लोग यार आवाज की लगी पड़ी है तुम लोग गाना गारे हो सर एग्जाम एक, में नहीं बनते क्वेश्चंस यार तू कोशिश तो करके जा

हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के तब जाके क्लास पांच घंटे की हुई है दोस्त तो बस तू कॉन्सेप्ट समझ मेरे यार तेरे फुल मार्क्स आएंगे मैं वादा कर रहा हूं मैं वादा कर रहा हूं फिर से रिपीट करूंगा बॉडी लाइन क्या क्या जितना बड़ा सपना होगा जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी मुश्किल होगी जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी मुश्किल होगी लेकिन जितनी बड़ी मुश्किल होगी ना उतनी बड़ी सक्सेस होगी याद रखना ठीक है एक गाना गाता हूं मूड लाइट करते हैं बाकी टेंशन वगैरह मत लो गाना गा के निकलते हैं ठीक है ओके सर जी थैंक यू सो मच दोस्तों गाना गा के मैं निकल लूंगा ठीक है सुनिएगा आ भैया ठीक चलिए सुनना ध्यान से ठीक है अब चिल करो रिलैक्स करो पानी वानी पियो चिल करो सो जाना अब इसके बाद ठीक है चिल करना किसी को मैसेज करना हो कॉल करना हो कर लेना आप तो पढ़ाई हो गई ठीक सब आ जाएगा टेंशन मत लो सब आ जाएगा भाई तुम्हारे लिए हम लोग हैं पीडब्ल्यू तुम्हारे लिए है ठीक है चलो हाँ यही रास्ता है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे अब ये दिखाना है र रोके तुझको आधिया गला गया या जमीया आसमा पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है ठीक है इसी के साथ मेरे दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से फिर कभी और तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखे मजे करें चिल करें अरे जो करना है वो करे बस किसी का नुकसान ना करे टाटा बाय थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गुड नाइट टेक केयर मिलते हैं बाय बाय